हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एलेक फॉर जुडिशरी जहाँ पर आज हम हिंदू और मुस्लिम लॉ जो है वो वन गो रिवीजन हम कह सकते हैं या फिर टू एक्स रिविजन जैसे कि आप जानते होंगे वो हम करने वाले हैं गुड आफ्टरनून तनवीर रघुवीर अरावली हेलो सो so, आज हम जो है uh, मैं आपको मुस्लिम लॉ जो है वो पूरा टू एक्स रिविजन करवाने वाली हूँ सो so, आप जानते होंगे कि हिंदू लॉ जो है जी अखंड प्रताप आ, ये लाइव सेशन ही है और अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है so, सो आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि बिहार जुडिशरी अभी यूपी आ, का मेंस होने वाला है तो उसमें आपको हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों ही आ, कवर करने हैं उसके बाद में आप बिहार के साथ साथ उत्तराखंड में भी आने वाला है ये जो मुस्लिम लॉ है और हिंदू लॉ जो है ये दोनों ही सब्जेक्ट आएंगे तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फॉर ज्यूडिशरी ने प्रिपेयर किया है एक ऐसा सेशन जहां पर आप हिंदू और मुस्लिम लॉ आज एक सेशन में ही पढ़ लेंगे ठीक है पूरा का पूरा रिवीजन हमारी कोशिश रहेगी कि हम मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों ही टू एक्स रिविजन के साथ आप लोगों का कवर करवा दें हाँ जी विशाल हरियाणा आईडीए में भी आता है फिर उत्कर्ष कुमार गुड आफ्टरनून हाँ हाँ बिल्कुल आ, मतलब यूके प्रम्स के लिए आ, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जहां पर हम कम से कम 19 से 20 आ, जो टॉपिक है मुस्लिम लॉ के वो आज यहाँ कवर कर लेंगे ठीक है तो यस मैम पूरा सिलेबस कवर होगा आज के सेशन में या कुछ स्किप होगा रेपिड वे में होगा Uh, मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि ये टू एक्स रिविज़न है और मुझे तीन से चार घंटे में आप लोगों को पूरा का पूरा मुस्लिम लॉ कवर कराना है तो एक आध टॉपिक जो कि रिलेवेंट नहीं है मतलब कि एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है तो वो हम हो सकता है कि स्किप कर दें बट उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारी कोशिश रहेगी कि उन सबको हम आज कवर कर लें बट उसके मतलब इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है और फाउंडेशन बैच जो है वो सत्रह अप्रैल ट्वेंटी से स्टार्ट होगा पाँच बजे इसकी टाइमिंग होगी और इसका जो सब्जेक्ट होगा वो है सी पी सी आई नो बहुत ही uh, टफ होता है C.P.C. बट अगर आप नितेश सर से C.P.C. पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि C.P.C. इतना जिसे हवा समझते हैं ना लोगों है नहीं ठीक है तो उसके लिए आप चाहें तो लाइव सेशन भी देख सकते हैं और अब फिर अगर आप आ, फाउंडेशन बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है जिसकी डेट है सिक्सटीन ऑफ तो अप्रैल इस डेट में एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होगा जिसे अटेम्प्ट करके आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं कितने परसेंट स्कॉलरशिप 50 परसेंट स्कॉलरशिप जो है वो आप ले सकते हैं इसकी टाइमिंग जो है 9 से 11 तक रहेगी मतलब सुबह के 9 बजे से रात के 11 बजे तक ये टेस्ट आप सभी के लिए ओपन रहेगा तो आप वहां पर उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल स्कॉलरशिप उसके बाद में अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जस्ट uh, इसके बाद ही हिंदू लॉ भी कवर uh, होगा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड से लेकर आपका जो बिहार जुडिशरी में पूछा जाता है जो यूपी मेंस में uh, पूछा जाएगा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज सारे के सारे टॉपिक आपके हिंदू मुस्लिम लॉ के कवर करवा दूं इसके बाद में आपका हिंदू लॉ का जो सेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें आपको पूरा का पूरा हिंदू लॉ जो है वो पढ़ाया जाएगा अब हम आज ये देख लेते हैं कि हम मुस्लिम लॉ में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे ठीक है फ्रॉम द वेरी बेसिक मतलब कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इनहेरिटेंस जो कि इसका लास्ट टॉपिक है वहां तक हम कोशिश करेंगे कि हर चीज कवर कर ली जाए ठीक है तो इंट्रोडक्शन मुस्लिम मुस्लिम लॉ क्या होता है मुस्लिम कौन होते हैं एप्लीकेबिलिटी इसकी कहाँ कहाँ होती है ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ स्कूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे सोर्सेस क्या हैं मैरिज मतलब कि निकाह जो हम मुस्लिम लॉ में कहते हैं उसके बाद में ऑप्शन ऑफ पिबर्टी जिसे हम ख्याल उल भी कहते हैं मुता मैरिज जो कि टेम्प्रेरी मैरिज के नाम से जाना जाता है इद्दत का क्या पीरियड होता है क्या ड्यूरेशन होता है उसके बारे में जानेंगे डावर और उसके काइंड जिसे हम मेहर भी कहते हैं उसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मेंटेनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे गिफ्ट डॉक्ट्रीन ऑफ मूशा जो कि आपसे मतलब ये काफी सारे चीजें हैं जो कि आपको एक्सप्लेन की जाएंगी और आपके मेंस के लिए बेसिकली जो यूपी में मेंस और मतलब जो मेंस में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आने वाला है वो भी यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा विल डेथ बेड गिफ्ट जिसे हम मर्जुल मौत भी कहते हैं फिर वक्स प्रियम्शन इनहेरिटेंस ऐसे करके ट्वेंटी वन टॉपिक्स हैं जो कि आज हम मुस्लिम लॉ में कवर करने वाले हैं मुझे नहीं लगता आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए जो जो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती जा रही हूँ वो चीजें नोट करते जाइएगा उसके बाद में चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मैम आज की ही क्लास में सारे टॉपिक्स कवर होंगे हाँ जी आज की ही क्लास में सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे इस सीरीज का नाम ही इसलिए टू एक्स रिविजन रखा है कि हम आज सारा का सारा मुस्लिम लोग खत्म कर देंगे ताकि हमें नेक्स्ट टाइम पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की देरी रहे ठीक है तो मुस्लिम लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आप लोग जानते हैं मुस्लिम लॉ को पर्सनल लॉ कहा जाता है बट पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं तो पर्सनल लॉ का मतलब ये होता है जहां पर किसी इंडिविजुअल के पर्सनल मैटर्स को डील करने के लिए जो लॉ बनाया गया है ठीक है किसी भी इंडिविजुअल के अ उत्कर्ष अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं केस लॉज वगैरह जो भी जहां भी आते चले जाएंगे मैं आप लोगों को बताती चली जाऊंगी ठीक है सो पर्सनल लॉ का मतलब होता है जहां पर किसी इंडिविजुअल के पर्सनल मैटर्स को डील करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसे हम कहते हैं पर्सनल लॉ ठीक है अब वो पर्सनल मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं तो पर्सनल मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं जैसे कि मैरिज डाइवोर्स गार्जियनशिप इस तरह के जो मैटर्स हैं ये इंडिविजुअल के पर्सनल मैटर्स होते हैं और इन मैटर्स को डील करने के लिए क्या होता है एक लॉ बना दिया जाता है और उसी लॉ को हम कहते हैं पर्सनल लॉज ठीक है laws, उसके बाद में पर्सनल लॉ पर्सनल लॉ को हम फैमिली लॉ भी कहते हैं उसके बाद में अब चलते हैं कि मुस्लिम लॉ क्या होता है अभी हमें यह समझ में आया कि पर्सनल लॉ क्या होता है अब देखते हैं कि uh, मुस्लिम लॉ क्या होता है तो मुस्लिम लॉ जो है एक सिविल लॉ की ब्रांच है ठीक है अब वही सपोज एक पर्सन है जो कि मुस्लिम है अब उसके जितने भी पर्सनल मैटर्स हैं उनको डील करने के भी लिए लॉ बनाए गए हैं तो जो लॉ है उसी को कहा जाता है मुस्लिम लॉ मतलब कि कोई एक पर्सन मुस्लिम है और उसके जितने भी पर्सनल मैटर्स हैं लाइक उसकी मैरिज से रिलेटेड हो गया उसकी गार्जियनशिप से रिलेटेड हो गया इनहेरिटेंस विल इन सब के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उसी को हम कहते हैं मुस्लिम लॉ ठीक है और Uh, इनको फैमिली uh, मतलब फैमिली लॉ भी कहा जाता है अब देखते हैं कि मुस्लिम कौन होता है ठीक है ये तो हमने जान लिया कि पर्सनल लॉज क्या होते हैं और मुस्लिम लॉ का मतलब क्या होता है अब हम ये जानते हैं कि मुस्लिम कौन होते हैं तो मुस्लिम एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इस्लाम को फॉलो करता है ठीक है जो इस बात में बिलीव रखता है कि देर देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह एंड दूसरी बात ये कि वो ये मानता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो अल्लाह के या जो गॉड है उनके मैसेंजर है तो इन दो बातों पर अगर कोई व्यक्ति बिलीव करता है तो वो पर्सन कहलाता है मुस्लिम ठीक है तो मुस्लिम कौन होते हैं एक ऐसा पर्सन होता है जिसका रिलीजन इस्लाम हो ठीक है और अ पर्सन हु बिलीव दैट द गॉड अल्लाह इज वन एंड ओनली वन एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज इज मैसेजर तो समझ में आया कि मुस्लिम कौन होता है उसके बाद में अब मुस्लिम दो तरह से होते हैं एक होता है मुस्लिम बाय बर्थ और दूसरा होता है मुस्लिम बाय कन्वर्जन अब मुस्लिम बाय बर्थ कैसे होते हैं तो अ पर्सन हुज़ बोथ पेरेंट वो मुस्लिम एट द टाइम ऑफ़ हिज बर्थ मतलब कि जिस टाइम पर उस बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम पर उसके फादर और मदर दोनों ही अगर मुस्लिम हैं तो वो बच्चा जो है मुस्लिम बाय बर्थ कहलाता है वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम बाय कन्वर्जन की तो मुस्लिम बाय कन्वर्जन के लिए यहाँ पर कहा गया है कि उस पर्सन का साउंड माइंड होना जरूरी है दूसरा कन्वर्जन जो है दो तरह से हो सकता है साउंड माइंड होना चाहिए और दूसरा मेजर होना चाहिए अब दो वेज है जिसके थ्रू एक नॉन मुस्लिम जो है वो अपना रिलीजन रिनाउंस करके और इस्लाम को फॉलो कर सकता है पहला तो ये कि वो पब्लिकली डिक्लेयर कर दे पब्लिकली डिक्लेयर ये कर दे कि भाई अब जो है मैं अपना एक्सिस्टिंग रिलीजन है उसको रिनाउंस कर रहा हूँ और अब मैं इस्लाम को फॉलो करूंगा और मैं इस बात पर बिलीव करता हूं दैट देयर इज ओनली वन गॉड एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज इज मैसेजर सेकेंड है सेरेमनीज अब ये क्या होता है इसका मतलब ये है कि जहां पर कोई मुस्लिम मॉस्क जाए और मॉस्क जाकर जो वहाँ के इमाम जो जिन्हें हम कहते हैं उन इमाम से गए कि भाई मैं जो हूँ कन्वर्जन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस्लाम रिलीजन को फॉलो करूँ तो वहाँ पर जो इमाम है उन्हें कलमा रीड कराते हैं और कलमा जो है उसे कहा जाता है ला इला मोहम्मद और रसुल्ला तो ये जो कलमा है वो रीड करवाया जाता है उस पर्सन को और वो इस बात पर बिलीव करता है दैट देयर इज ओनली वन गॉड एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज इस मैसेंजर उसके बाद में वो जो इमाम है उसे एक मुस्लिम नेम जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई अब से आप जो है इस नाम से जाने जाएंगे तो ये एक तरीका होता है कन्वर्जन का अब एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है ठीक है आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए बताते चलना अगर कोई भी डाउट है रघुवीर क्या डाउट है ये तो बहुत ही मतलब बेसिक सी चीज़ थी अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो बताइए क्या है एप्लीकेशन अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लॉ कहाँ अप्लाई होता है चलेगा फिलहाल सब ठीक है मैम ठीक है ऑल क्लियर नो प्रॉब्लम ठीक है अब बात करते हैं हम मुस्लिम लॉ की एप्लीकेबिलिटी की कि मुस्लिम लॉ कहा अप्लाई होता है तो देखिए जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो uh, उनको ये अथॉरिटी दी गई है उनके पास ये पावर है कि वो uh, जो है अपना uh, मतलब मुस्लिम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं उन मैटर्स में जो कि मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर्स हैं ठीक है इससे पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक जनरल लॉज बना दिए जनरल लॉज कैसे बना दिए जैसे कि आप जानते होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन पीनल कोड ये सारे एक्ट बना दिए जो कि सारे अफेयर्स से रिलेटेड uh, और जितने भी मैटर्स थे उनके लिए ये लॉज तो बना दिया अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई मामला आएगा तो भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएगा तो टीपीए है अगर ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं तो उसके लिए आईपीसी सीआरपीसी है सिविल मैटर आएगा तो सीपीसी हो जाएगा तो इस तरह के ब्रिटिश uh, सरकार ने कुछ लॉज बना दिया बट उन्होंने ये कहा कि जो फैमिली मैटर्स है उनके लिए कोई लॉ नहीं बनाया उनके लिए उन्होंने कह दिया कि भाई अगर मुस्लिम का कोई पर्सनल मैटर आए तो उनके जो मुस्लिम लॉज है उनको आप उनसे डील कर लीजिएगा हिंदू का अगर कोई फैमिली मैटर आता है तो आप जो हिंदू के जो पर्सनल uh, लॉज uh, है उनके अकॉर्डिंग उनको गवर्न uh, कर लीजिएगा तो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी अफेयर्स थे उनके लिए तो अलग से लॉज बना दिए जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। बट फैमिली मैटर्स जो थे उनके लिए कोई अलग से लॉ नहीं बनाया उनके लिए उनके उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो है अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग ही अपने जो भी मैटर्स है उनको रेगुलेट कर लेना ठीक है अब फिर अभी जो लेटेस्ट इनमेंट है उसके लिए अगर हम बात करें मेंस के लिए भी है हाँ बिल्कुल आप सुन सकती हैं अगर आप ये सारे आ, टॉपिक यहाँ पर अगर सुन लेंगी तो आ, मेरे ख्याल से आप मेंस के आंसर राइटिंग बिल्कुल आसानी से कर सकती हैं सो so, शरीयत एक्ट अभी लेटेस्ट एनेक्टमेंट की अगर हम बात करें तो आप शरीयत एक्ट के नाम से जानते होंगे जिसका पूरा नाम है द पर, मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इस एक्ट को इनैक्ट किया गया जिसकी सेक्शन नंबर टू आपको ये बताती है कि जहां पर दोनों पार्टीज अगर मुस्लिम हैं और ये ये मैटर्स अगर हैं तो इन मैटर्स के लिए आप मुस्लिम पर्सनल लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेक्शन टू बताती है अब वो कौन कौन से मैटर्स है तो उनके लिए बता दिया है कि जैसे इन स्टेट सक्सेशन का कोई मामला आता है या फिर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द फीमेल्स का कोई मामला है मैरिज से रिलेटेड कोई मैटर आ गया है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड कोई मैटर है मेंटेनेंस डावर गार्जियनशिप गिफ्ट ये सारे मैटर्स जो हैं शरीयत की शरीयत एक्ट की सेक्शन नंबर टू ये बताती है कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये जो मैटर्स हैं ये पर्सनल लॉ से गवर्न होंगे अगर पार्टी आ, मुस्लिम है तो ठीक है उसके बाद में फिर सेक्शन नंबर थ्री सेक्शन नंबर थ्री इस सेक्शन नंबर थ्री इस एक्ट की ये कहती है कि अगर कोर्ट को अथॉरिटी नहीं है सपोज किसी मैटर में uh, अब कुछ मैटर्स ऐसे भी हैं जो कि सेक्शन टू में नहीं बताए गए हैं कुछ छूटे हुए हैं मैटर्स तो उन मैटर्स को कैसे डील किया जाएगा तो यहाँ पर ये बताया गया है कि द कोर्ट हैव नो अथॉरिटी टू अप्लाई मुस्लिम लॉ अंडर सेक्शन टू ऑफ द एक्ट बिकॉज दीज सब्जेक्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्ट सेक्शन बट सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री शरीयत एक्ट की क्या कहती है कि कोर्ट जो है वो मुस्लिम लॉ के uh, जो रूल्स हैं वो अडोप्शन विल इनहेरिटेंस के मामले में जो है वो मुस्लिम लॉ अप्लाई कर सकती है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सेक्शन टू में आप पढ़िएगा में लिखा है कि विल के बारे में कोई बात नहीं की गई है लेजिस के बारे में कोई बात नहीं की गई है अडोप्शन के बारे में कोई बात नहीं हुई है तो इन मैटर्स को कैसे डील किया जाएगा तो यहाँ पर सेक्शन थ्री ये बताती है कि कोर्ट चाहे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को अप्लाई कर सकता है ठीक है उसके बाद में अब सेक्शन थ्री एक चीज और भी कहती है कि कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना होगा किस चीज से प्रेस्क्राइब्डो uh, अथॉरिटी uh, को कि आप मुस्लिम हो दैट ही इज अ मुस्लिम दूसरा कि कॉम्पिटेंट uh, होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 11 क्या कहती है कि आप साउंड माइंड होने चाहिए आपको मेजर होना चाहिए और तीसरा कि आपको डिस्कालीफाई ना किया गया हो ठीक है और उसके बाद में ये एक्ट जहां एक्सटेंड करता है वहां के आप रेसिडेंट हो तो ये तीन चीजों का ध्यान आपको रखना है और आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो मुस्लिम पर्सनल लॉ यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि आ, अगर सपोज किसी पॉइंट पर आ, मुस्लिम लॉ जो है साइलेंट है ठीक है मतलब कि किसी पॉइंट पर आ, मुस्लिम लॉ ने आ, कोई लॉ नहीं बनाया है तो अब उस केस में क्या किया जाएगा फिर कैसे कोर्ट जो है उन मैटर्स को डील करेगी तो ऐसे केस में कोर्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पर मतलब किस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगी और उस प्रिंसिपल का यूज करते हुए कोर्ट जो है मुस्लिम लॉ को अप्लाई कर सकती है उस पर्टिकुलर मैटर को डील करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या मुस्लिम लॉ किसी नॉन मुस्लिम पर अप्लाई हो सकता है तो हाँ बिल्कुल हो सकता है अगर मुस्लिम लॉ चाहे तो हम नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए दो पार्टी किसी भी केस में दो पार्टीज होती हैं तो अगर डिफेंडेंट मुस्लिम है ठीक है अभी क्या हो रहा है कि प्लेंटिव जो है नॉन मुस्लिम है और डिफेंडेंट जो है वो मुस्लिम है तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिफेंडेंट अप्लाई हो जाएगा और जब लॉ ऑफ डिफेंडेंट अप्लाई होता है तो यहां पर फिर इस मैटर में जो है मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा तो बात समझ में आ रही है आप लोगों कहना क्या चाह रही हूँ मैं इसमें इसमें यह कहा जा रहा है कि सपोज ए जस्ट मिनट सपोज ए और बी ये दो पार्टीज हैं ठीक है ए क्या है प्लेंटिफ है और बी क्या है डिफेंडेंट है ठीक है अब डिफेंडेंट का रिलीजन क्या है ये मुस्लिम है और ये नॉन मुस्लिम है ठीक है तो यहां पर लॉ ऑफ डिफेंडेंट अप्लाई होगा और जब लॉ ऑफ डिफेंडेंट अप्लाई होगा तो यहां पर मुस्लिम लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो लागू होंगे ठीक है तो ऐसे केसेस में नॉन मुस्लिम्स पर भी मुस्लिम लॉ अप्लाई हो सकता है अब जैसे कि एक और ले लेते हैं सपोज एक महिला है जिसने क्या किया है इस्लाम uh, पहले वो इस्लाम की फॉलोअर थी मतलब कि पहले वो इस्लाम फॉलो करती थी मुस्लिम थी बट नाउ शी हैज कन्वर्टेड हर रिलीजन और अब वो जो है नॉन uh, मुस्लिम हो चुकी है तो ऐसे केस में भी अब क्योंकि पहले मुस्लिम थी और अब नॉन मुस्लिम हो चुकी है तब भी उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है अप्लाई हो सकता है कौन सी कंडीशन में हो सकता है तो अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 पढ़ेंगे उसकी सेक्शन फोर ये बताती है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम वेमेन है जो कि पहले मुस्लिम uh, थी तो ये सेक्शन ये कहती है कि अगर आप पहले मुस्लिम थी अब नॉन मुस्लिम है तो इन सेक्शन टू में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर आप मैरिज uh, को डिसॉल्व करा सकते हो जो ग्राउंड्स वहां पर बताए गए हैं तो उनके बेसिस पर वो महिला भी डिग्री ऑप्टेन कर सकती है कोर्ट से ठीक है तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई महिला है और वो पहले मुस्लिम थी अब जो है किसी अदर रिलीजन को फॉलो करने लगी है क्योंकि अब वो दूसरे अदर रिलीजन को फॉलो करने लगी है इसका मतलब ये नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर जो ग्राउंड्स बताए गए हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर एक जो विमेन है एक डिग्री ऑप्टेन कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की वो ऑप्टेन नहीं कर सकती यहाँ बिल्कुल अगर वो नॉन मुस्लिम हो चुकी है अब उसने कन्वर्जन भी कर लिया तो भी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर वो डिग्री ऑप्टेन कर सकेगी ठीक है उसके बाद में अब दो टर्म है जो आपको समझ लेने चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन टर्म्स की ठीक है शरियत अभी आपने मुझसे सुना शरियत एक्ट हम बोलते हैं तो शरियत का मतलब क्या होता है और एक टर्म आएगा सिख सिख का मतलब क्या होता है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शरीय का मतलब क्या होता है तो शरीय जो है एक डिवाइन ओरिजिन है ये एक तरह का इस्लामिक कोड है जिससे आप अपने कंडक्ट को रिलीजियस और मॉरल कंडक्ट को रेगुलेट कर सकते हैं ठीक है मतलब कि शरीयत एक डिवाइन है, जिसमें यह बताया गया है कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए ठीक है इसके बारे में ये चीजें बताई गई हैं। उसके बाद में फिख फिख का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट जो कि ह्यूमन कंडक्ट को ही रेफर करता है और इसका स्कोप जो है वो बहुत नेरो होता है मतलब कि शरीयत के कंपैरिजन में इसका स्कोप जो है वो बहुत नेरो होता है एंड कन्फाइंड टू वर्ल्ड राइट एंड ड्यूटीज ओनली मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट्स और ड्यूटीज तक ही कन्फाइंड है जबकि शरीयत में आपको ये बताया गया है कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए पूरी आ, आ, मतलब पूरा जैसे कहते हैं ना आपका रिलीजियस आपका मोरल कंडक्ट कैसा होना चाहिए वो उसको हम कहते हैं शरीयत ये एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है अखंड अगर स्क्रीन ब्लर हो रही है तो आप यूट्यूब पर ही एक ऑप्शन आता है सेटिंग में कि आप उसको थोड़ा सा हायर क्वालिटी में देख सकते हैं तो आप सेटिंग में जाकर एक बार चेक कर लीजिए उसके बाद में अब जाते हैं हम इसके ओरिजिन पर कि इस्लाम एक्सिस्टेंस में कैसे आया कैसे लोग मुस्लिम हुए तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि आप आज जो है हम वो पूरा मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे मुस्लिम लॉ और पूरा एंड तक उसको खत्म करना है ठीक है तो बेसिक में इसका ओरिजिन भी आता है अब ओरिजिन क्या है इस्लाम एक्सिस्टेंस में कहाँ से आया तो इस्लाम जो है वो अरब एक देश है वहां से एक्सिस्टेंस में आया है ठीक है ओरिजिन ऑफ अरब अब अरब में रहने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुना होगा उनको बदस कहा जाता था मतलब कि अरब में रहने वाले जो लोग होते थे उनको क्या कहा जाता था ठीक है उसके बाद में दे हैव नो कॉमन रिलीजन उनका कोई कॉमन रिलीजन उस टाइम पर नहीं हुआ करता था दे देव इन अ स्मॉल ग्रुप मतलब कि बहुत ही कबीला वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कबीला वर्ड जो है आ, इसका मतलब होता है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक साथ रहते हैं और उसी को हम कबीला कहते हैं इनका एक हेड हुआ करता था जिसको खलीफ कहा जाता था एंड इनके कोई लॉज नहीं होते थे ये लोग कस्टम से ही गवर्न होते थे उसके बाद में इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा हार्श थी उस टाइम पर मतलब वुमेन्स के कोई राइट नहीं थे उस टाइम पर बेसिकली उनको कोई राइट नहीं थे वुमेंस को भी कोई राइट नहीं थे और लाइफ जो है उनकी वो बहुत ही ज्यादा हार्श थी ठीक है तो ये समझ में आया कि अरब एक्सिस्टेंस में कहाँ से आया अब उसके बाद में हम बात करते हैं स्कूल्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रघुवीर मुस्लिम लॉ अभी हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम मुस्लिम लॉ पढ़ लेते हैं जैसे ये खत्म होगा आपका हिंदू लॉ का जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और शिया लॉ में दोनों में अलग अलग हैं। अब सुन्नी में क्या बताया गया है हनफी चार तरह के स्कूल्स हैं। हनफी मलिकी शफी और हनबली वहीं अगर शिया लॉ में हम बात करें तो इतना अशरिया इसमाइलिया और जैदिया इनको एक एक करके अखंड प्रताप ये ऐसा क्यों हो रहा है आ, आप लोग मुझे बताएंगे जो भी अभी सेशन में है क्या सबको यही दिक्कत आ रही है क्या सबको यही दिक्कत आ रही है अगर अतुल ऑल क्लियर ओके चलिए तो एक बार और ट्राई करके देखिए अखंड क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को अब देखिए उसके बाद में अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत और दिक्कत आ, विशाल no all clear. अच्छा जिसको आ, अगर फिर भी क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत आ रही है हायर क्वालिटी के बाद भी तो मैं बोलती चली जाऊंगी हर एक चीज मैं यहाँ रीड आउट कर रही हूँ आप सुनते चले जाइए और वही अपने नोटबुक में आ, नोट करते चले जाइएगा तो अब हम ये जो सुन्नी लॉ में जो स्कूल बताए हैं इन सब को एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेंगे वही शिया लॉ में जो जो स्कूल बताए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले बारी आती है हनफी लॉ की ठीक है हनफी स्कूल की अब इनको स्टेब्लिश किसने किया है तो ये याद रखिए देखिए मेंस में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकेंगे मतलब अगर आपसे स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप अपने आंसर में पुट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में हनफी रघुवीर में ऑलरेडी मेरी वॉइस इतनी ज्यादा है मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों को वॉइस में भी कोई दिक्कत आ रही होगी गुड आफ्टरनून रचना सिंह ठीक है तो हनफी हनफी स्कूल जो है वो किसने इस्टेब्लिश किया है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है अबू हनीफा ठीक है नाम याद रखिएगा इन्होंने अपने नाम पर ही इस स्कूल का नाम रखा है स्कूल का नाम था हनफी ठीक है उसके बाद में उसके बाद में मुस्लिम लॉ अब जैसे कि ये जो हनफी स्कूल है इसके फॉलोअर्स या इसके बिलीवर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ये याद रखिएगा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब जितने भी मुस्लिम्स हैं वो किस स्कूल को बिलोंग करते हैं हनफी स्कूल को बिलोंग करते हैं तो आप अपने आंसर में इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पुट कर सकते हैं उसके बाद में अबू हनीफा अगेंस्ट दी ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ सुन्ना मतलब कि इस स्कूल में Uh, इस स्कूल में क्या है कि बेसिकली ब्लाइंड एक्सेप्टेंस जो कि ट्रेडिशंस सुनना सुनना का मतलब होता है जो भी प्रॉफिट मोहम्मद की saying है जो उनका कंडक्ट रहा है तो इन्हीं सब चीजों को सुनना कहा जाता है मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने जो भी किया कहा जो भी जो भी उनका कंडक्ट था उसी को सुनना कहा जाता है तो अब यहाँ पर इस स्कूल का मानना यह था कि किसी भी ट्रेडिशन को हमें ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है हमें पहले उसका लॉजिकल एक लॉजिकल रीजनिंग निकालनी है उस ट्रेडिशन की अगर वो लॉजिकली ठीक है तो हम उस ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं अदरवाइज हमें ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं करना है उसके बाद में सपोर्टेड लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन कुरान मतलब कि ये लोग जो है इस बात पर आ, आ, कह सकते हैं कि इस बात पर बिलीव करते थे कि भाई जो भी ट्रेडिशन है एक बार उनको कुरान से थोड़ा सा आ, 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 मतलब उनकी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो सेटल डाउन कर ले और उसके बाद में ही उसको एक्सेप्ट किया जाए उसके बाद में मलिकी स्कूल मलिकी स्कूल की अगर हम बात करें तो इसे किसने एस्टेब्लिश किया था इसे किया था मलिक इब्न अनस ने ठीक है तो इन्हीं के नाम पर ही इस स्कूल को स्टैब्लिश किया गया ठीक है तो यहां पर क्या है मलिक इब्न अनस फिर उसके बाद में सुना सुन्ना, सुन्ना गिवन ओवर इम्फेसिस एंड अकॉर्डिंग टू हिज स्कूल न्यू रूल शुड बी ऑप्टेंड फ्रॉम द ट्रेडिशन मतलब कि इस स्कूल का इस स्कूल को स्टेब्लिश किसने किया था मलिक इब्न अनस ने और उसके बाद में बेसिकली इस स्कूल पर जो मतलब इस स्कूल में बेसिकली ये बताया गया था कि हमें सुन्ना पर ओवर इम्फेसिस इफ, इफ, रखना है मतलब कि सुन्ना में जो जो बताया गया है हमें उनको फॉलो करना है कोई न्यू रूल जो है वो ऑप्टेंट नहीं करना है एंड इट इज पॉसिबल इजमा एंड क्यास मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन और क्योंकि सुन्ना को हमें आ, मतलब उन पर इंफेसिस कर, कर चलना है जो भी प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स है जो उनका कंडक्ट था उसी को मानते हुए हमें अपनी लाइफ को लीड करना है उसके बाद में शफी स्कूल शफी स्कूल की हम बात करें तो इनको स्टेब्लिश करने वाले थे अर्श शफी ठीक है उसके बाद में यहाँ पर इस स्कूल में जो है थोड़े से हालत खराब थे मतलब कि वुमेन को आ, बिल, आ, मतलब राइट ही नहीं था कि वो अपने गार्जियन की बिना कंसेंट के शादी कर सके ठीक है एंड रूल्स कैन बी हैड फ्रॉम कुरान एंड सुन्नत थ्रो एनोलॉजिकल डिडक्शन और जो भी रूल्स या रेगुलेशन ये लोग डिड्यूस करते थे तो वो किससे करते थे कुरान और ट्रेडिशन से ठीक है थीके? मतलब कि सुन्नत उसके बाद में हनबली स्कूल हनबली स्कूल को किसने इस्टेब्लिश किया था इब्न हनबल ने ठीक है तो ये नाम याद रखने क्योंकि आपसे उत्तराखंड का जो विजय अभी हम इजमा और कियास जो है ये एक सोर्स ऑफ लॉ है जब अभी हम सोर्स ऑफ लॉ पर डिस्कशन करेंगे तो आई लेट यू नो कि इजमा और कियास क्या होता है ठीक है तो हनबली जो स्कूल है उसे किसने एस्टेब्लिश किया है इब्न हनबल ने तो आपको इन सारे स्कूल्स के नाम और इनके जो फाउंडर्स हैं वो आपको याद रखने और बहुत आसान है क्योंकि इन फाउंडर्स के जो नाम है उन्हीं के नाम से मिलता जुलता स्कूल का नाम है तो आप लोगों को याद रखने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी अब हनबली स्कूल का नाम देखिए किसने इसने इस्टैब्लिश किया है इब्न हनबल ने तो आपको याद आ जाएगा कि हनबली स्कूल जो है वो किसने इस्टैब्लिश किया है इब्न हनबल ने उसके बाद में ये स्ट्रिक्ट सपोर्टर थे सुन्ना के मतलब कि जो भी आ, इनकी प्रॉफिट मोहम्मद की जो भी रही जो भी कंडक्ट रहा इन सब को फॉलो करना स्ट्रिक्टली फॉलो करना इस बात पर ये स्कूल्स के जो बिलीवर्स थे वो बिलीव करते थे एंड ऑलमोस्ट इग्नोर द इजमा एंड कियास रिकोगनाइज एक्सक्लूसिवली टू इज इजमा ओनली प्रॉफिट फॉलोअर्स और ये सिर्फ और सिर्फ इजमा जो है एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ तो इजमा का मतलब होता है कंसेंस ऑफ ओपिनियन मतलब की जो जूरिस्ट होते हैं उनकी ओपिनियन को मानना की भाई अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर या किसी point, किसी मैटर पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जूरिस्ट की ओपिनियन से वहां ली जाती है और जूरिस्ट का जो ओपिनियन होता है उसी को कहते हैं इजमा ठीक है तो यहां पर उन्हीं जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स थे उन्हीं के जो इजमास थे उन्हीं को कंसीडर किया जाता था इस स्कूल में बाकी किसी की ओपिनियन को ट्रीट नहीं किया जाता था अब आ जाते हैं हम शिया लॉ पर जो एस सच इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कहा गया भाई हम्म एस सच इतने वो जो शिया लॉ है उसके स्कूल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने सुन्नी लॉ के थे तब हम वो थोड़े थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अपने आंसर राइटिंग अच्छे से कर सके ठीक है आंसर में आपको शिया लॉ के जितने भी स्कूल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना है सो so, अब आ जाते हैं ये है शिया लॉ के स्कूल्स, ठीक है तो पहला है इतना अशरिया जिसे हम इमामिया स्कूल के नाम से भी जानते हैं अब इमाम यहाँ पर जो है एक स्पिरिचुअल पावर uh, जो है मतलब यहाँ पर इस स्कूल में ये बिलीव किया जाता है कि जो इमाम है उनके पास एक ऐसा स्पिरिचुअल पावर होता है कि जो भी वो बताते हैं वो एक लॉ होता है ठीक है इमाम पज स्पिरिचुअल पावर एंड थिंग्स सेट बाय हिम इज लॉ जो जो भी इमाम कहते हैं वो लॉ माना जाता है क्योंकि ये ये बिलीव करते हैं कि भाई इनके पास जो है स्पिरिचुअल पावर होता है इस स्कूल के फॉलोअर्स ये मानते हैं उसके बाद में इस्माइलियाज स्कूल अब ये जो स्कूल है आफ्टर डेथ दे ऑफ़ फर्स्ट इमाम फर्स्ट इमाम कौन थे अली प्रॉफ़िट मोहम्मद की जब डेथ हुई तो उनके बाद कोई उनका सक्सेसर जो है वो अपॉइंट किया जाना था अब क्योंकि जब उनकी डेथ हुई तो जो अली है उनको जो है एज अ इमाम जो है वो कर दिया गया उसके बाद में आफ्टर फर्स्ट दे इमाम अली हसन मतलब कि उनके दो बेटे थे जिनका नाम था हसन एंड हुसैन ये सेकंड और थर्ड इमाम जो है डिक्लेयर किए गए थे उसके बाद में आता है जैदीज स्कूल. स्कूल के फाउंडर कौन थे जैद अब ये जैद कौन थे तो जैद जो है फोर्थ इमाम फोर्थ इमाम कौन थे जैन उल अब्दीन तो जैन उल अब्दीन के बेटे थे जैद और इन्ही इसी स्कूल के जो फाउंडर का नाम क्या है जैद जैदीज ठीक है अब इस स्कूल के फॉलोअर्स कहाँ पाए जाते हैं क्या इंडिया में जैदीज है तो नहीं है इस स्कूल के जो फॉलोअर्स है अबू बकर वॉज माइड फर्स्ट खलीफा हास्टि नहीं नहीं तनवीर एक्चुअली यहाँ पर डिफरेंस है उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है अबू बकर जो है वो फर्स्ट खलिफ थे और मैं यहाँ इमाम की बात कर रही हूँ ठीक है अभी उसके लिए भी एक पूरी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो सुनिएगा तो खलीफ और इमाम दोनों डिफरेंट हैं ठीक है थीके? उसके बाद में अब मोतजिला एक मोतजिला सेक्ट और हुआ करती थी हम्म हम्मतजिला सेक्ट एक मोतजिला सेक्ट और हुआ करती थी जो कि अपने आप को शिया और सुन्नी से भी अलग बताती थी वो ये बताती थी कि uh, मतलब हम जो है ना तो सुन्नी हैं और ना ही शिया हैं ठीक है उसके बाद में अब इस सेक्ट को किसने स्टेब्लिश किया तो उनका नाम था अताउल गजल ठीक है अब इसके बारे में जो नोटेबल पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने आंसर में नोट डाउन कर सकते हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए uh, नोटेबल पॉइंट इसके ये है कि रिगार्ड इट सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम शियाज एंड सुन्नीस ये अपने आप को शिया और सुन्नी से डिफरेंट बताते थे उसके बाद में ये मोनोगेमी पर बिलीव करते थे मतलब कि एक से ज्यादा शादी नहीं होनी चाहिए ये इस बात पर बिलीव करते थे और इनकी कंडीशन मतलब इनकी कंडीशन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी ठीक है उस टाइम में और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय तलाक ये जो सेक्ट है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी स्कूल समझ में आ गए होंगे कि चार तरह के स्कूल्स हैं सुन्नी लॉ में और तीन तरह के स्कूल्स हैं शिया लॉ में उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया चलिए अब बढ़ते हैं आगे सोर्सेज की तरफ तो सोर्सेस जो है मुस्लिम लॉ में वो दो तरह के पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स अब प्राइमरी सोर्स के बारे में क्या है प्राइमरी सोर्स हमारे क्या क्या है पहला प्राइमरी सोर्स जो है वो है कुरान दूसरा है सुन्ना तीसरा है इजमा और चौथा है कियास। अब इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे उसके बाद में हम सेकेंडरी अगर सोर्सेस की बात करें तो कस्टम ज्यूडिशियल डिसीजन लेजिस्लेशन ये कुछ कस्टम्स हैं। सॉरी ये जो कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो है मुस्लिम लॉ बनाए गए हैं। ओह सॉरी यहाँ पर चलिए तो सबसे पहले इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आ, क्या क्या सोर्सेस इसमें बताए गए हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुरान की तो कुरान जो है उसके बारे में बताया गया है कि ये एक डिवाइन ओरिजिन है मैम मॉडर्न सोर्स कौन से हैं इसमें यही कस्टम्स जुडिशियल डिसीजंस जस्ट अ मिनट हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पढ़ेंगे कुरान जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग होता है शुड बी रीड और ये अरेबिक वर्ड कुरा से लिया गया है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कुरान जो टर्म है ये एक अरेबिक वर्ड कुरा से लिया गया है और इसका मतलब होता है मैम थोड़ा आराम से पढ़ाई मैं तो यार आराम से ही पढ़ा रही हूँ अब उसके बाद में अब क्योंकि आपको पूरा मुस्लिम लॉ आज कवर कराना है तो थोड़ी टू एक्स स्पीड रखनी पड़ेगी मुझे ठीक है तो अब उसके बाद में जाते हैं कुरान पर ठीक है तो कुरान के बारे में ये बताया गया है कि कुरान एक अरेबिक वर्ड कुरा से लिया गया है जिसका लिटरल मीनिंग होता है शुड बी रीड ठीक है सो आप जब सोर्सेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं सो so, सबसे पहले कुरान के बारे में जानते हैं तो देखिए इसका जो कंपाइलेशन है वो किसने किया है जेद जो कि फोर्थ इमाम के बेटे थे ठीक है और ये जो है जेद इन्होंने उस्मान की रिक्वेस्ट पर इस आ, कुरान का जो कंपाइलेशन है वो किया था बेसिकली इसमें 114 हंड्रेड मतलब कि चैप्टर्स हैं 114 चैप्टर्स हैं है सिक्स सिक्स हंड्रेड एंड या फिर कई बुक्स में सिक्स भी लिखा गया है कि ये आ, जो आ, ये जो आ, मतलब आयत जिसे हम कहते हैं अप्रोक्स इतनी आयतें इसके अंदर हैं जिसे हम वर्सेस कहते हैं और वर्सेस करीबन दो सौ से आ, करीबन दो सौ हम मानकर चलेंगे कि दो सौ वर्सेज जो है वो लॉ से रिलेटेड है करीबन 80 वर्सेस जो हैं वो पर्सनल मैटर्स से डील करती हैं कुरान में ठीक है उसके बाद में अब हम बात करें सुन्ना की तो सुन्ना जो है सुन्ना का मतलब होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जो भी कहा जो भी किया या अगर किसी मैटर पे वो साइलेंट भी रहे हाँ सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स वर्सेज अप्रॉक्स बोला जाता है ठीक है उसके बाद में अगर हम सुनना की बात करें तो प्रॉफ़िट मोहम्मद की जो भी सेंग्स हैं जो भी उनका कंडक्ट रहा है अगर किसी मैटर पे वो साइलेंट भी रहे तो वो भी ये माना गया है कि वो सुनना है ठीक है तो सुनना का मतलब क्या होता है ट्रेडिशंस जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा किया ये जो भी उनका कंडक्ट था ठीक है अब सुना जो है उसके तीन तरह के काइंस मतलब तीन तरह से सुना होती है सुन्नतुल कौल सुन्नतुल कौल मतलब की से प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद ने जो भी कहा उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं सुन्नतुल कौल वही सुन्नतुल सुन्नतुल सुन्नतुलफेल का मतलब होता है जो भी प्रॉफिट मोहम्मद का कंडक्ट था उसे कहा जाता है सुन्नतुल सुन्नतुलफेल उसके बाद में सुन्नतुल तकरीर अब सुन्नतुल तकरीर तकरीर का मतलब होता है साइलेंट ठीक है तो यहां पर कहा ये तीसरा काइंड है आ, सुन्ना का जिसमें कहा गया है सुन्नतुल तकरीर जब प्रॉफिट मोहम्मद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर साइलेंट रहे तो उसको कहा जाता है सुन्नतुल तकरीर ठीक है अब ये याद तो रखने पड़ेंगे अतुल क्योंकि अब एग्जाम में अगर लिखना है या फिर आपको प्री का एग्जाम देना है तो इन तरह के जो काइंड क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुन्नत कितने तरह की होती है आपको तीन ऑप्शन में ये लिख कर दे दिया और चौथा ऑप्शन लिख दिया कि भाई आ, कैसे आ, मतलब क्या ये चार ये तीनों इसके काइंड हैं या फिर नहीं है तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है ठीक है कॉल फेल और तकरीर तकरीर से साइलेंस याद रख लेना ठीक है फेल से उनका कंडक्ट याद रख लेना और कॉल से याद रख लेना कि प्रॉफिट मोहम्मद की क्या है भारी भारी वर्ड्स तो हैं बट याद करने पड़ेंगे क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम अपनी डेली लाइफ में ये चीजें मतलब सुनते नहीं है क्योंकि सुनते नहीं है तो इसलिए आसानी से याद भी नहीं रहेंगी इसलिए बार बार इनको रिवाइज करते जाओ तो याद रहेगी कोई दिक्कत नहीं आती ठीक है फिर अब उसके बाद में आ जाते हैं हम इजमा इजमा जैसे कि मैं पहले बता नहीं टैटू करवाने की जरूरत नहीं है ये ऐसे भी याद रख सकते हो अब उसके बाद में हम आ जाते हैं इजमा पर इजमा का मतलब क्या होता है तो इजमा का मतलब होता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन मतलब कि मुस्लिम जूरिस्ट की जो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है उसी को इजमा कहा जाता है ठीक है उसके बाद में यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर बात करते हैं कियास की कियास जिसे हम एनोलॉजिकल डिडक्शन भी कहते हैं ठीक है पहला समझ में आ गया कुरान उसके बाद ये क्या है डिवाइन है सुनना क्या है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की सेंग उनका कंडक्ट इसको हम सुनना कहते हैं इजमा मतलब कि कंसेंसस ऑफ ओपिनियन जो जूरिस्ट हैं उनकी ओपिनियन को ही क्या कहा जा रहा है इजमा कियास जो है एक एनोलॉजिकल डिडक्शन एनोलॉजिकल डिडक्शन मतलब की Uh, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो भी कुरान सुनना और इजमा में uh, बताया गया है उसका एक एनोलॉजिकल डिडक्शन करना कि क्या इसे क्या ये सही है क्या ये इसको मानना चाहिए तो इस तरह का जो एनोलॉजिकल डिडक्शन है उसको हम कहते हैं कियास, ठीक है और अब इसके बाद में अब आती है सेकेंडरी सोर्स के बारे में सेकेंडरी सोर्स कस्टम ज्यूडिशियल डिसीजन और लेजिस्लेशन के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो अब जो कस्टम्स है कस्टम्स के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो साइलेंट रहे कई बार क्योंकि अब जब जब इस्लाम एक्सिस्टेंस में नहीं आया था तो सोसाइटी कैसे गवर्न होती थी उस टाइम पर कोई लॉस तो थे नहीं उस टाइम पर तो एक कबीला था ग्रुप ऑफ पीपल का और वो लोग जो है कस्टम्स को फॉलो करके रहते थे बट क्योंकि कस्टम्स जो है प्री इस्लामिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो उस टाइम में जो कस्टम्स थे वो बहुत ही हार्श हुआ करते थे और कुछ कस्टम्स ऐसे भी थे जिन्हें हम फॉलो कर सकते थे तो जिन कस्टम्स के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद साइलेंट रहे जिनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा उनको हमने ऐसे ही फॉलो करते चले गए जिनके बारे में उन्होंने मना कर दिया या जिनको उन्होंने सोसाइटी से एबॉलिश कर दिया उन कस्टम्स को हमने फॉलो फिर नहीं किया ठीक है तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जिस जिन कस्टम्स के बारे में साइलेंट रहे तो उनको ये मान लिया गया कि वो उनका अप्रूवल है उन कस्टम्स के लिए ठीक है उसके बाद में अब बात करें अगर हम लेजिसलेशन की तो लेजिस्लेशन इन इस्लाम इट इज बिलीव्ड दट गॉड इज द सुप्रीम कमांडर मतलब कि जो यहाँ पर मुस्लिम लॉ में ये बिलीव किया जाता है कि अगर कोई लॉ बना सकता है या लॉ बनाने का किसी को राइट है तो वो है सिर्फ और सिर्फ गॉड को एंड दैट इज अल्लाह ठीक है उसके अलावा मतलब वही सिर्फ सुप्रीम कमांडर है वही लॉ बना सकते हैं और कुरान में उन्होंने हर तरीके का जो मैटर है वो डील किया हुआ है तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई सुप्रीम कमांडर जो है वो सिर्फ कौन है अलमाइटी गॉड है उसके अलावा कोई लॉ नहीं बना सकता है मुस्लिम लॉ में लॉ बनाने का जो स्कोप है वो बहुत ही कह सकते हैं कि नैरो है मतलब बहुत ही लिमिटेड है ठीक है तो कुछ एक्ट्स हैं जो कि इनैक्ट किए गए जैसे कि चाइल्ड मैरिज रिस्टेंट एक्ट 1959 आप लोगों ने सुना होगा मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट जो कि वक्फ के मैटर को डील करने के लिए बनाए गए हैं उसके बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट तो ये कुछ लेजिसलेशन हैं जो कि मुस्लिम लॉ में आ, इनैक्ट किए गए हैं अब बात करते हैं ज्यूडिशियल प्रेसिडेंट्स की तो गुड आफ्टरनून श्वेता तो ज्यूडिशियल प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो थियोटिकली अगर देखा जाए तो जो सुपीरियर uh, कोर्ट्स होते हैं सुपीरियर कोर्ट्स के जो भी डिसीजंस होते हैं उनको मानना या उनको फॉलो uh, करना सब ऑर्डिनेट कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऑब्लिगेशन होती है कि सुपीरियर कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है या उनका जो भी डिसीजन आया उसको आपको फॉलो करना है ठीक है तो यहाँ पर यही कहा गया है कि भाई अगर कोर्ट ने कोई ज्यूडिशियल डिसीजन दिया है तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है जैसे कि एक हमीरा बीबी वर्सेस जुबेदा बीबी का केस था जिसमें कहा गया कि मुस्लिम वाइफ जो है यहाँ पर इंटाइटल्ड होगी टू इंटरेस्ट टू हर अनपेड डावर अभी हम प्रॉम्प्ट और डेफर्ड डावर जब पढ़ेंगे उसके बारे में तब हम डिस्कश डिस्कशन करेंगे तो उसमें इस केस में ये कहा गया है कि मुस्लिम वाइफ जो है इंटरेस्ट के लिए इंटाइटल्ड हो जाएगी अगर हस्बैंड जो है उसे मेहर जो कि डावर का अमाउंट है वो पे नहीं करता है तो ठीक है तो ये कुछ ज्यूडिशियल प्रेसिडेंट्स के केसेस है जैसे कि उमा वर्सेस नारायण नाथ कुन कुनाम ठीक है इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि अ गिफ्ट टू अ माइनर वाइफ इज वैलिड इवन इफ हर गार्जियन हैज नॉट कंसेंटेड टू द सेम मतलब कि अगर आप किसी माइनर वाइफ को आ, गिफ्ट देते हो तो वो वैलिड माना जाएगा भले ही चाहे उसके गार्जियन ने कंसेंट ना दी हो तो इसे हम ज्यूडिशियल प्रेसिडेंट की कैटेगरी में रखेंगे तो अब समझ में आया सोर्सेस कितने तरह के हैं Sources, दो तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी पहला, पहला है कुरान जो कि डिवाइन है इसमें कितने चैप्टर्स है 114 चैप्टर्स हैं 6606 वर्सेस हैं सिक्स है ठीक है उसके बाद में सुन्ना की बात करें तो प्रॉफिट की जो भी सेविंग्स है सुनतुल कौल सुनतुल फेल, और एक और हमने पढ़ा था सुनतुल तकरी ठीक है तो ये इसके काइंड इजमा की हम बात करें तो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन ज्यूरिस्ट की जो ओपिनियन है उसी को हम इजमा कह रहे हैं हैंजिकल डिडक्शन फिर हम बात करें सेकेंडरी की तो कस्टम के बारे में बता दिया कि भाई प्री इस्लामिक टाइम में जो है कस्टम्स ही फॉलो किए जाते थे जिन कस्टम्स के बारे में जो प्रॉफिट मोहम्मद साइलेंट रहे उनको आज भी फॉलो किया जाता है उसके बाद में ज्यूडिशल डिसीजन की बात करें तो सुपीरियर कोर्ट जो भी डिसीजन देती है वो सबोर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं और लेजिस्लेशन की हम बात करें तो वैसे तो सुप्रीम कमांडर जो है ये ब्लैक स्पैन से आंसर राइट right करते हैं तो यहाँ पर लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो वैसे तो सुप्रीम कमांडर जो है वो अलमाइटी गॉड ही है बट यहाँ पर कुछ लॉज जो है वो इनैक्ट कर दिए गए हैं लॉज के नाम मैंने आपको बताए थे ठीक है उसके बाद में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मैरिज निकाह ठीक है आई होप कि इतना जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी टू एक्स रिविजन करना है जल्दी जल्दी चीजों को वाइंड अप करना है तो मैं आप लोगों को जितना हो पा रहा है इन डेप्थ बता दे रही हूँ इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन दमेंट सेक्शन ठीक है तो अब हम बात करते हैं ओके अखंड अब बात करते हैं हम मैरिज की हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैरिज जिसे हम मुस्लिम लॉ में निकाह भी कहते हैं तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस्लाम के एक्सिस्टेंस में आने से पहले मैरिज से रिलेटेड क्या प्रोविजंस थे और अब जब क्योंकि इस्लाम एक्सिस्टेंस में आ गया है तो अब क्या प्रोविजंस हैं ठीक है तो देखो उस टाइम में अनलिमिटेड पोलोगी थी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था आप कितनी भी शादियां कर सकते थे कब जब इस्लाम एक्सिस्टेंस में नहीं आया था उसके बाद में प्रोहिबिटेड रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मदर और जो रियल सिस्टर हैं उनसे शादी नहीं कर सकते थे उसके अलावा कोई भी फीमेल जो होती थी वो से पर्सन शादी कर सकता था प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी उसके बाद में अनबैरल्ड प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग मैरिज जब जो चाहे अपनी वाइफ को छोड़ सकता था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट जो है वहां पर नहीं था उसके बाद में विमेन्स कंडीशन उस टाइम में वीमेंस की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा वर्स थी जब इस्लाम एक्सिस्टेंस में नहीं आया बट जब इस्लाम एक्सिस्टेंस में आया तो पोलोगेमी को जो है लिमिटेड कर दिया गया और लिमिटेड भी ऐसे किया गया कि ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी है तो आप जितनी चाहे शादियां कर लो नहीं चार शादियां जो है वो यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप जो है एक आ, 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 मेल पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार शादियां कर सकता है अनलिमिटेड पॉलीगैमी यहां से एबोलिश कर दिया गया उसके बाद में प्रोहिबिटेड रिलेशन एक्सटेंडेड प्रोहिबिटरी रिलेशन जो है वो एक्सटेंड कर दिए गए उसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को रेगुलेट किया गया कि आप आ, मैरिज को कैसे डिसॉल्व कर सकते हो कुछ उसके तरीके बताए गए और उन्हीं के हिसाब से फिर चीजें रेगुलेट होने लगी उसके बाद में की कंडीशन क्योंकि अब जब इस्लाम में आया तो वेमेन्स की कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हुई इससे पहले वुमेन्स के कोई राइट नहीं हुआ करते थे मतलब लाइफ उनकी बहुत ही खराब थी ठीक है बट जब इस्लाम एक्सिस्टेंस में आया तो धीरे धीरे करके चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट हुई अब हम बात करते हैं निकाह की कि निकाह का मतलब क्या होता है तो देखिए निकाह एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन और यह डेफिनेशन बेलीस ये, तो ये चीज याद रखिएगा कि निकाह क्या है निकाह एक ऐसा कॉन्ट्रेक्ट है जो कि आपके सेक्शुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करता है और आपके चिल्ड्रन को प्रोक्रिएशन के लिए बताया गया है तो निकाह का मतलब समझ में आए उसके बाद में क्या लिखा है मैरिज अमंग इज नॉट अक्रमेंट बट प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सेक्रमेंट uh, आप कह सकते हो संस्कार मतलब कि यहाँ पर कोई सेरेमनीज वगैरह नहीं होती है यहाँ पर मैरिज जो है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है उसके बाद और ये जो डेफिनेशन है जस्टिस मोहम्मद ने दी आ, महमूद ने दी थी जिन्होंने कहा था कि मैरिज जो है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है अब बात करते हैं कि वैलिड मैरिज के लिए क्या क्या ठीक है थीके? तो सबसे पहला एजेंशियल ये है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉम्पिटेंट पार्टीज दूसरा कंसेंट फ्री ऑप्टेंड होनी चाहिए तीसरा फॉर्मेलिटीज और चौथा है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड रिस्ट्रिक्शंस ठीक है तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर ले कि भाई पार्टीज uh, uh, के अगर कॉम्पिटेंसी के बारे में बात कही गई है तो कॉम्पिटेंसी से क्या मतलब है ठीक है सबसे पहले बात करें हम कॉम्पिटेंसी की कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए तो सबसे पहले एज ऑफ पिबर्टी की बात आती है तो एज ऑफ पिबर्टी का मतलब क्या होता है एज ऑफ मेजोरिटी तो हमने सुना है कि 18 साल की एज को एज ऑफ मेजोरिटी कहते हैं अब एज ऑफ पिबर्टी का मतलब क्या होता है तो एज ऑफ पिबर्टी का मतलब एक केस था अतीका बेगम वर्सेज मोहम्मद इब्राहिम इस केस में प्राइवेट काउंसिल ने यह हेल्ड किया था अः

हाँ तनवीर पंद्रह साल की एज जो है वो बता दी गई है उस केस का नाम था अतीका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम जिसके जिस केस में कहा गया था कि पंद्रह साल की जो एज है वो कौन सी एज होती है एज ऑफ पिबर्टी मानी जाती है ठीक है दूसरा आपका साउंड माइंड होना जरूरी है जिस टाइम पर आपकी मैरिज आपका निकाह हो रहा है आपका साउंड माइंड होना जरूरी है तीसरा आप मुस्लिम होने चाहिए अगर आप निकाह Uh, करना चाहते हैं तो आपका मुस्लिम होना जरूरी है तो पहला एज ऑफ लिबर्टी होनी चाहिए दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए और तीसरा मुस्लिम होना चाहिए उसके बाद में अगर हम बात करें तो काउंसिल बिल्कुल सही कहा विकास फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि uh, क्या माइनर की uh, शादी करवाई जा सकी क्योंकि अब अगर देखा जाए तो 18 साल इंडिया में एज है ठीक है और एज ऑफ पिबर्टी यहाँ पर 15 साल बता रहे हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर मुस्लिम लॉ में अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ दिबर्टी मतलब कि 15 साल की एज ऑफ पिबर्टी जो है उस पर्सन ने अटेन नहीं की है तो वो माइनर माना जाएगा और एज सच हैज ही और शी हैज नो कैपेसिटी टू गिव कंसेंट फॉर मैरिज मतलब कि क्योंकि अब वो माइनर है पंद्रह साल से कम की एज है तो वो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो दोनों ही क्या कर सकते हैं कि अपनी कंसेंट अब क्योंकि माइनर है तो कंसेंट नहीं दे सकते तो इन दैट केस अ अस मैरिज कंसेंट ऑफ गार्जियन इज वॉइड मतलब कि अगर बिना गार्जियन की कंसेंट से अगर शादी करवाई जाती है तो वो जो शादी है वो क्या मानी जाएगी वो वॉइड मानी जाएगी हम्म अगर माइनर है तो गार्जियन कंसेंट देगा उसके बाद में अब हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 की ठीक है अब सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से वो लोग हैं जो कि अपनी कंसेंट दे सकते हैं आप क्योंकि गार्जियन कंसेंट देंगे तो आप गार्जियन में कौन कौन पर्सन है तो सुन्नी लॉ में गार्जियंस अलग बताए हैं और शिया लॉ में गार्जियंस अलग बताए हैं और वो कौन कौन है तो सुन्नी लॉ में जो गार्जियंस बताए हैं वो है फादर पैटर्नल ग्रैंड हाउ हाई सो एवर अगर ब्रदर है या कोई भी अदर फी अगर कोई अदर मेल मेंबर है तो जो फादर की फैमिली का कोई भी मेल मेंबर होगा वो गार्जियन हो सकते हैं और वो कंसेंट दे सकते हैं मदर कंसेंट दे सकती है मैटरनल अंकल uh, या मैटरनल Aunt या कोई भी अदर मैटरनल रिलेशन जो है वो गार्जियन uh, जो है माने जाएंगे और उनके बिहाफ में मतलब उस माइनर के बिहाफ पर वो कंसेंट दे सकते हैं फिर उसके बाद में अगर हम शिया लॉ की बात करें तो शिया लॉ में गार्जियन कौन होंगे तो शिया लॉ में इन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम दो ही गार्जियन मानेंगे एक हमारे फादर या फिर ग्रैंड फादर ठीक है तो ये दो लोग हैं जो कि क्या माने जाएंगे गार्जियन माने जाएंगे अब बात आती है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट Uh, 1929 जिसमें ये बताया गया है कि अगर 18 साल एज मतलब कि मेल uh, के लिए बता दिया है 21 इयर्स एज और फीमेल के लिए बता दी गई है 18 इयर्स की एज जो कि अभी चेंज होने का चल रहा है सो so, अब फीमेल की 18 साल होनी चाहिए और मेल के लिए क्या बोल दिया गया है कि 21 साल की एज होनी चाहिए सो so, ऐसे केस में अगर उस पर्सन की शादी करवाई जाती है तो यहाँ पर आ, करेंगे गार्जियन के केस में किस ऑर्डर में फॉलो करेंगे मैम ऑर्डर फॉलो करेंगे गार्जियन के केस में किस ऑर्डर में मुझे समझ में नहीं आया अखंड एक बार और बताइए मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ सो चाइल्ड मैरिज रिस्टेंट एक्ट ये कहता है कि अगर 18 साल से कम की उस फीमेल की एज है या 21 साल से उस मेल की एज कम है तो फिर वो माइनर माने जाएंगे और अगर उनकी शादी करवाई जाती है तो ये एक ऑफेंस है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है एंड अ मैरिज इन विच एनी ऑफ पार्टीज इज़ बिलो द प्रेस्क्राइब एज इज अ चाइल्ड मैरिज और इसे चाइल्ड मैरिज माना जाएगा एंड अ गार्जियन और एनी पर्सन हु परफॉर्म्स और कंडक्ट एनी चाइल्ड मैरिज कमिट ऑफेंस ये माना जाएगा कि उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है ठीक है उसके बाद में क्या जो शादी जो चाइल्ड मैरिज हुई है क्या वो वॉइड हो जाएगी क्योंकि आप चाइल्ड मैरिज करवाई है तो क्या वो वॉइड हो जाएगी तो ये एक्ट ये कहता है इफ अ मैरिज इज अ चाइल्ड मैरिज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट द चाइल्ड मैरिज इज नॉट वॉइड द मैरिज एक्सिस्ट एंड इज परफेक्टली वैलिड मतलब कि जो मैरिज करवाई गई है वो तो परफेक्टली वैलिड होगी हाँ जिसने आ, मतलब अगर उन माइनर्स की शादी जिसने कंडक्ट कराई है उन्होंने वो जो ऑफेंस है वो कमिट किया ऑफेंस कमिट किया और उनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जाएगी अब बात आती है अब बात कर लेते हैं हम किसकी ख्यार उल बुलु मतलब की ऑप्शन ऑफ पिबर्टी की तो ऑप्शन ऑफ पिबर्टी को जिसे हम ख्यार उल बुलुक भी कहते हैं मुस्लिम लॉ में यह कहा गया है कि जब कोई माइनर अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड कर लेता है तो उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो चाहे तो अपनी मैरिज को अप्रूव भी कर सकता है और चाहे तो उस मैरिज को डिसअप्रूव भी कर सकता है मैम फादर ब्रदर मदर यही ऑर्डर फॉलो करेंगे या आगे पीछे नहीं 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 ऑर्डर फॉलो आपको करना पड़ेगा या अगर फादर है तो पहले आप उनकी कंसेंट ले लीजिए फादर नहीं है ग्रैंड फादर है तो आप उनकी कंसेंट ले सकते हैं अगर वो नहीं है तो ऐसे करके आपको ऑर्डर फॉलो करने होंगे ऐसे बीच में से ऐसे नहीं कि मदर की कंसेंट ले लिया तो काम चल जाएगा नहीं अगर फादर है तो आप उनकी कंसेंट पहले लेंगे ठीक है हाँ विकास बिल्कुल सही कहा ठीक है अब उसके बाद में ऑप्शन ऑफ पिबर्टी तो मुस्लिम लॉ में ये कहा गया है कि जब कोई माइनर अपनी एज ऑफ पिबर्टी अटेंड करता है तो उसके पास ये राइट right होता है कि वो चाहे तो अपनी मैरिज को अप्रूव कर सकता है या उस मैरिज को डिसअप्रूव कर सकता है और इसी राइट right को क्या बोलते हैं खयर उल बुलोक ठीक है अब जो आ, Uh, शादी है वो कैसी होनी चाहिए मतलब कि जो मैरिज कर कंडक्ट uh, करवाई गई है वो गार्जियन के द्वारा करवाई गई हो एंड वो नीदर फादर नॉर पैटर्नल अंकल मतलब कि फादर और पैटर्नल अंकल ठीक है फादर फादर uh, या फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर सॉरी फादर या ग्रैंडफादर ने अगर uh, वो मैरिज कंडक्ट कराई है तो तो आप इस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते बट इनके अलावा अगर किसी और ने कंसेंट दी है सपोज कि मदर ने कंसेंट दी है या आ, मैटरनल अंक आ, मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट ने आ, कंसेंट दी थी आ, जब वो पर्सन माइनर था अब क्योंकि उसने एज ऑफ पिबर्टी अटेन कर लिया तो उसके पास ख्याल उल बुल मतलब कि ऑप्शन ऑफ पिबर्टी का राइट होगा जैसे ही वो ऑप्शन ऑफ पिबर्टी अटेंड करेगा उसके पास ये राइट आ जाएगा कि वो चाहे तो अपनी मैरिज को अप्रूव भी कर सकता है चाहे तो अपनी मैरिज को डिसअप्रूव भी कर सकता है तो ये चीज याद रखिएगा <coughs> और आ, आ, क्या वो शादी वॉइड हो जाएगी अगर वो डिसअप्रूव करता है उस मैरिज को तो क्या वो मैरिज वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी तो याद रखिएगा वो मैरिज जो है वॉइड वॉइडेबल होगी एंड वेयर अ पर्सन हैज नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ ऑप्शन ऑफ फिबर्टी आफ्टर बिकमिंग अडल्ट सपोज कि अगर कोई पर्सन अपने इस राइट का इस्तेमाल नहीं करता अपने इस राइट को यूज नहीं करता ए जब फिबर्टी अटेंड कर ली है और अब शादी कंटिन्यू चल रही है तो यहाँ पर ये प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने अपना ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का राइट right जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया मतलब कि उसने अपना अप्रूवल उस मैरिज के लिए दे दिया है बट शिया लॉ में क्या कहा गया है शिया लॉ ये कहता है अ माइनर मैरिज मस्ट बी अप्रूव बाय दी माइनर ऑन अटेंडिंग प्यूबर्टी शिया लॉ ये कहता है कि अगर आपने प्यूबर्टी अटेंड कर ली है तो ये जरूरी है कि आप अपनी कंसेंट दें ठीक है अगर आपने अपनी कंसेंट नहीं दी तो वो अप्रूवल नहीं माना जाएगा आप जैसे सुन्नी लो में तो ये कह दिया कि भाई अगर आपने अप्रूवल नहीं दिया तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपने मैरिज को अप्रूवल दे दिया बट शियालो के हैं नहीं आपको अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी कंसेंट दोगे तो ही हम मानेंगे ठीक है फिर अब बात करते हैं ऑप्शन ऑफ पिबर्टी के रूल्स की कि क्या क्या रूल्स इसके रिगार्डिंग बताए गए हैं तो द ऑप्शन ऑफ पिबर्टी कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय हजबेंड इफ हिज मैरिज वॉज कॉन्ट्रैक्टेड बाय फादर और ग्रैंड फादर मतलब कि एक मेल uh, पर्सन जो है वो अपना ऑप्शन ऑफ पिबर्टी का जो राइट right है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता इन केस अगर उसकी मैरिज उसके फादर या उसके ग्रैंडफादर ने करवाई है वही वेर इट इज दैट फादर और ग्रैंडफादर बट अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि फादर या ग्रैंडफादर ने जो है फ्रॉड करके या फिर कह दिया जाए नेग्लीजेंटली फ्रॉडली या नेग्लिजेंटली अगर फादर या ग्रैंड फादर ने उस माइनर पर्सन की मैरिज कंडक्ट कराई है तो इन दैट केस वहां पर फिर वो मेल पर्सन भी जो है अपने उस राइट right को एक्सरसाइज कर सकता है मतलब कि जो हस्बैंड है अपने इस राइट right को फिर एक्सरसाइज कर सकता है इन केस अगर मैरिज फ्रेड्यूलेंटली या नेग्लिजेंटली आप प्रूव कर देते हो कि फादर या ग्रैंड द्वारा कंडक्ट कराई गई थी तो ही आप एक्सरसाइज कर पाओगे अखंड पिबर्टी का राइट फीमेल पर होता है ना मैम बस नहीं नहीं हस्बैंड भी कर सकता है एंड वेयर इट फिर उसके बाद में दूसरा रूल ये है कि की वाइफ कैन एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ पिबर्टी इवन इफ हर मैरिज वॉज कॉन्ट्रेक्टेड बाय फादर और ग्रैंडफादर फीमेल के लिए ये राइट है कि भले से आपके फादर ने वो मैरिज कंडक्ट कराई हो या आपके ग्रैंडफादर ने उस मैरिज को कंडक्ट कराया हो आप इस ऑप्शन ऑफ पेबर्टी के राइट को एक्सरसाइज कर सकती हो ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा सबसे पहला क्या है सबसे पहला ये है कि अगर कोई मेल पर्सन एज ऑफ पिबर्टी का राइट मतलब की ख्यार उल, का राइट जो है वो एक्सरसाइज करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है बट अगर फादर या ग्रैंडफादर ने वो मैरिज कंडक्ट कराई है तो आप नहीं कर सकते तो वहीं फीमेल को ये राइट है कि वो चाहे उसकी मैरिज फादर ने कंडक्ट कराई हो या ग्रैंडफादर ने कंडक्ट कराई हो आप अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं सो so, ये तो बात थी रूल्स की ठीक है एंड द ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज बाय अ वाइफ इमीडिएटली आफ्टर द ऑफ इफ देयर इज एन अनबल डिले इन द द एक्सरसाइज ऑफ ऑफ ऑप्शन हर राइट इज लॉस्ट मतलब कि आपने जैसे ही एज ऑफ पिबर्टी अटेंड की है मतलब कि किसी भी फीमेल ने जब एज ऑफ पिबर्टी अटेंड की है तो उसको इमीडिएटली अपने राइट को एक्सरसाइज करना है अगर अनरीजनेबल डिले होता है तो ऐसे केस में फिर आप अपने उस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे ठीक है तो अब ये बात हो गई ऑप्शन ऑफ पिबर्टी की ठीक है सो अब हम बात कर रहे थे फ्री कंसेंट की क्योंकि ऑप्शन ऑफ़ की बात आई थी तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन ऑफ पिबर्टी से रिलेटेड जो राइट होता है उसके बारे में भी यहाँ बता दिया है अब बात करते हैं फ्री कंसेंट की कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए अगर आपने अंडर कंपल्शन या फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आ, कंसेंट uh, ऑप्टेन की है तो फिर वो uh, जो मैरिज है वो वैलिड नहीं होगी ठीक है उसके बाद में फॉर्मेलिटीज की अगर हम बात करें तो निकेत मैम रेपीडेट करते हैं समय इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है कहा गया नहीं, वहाँ पर क्योंकि ये एक राइट right दिया गया है कोई किसी भी फीमेल को या मेल को तो वो अपने इस राइट right को एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके बाद में अब हम फॉर्मेलिटीज की बात करते हैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि निकाह एक तरह का सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ऑफर भी जरूरी है एक्सेप्टेंस भी जरूरी है तो ये सारे एजेंशियल जो हैं, वो यहां पर भी आते हैं कैसे फॉर्मेलिटीज के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है सबसे पहले एक प्रपोजल होना चाहिए और उसके बाद में उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए क्या कंसिडरेशन की जरूरत है तो हाँ मेहर जो डावर वर्ड जो यहाँ पर हम बोलते हैं उसी को कंसिडरेशन कहा जाता है ठीक है तो कंसिडरेशन भी जरूरी है तो पहला प्रपोजल होना चाहिए दूसरा एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए और एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए ठीक है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एक ही सेटिंग में होगा निकाह के टाइम पे आपने काफी सीरियल्स में और मूवीज में सीन्स देखे होंगे तो एक ही सेटिंग में प्रपोजल होता है और वही एक्सेप्टेंस भी हो जाता है तो वन सेटिंग में जो मैरिज है वो कंडक्ट की जाती है अब शिया लॉ में जो है विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती बट सुन्नी लॉ ये कहता है कि भाई दो विटनेस हमें चाहिए इस चीज के लिए तो ये चीज याद रखिएगा ठीक है विटनेस के बारे में क्या है कि यहां पर सुन्नी लोग क्या बोलता है क्या आप दो विटनेस लेकर आइए जबकि शिया कहता है कि प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल अब चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर बात करते हैं, हैं। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में ठीक है तो ये दो तरह के एक है एप्सल्यूट प्रोहिबिशन और दूसरा है रिलेटिव प्रोहिबिशन तो ये जो एप्सल्यूट प्रोहिबिशन है इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है पहला है बाय ब्लड रिलेशन दूसरा है बाय एफिनिटी और तीसरा है फॉस्टरेज ठीक है शिया सुनने में अलग अलग व्यूज हैं दैट्स मेक मुस्लिम नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाँ कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि अब दोनों में अलग अलग तरह के थोड़े प्रोविजन हैं तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं एप्सल्यूट प्रोहिबिशन की जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि इनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है बाय ब्लड रिलेशन एफिनिटी एंड तीसरा है फॉस्ट्रेज जी बालमोकुंद जी पूछिए जी अभी जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये टू एक्स रिविजन है हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे सारे टॉपिक आज ही कवर हो जाए वरना अगर आज मुस्लिम लॉ पढ़ते रह जाओगे तो फिर हिंदू लॉ कब पढ़ोगे ठीक है तो अब बात आती है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की सो so, तब, आ, रिलेशन के के बारे में हम पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो है ये मैंडेटरी नेचर के हैं सबसे पहली चीज तो ये याद रखिएगा अ निकाह इन वॉयेशन देर ऑफ शेल आर बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन मतलब कि अगर आप इसके वॉलेशन में जाकर निकाह करते हैं तो वो निकाह जो है क्या माना जाएगा वो वॉइड होगा अब Ascend, uh, क्या क्या इसमें ब्लड रिलेशन में क्या क्या इंक्लूड है तो एसेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स ऑफ फादर एंड मदर ब्रदर और सिस्टर ऑफ एसेंडेंट्स तो ये ब्लड रिलेशन में इंक्लूड uh, है वही हम बात करें मैरिज इज परमिटेड विद द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एंड फॉलोइंग रिलेशन मतलब कि मैरिज जो है इन uh, कुछ ऐसे चिल्ड्रन uh, हैं जिन जिनके लिए अलाउ कर दिया है कि भाई आप इन शादी कर सकते हो जैसे कि पैटर्नल अंकल्स चिल्ड्रन ठीक है मतलब फादर के अगर uh, जो uh, भाई हैं उनके बच्चों से जो है शादी की जा सकती है मैटरनल अंकल्स चिल्ड्रन उनसे जो है निकाह किया जा सकता है अब बात करते हैं फिर एफिनिटी की ये तो हो गई ब्लड रिलेशन के बारे में उसके बाद में एफिनिटी एफिनिटी का मतलब होता है uh, एफिनिटी बेसिकली मैट्रीमोनियल रिलेशनशिप को जो है बिलोंग करता है एंड इट कवर्स फॉलोइंग रिलेटिव पहला एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ हसबैंड और वाइफ हसबेंड और वाइफ के एसेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स और हस्बैंड और वाइफ ऑफ एसेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स तो ये एफिनिटी को कवर करते हैं वही हम फॉस्टर रिलेशन के बारे में बात करें तो फॉस्टर रिलेशन जो है फॉस्टर रिलेशन का मतलब होता है एप्सोल्यूट प्रोहिबिशन ठीक है फॉस्टर रिलेशनशिप जो है एप्सोल्यूट एप्सोल्यूट प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है एंड आप फॉस्टर मदर इज अमेन हु टू आर चिल्ड्रन ऑफ अनदर वन अंडर टू ईयर्स ऑफ एज मतलब कि अगर कोई महिला जिसका जो चा, जो चाइल्ड है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कोई और महिला कराती है तो ये एक तरह का फॉस्टर रिलेशन होता है और आप फॉस्टर रिलेशन में शादी नहीं कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में मैरिज विथ हर ब्लड रिलेटिव्स एंड रिलेटिविटी इज प्रोहिबिटेड ठीक है उसके बाद में आ जाते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए किसको फॉस्टर रिलेशन को विकास बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं आप फॉस्टर रिलेशन के बारे में एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो है इसको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है मतलब कि अगर ये जो प्रोहिबिशन लगाए गए हैं जहां पर बता दिया गया है कि आप इन, इन से शादी नहीं कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पेटरनल्स अंकल और मेटरनल अंकल के जो चिल्ड्रन हैं आप उनसे शादी कर सकते हैं तो यहां पर प्रोहिबिशन नहीं लगाया हुआ है तो जिन रिलेशन्स पर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लगाया गया है वहां पर अगर आप शादी करते हैं तो दैट निका शेल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड <coughs> ये चीज याद रखिए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन का मतलब ये है और इनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है बाय ब्लड फॉस्टर और एफिनिटी ठीक है तो अब फॉस्टर रिलेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और फॉस्टर रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने यहां पर बताया है ठीक है फॉस्टर तो रिलेशन के बारे में उन्होंने बताया कि अगर कोई महिला है उसका कोई चाइल्ड है और उस चाइल्ड को अगर कोई और महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो ऐसे केस में ये फॉस्टर रिलेशन कहलाता है और वहां पर आप शादी नहीं कर सकते यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन बताया गया है बट कुछ ऐसे रिलेशन भी हैं मतलब कि फॉस्टर रिलेशन को एक रियल मदर की तरह ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि आप क्योंकि आपने उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई है तो वो जो फॉस्टर मदर है वो रियल मदर जो है कंसीडर की जाती है इसलिए वहां पर क्या किया गया है कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लगा दिया गया है उसके बाद में अनलॉफुल कंजंक्शन अनलॉफुल कंजंक्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो ऑल रिलेटिव प्रोहिबिशन आर ओनली डायरेक्टली इन ब्रीच ऑफ रिलेटिव प्रोहिबिशन शेल ओनली बी इनरेगुलर एंड नॉट बी वॉइड, ठीक है मतलब कि अनलॉफुल कंजंक्शन के बारे में इन्होंने बताया कि जितने भी रिलेटिव प्रोहिबिशन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी है ठीक देयर फॉर अगर आप उनके आ, आ, अगेंस्ट जाकर निकाह करते हैं तो वो वॉइड नहीं होंगे वो इरेगुलर हो जाएंगे इरेगुलर का मतलब ये है कि एक पार्टी के ऑप्शन पर वो क्या हो जाएंगे आ, मतलब कि अगर उस इेगुलरिटी को हटा दिया जाए तो वो जो निका है परफेक्टली वैलिड मान लिया जाएगा उसके बाद में अब बात करते हैं अब बात कर लेते हैं थोड़ी आ, मुता मैरिज मुता मैरिज आई होप आप लोगों ने पहले सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मुता मैरिज आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है मेंस में प्री का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही ठीक है सबसे पहले जानते हैं कि मुता मैरिज मुता मैरिज को टेम्प्रेरी मैरिज भी कहा जाता है सबसे पहले ये याद रखो उसके बाद में मुता का लिटरल uh, मीनिंग क्या होता है तो मुता का लिटरल मीनिंग होता है प्लेजर या फिर एंजॉयमेंट मतलब की uh, मुता मैरिज जो है एक टेम्परे मैरिज है और कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो की जाती है मतलब कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मैरिज है जो कि सिर्फ प्लेजर और इन्जॉयमेंट के लिए की जाती है ठीक है उसके बाद में प्रॉफिट मोहम्मद ने इस मैरिज को क्या डिक्लेयर किया है अन इस्लामिक डिक्लेयर किया है क्योंकि एक पीरियड के लिए शादी कौन एक, मतलब बहुत ही अजीब सी बात है ना कि एक पीरियड के लिए शादी की जा रही है बस एक प्लेजर और एंजॉयमेंट के लिए शादी की जा रही है तो इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद ने इसको अन इस्लामिक डिक्लेयर किया और इसका फाइनल एबोल्यूशन जो है उस्मान ने किया था जो कि थर्ड खलिफ है उसके बाद में अब आ जाते हैं कि क्या क्या इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी तो मैरिज की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए मतलब कि वही एज ऑफ पिबर्टी होनी चाहिए साउंड माइंड होना चाहिए और तीसरा मुस्लिम होना चाहिए उसके बाद में फ्री कंसेंट कंसेंट जो है आपने फ्रॉडली ऑप्टेंड ना की हो ठीक है कंपल्शन में ऑप्टेंड ना की हो अगर आपने Uh, मतलब फ्रॉड ली या आपने uh, जो मैरिज uh, में कंसेंट है वो कंसेंट फ्री नहीं है आपने उसे अंडर कंपलशन ऑप्टेन किया है तो वहां पर वो मैरिज वैलिड नहीं होगी फिर फॉर्मेलिटीज क्या क्या होंगी फॉर्मेलिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज के लिए कहा गया है कि भाई एक सेटिंग होगी और उस सेटिंग में ऑफर होना चाहिए दूसरा सामने वाला उसको एक्सेप्ट accept करे एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए तो फॉर्मेलिटीज के बारे में ये बताया है, उसके बाद में ड्यूरेशन जो है जिस टाइम पर निकाह हो रहा होगा जिस टाइम पर मुता मैरिज हो रही होगी उस टाइम पर ये जो है काइंड ऑफ लिविन रिलेशनशिप हाँ कह सकते हैं आप तो खैर uh, मुता मैरिज बट uh, मैम इन शिया मुता मैरिज स्टिल एग्जिस्ट हाँ मतलब अभी भी एग्जिस्ट तो करती है बट मुझे नहीं लगता कि अब क्योंकि Uh, बहुत मॉडर्न टाइम आ चुका है एंड uh, मुश्किल है कि ये सारी चीज़ें अब शियालों में एक्सेस भी करती होंगी ठीक है फिर उसके बाद में आ जाता है फिक्स्ड ड्यूरेशन ड्यूरेशन जिस टाइम पर मुता मैरिज हो रही है उसी टाइम पर एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इतने टाइम तक के लिए मुता मैरिज जो है वो कंटिन्यू uh, रहेगी उसके बाद में एक मेहर भी डिसाइड कर दिया जाता है और नेक्स्ट नॉट बीइंग इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो बताए मैंने उसमें नहीं आना चाहिए अब लीगल इफेक्ट क्या होंगे या लीगल क्या होंगे जब ये कंडक्ट की जाएगी तो सबसे पहला कि क्या कोबिटेशन जो है वो लॉफुल माना जाएगा इस मैरिज के अंदर तो जी हाँ जो कोहेबिटेशन है वो लॉफुल माना जाता है उसके बाद में कि अगर इस मैरिज से कोई संतान जन्म लेती है कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो लेजिटिमेट होगा तो बिल्कुल वो लेजिटिमेट होगा क्या हस्बैंड uh, और वाइफ एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं हस्बैंड और वाइफ शेल नॉट म्यूचुअल हायर वाइफ शेल नॉट बी एंटाइटल टू मेंटेनेंस। बट यहां पर वाइफ uh, के पास uh, जो है मेंटेनेंस का राइट नहीं होता तो ये चीज याद रखिएगा। मुता मैरिज में वाइफ के पास ये राइट नहीं होता है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस रिकवर कर सके उसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इद्दत इद्दत का पीरियड जो है मैम क्लास कब तक चलेगी कैन यू प्लीज टेल मी जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाते तब तक आज मुस्लिम लॉ की क्लास चलेगी एंड आफ्टर दैट अंकिता मैम विल कंडक्ट क्लास जहाँ पर वो हिंदू लॉ आपको पढ़ाएंगी ठीक है उसके बाद में इद्दत और याद रखू कि फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है तो उसमें भी एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट हो रहा है तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो जरूर अटेम्प्ट कर लेना और अगर अटेम्प्ट आप करते हो तो फिफ्टी परसेंट की स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिल सकती है तो इस चीज़ का ध्यान रखें सोलह तारीख को जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा ठीक है उसके बाद में इद्दत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस इद्दत वर्ड का मतलब क्या होता है तो इद्दत एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर मुस्लिम या मुस्लिम या जो है दोबारा शादी नहीं कर सकती है ठीक है अभी ये एक शादी के बाद आ, अब शादी के बाद ये एक पीरियड होता है सॉरी मतलब जब डाइवोर्स हो जाती है हस्बैंड और वाइफ के बीच डाइवोर्स हो जाती है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वाइफ uh, को एक पीरियड जो है वो ऑब्जर्व करना होता है और इतने पीरियड में वाइफ जो है शादी नहीं कर सकती है इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं इद्दत कहते हैं ठीक है ठीके? अब अगर मैरिज का डिसोल्यूशन अगर मैरिज का डिसोल्यूशन डाइवोर्स के थ्रू हुआ है तो वहां पर ड्यूरेशन थ्री मंथ्स का रहेगा ठीक है ये चीज याद रखिएगा कि अगर हस्बैंड और वाइफ की डाइवोर्स हुई है तो वाइफ को एक पीरियड जो है ऑब्जर्व करना होता है और वो पीरियड कितने मंथ का होता है थ्री मंथ्स का होता है वहीं अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है ठीक है अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो फोर मंथ टेन डेज का जो है पीरियड होता है जहां पर एक वाइफ को इतना पीरियड ऑब्जर्व करना होता है उतने टाइम में वो शादी नहीं कर सकती है सो बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट जो है इस इद्दत का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि इससे ये पता लगाया जा सके कि जो है मतलब उसकी चाइल्ड की लेजिटिमेसी के रिगार्डिंग जो है बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है मुझे लगता है कि अब खैर ये पीरियड इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि अब तो साइंटिफिकली हमने काफी इम्प्रूवमेंट लेकर आ गए हैं तो बच्चे की लेजिटिमेसी से रिलेटेड जो है ये कॉन्सेप्ट है अब ये आप लोग कैसे याद रखेंगे uh, क्योंकि प्री में आपसे पूछा जाएगा कि कितने मंथ का पीरियड इन केस अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो एक वाइफ को इद्दत पीरियड जो है वो ऑब्जर्व करना चाहिए ठीक है तो अगर डेथ है तो फोर मंथ टेन डेज और अगर डाइवोर्स हुआ है तो थ्री मंथ ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है और इद्दत का जो uh, टॉपिक है मीन्स में आपसे uh, मतलब शॉर्ट uh, uh, मतलब शॉर्ट नोट लिखने के लिए जो बोलते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं अब उसके बाद में आती है बात काइंड ऑफ मैरिजेस की तो कितने तरह की एक तो होता है अब देखो उसको भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है पहला है सुन्नी और दूसरा है शिया शिया और सुन्नी दोनों में अलग अलग है अब सुन्नी में ये कहा जाता है कि वैलिड वैलिड मैरिज जो है जिसको ये सही कहते हैं तो अब सही वर्ड याद करना मेरे ख्याल से इतना टफ नहीं होगा वैलिड मतलब सही होता है हम हिंदी में भी सही ही बोलते हैं उसको ठीक है तो ऐसे करके याद कर सकते हो कि वैलिड का मतलब होता है सही ठीक है उसके बाद में वॉइड मैरिजेस वॉइड मैरिजेस को इन्होंने यहां पर क्या कहा गया है बातिल तो ये याद रखना की वॉइड मैरिज जो है वो क्या कहलाती है बातिल उसके बाद में इरेगुलर इेगुलर को क्या कहा जाता है फासिद अब ये टर्म जो है Uh, मुझे लगता है रघुवीर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि uh, हिंदू लॉ कौन पढ़ाएगा आप फोकस अभी ये कीजिए कि मुस्लिम लॉ आप पढ़ रहे हैं और अगर मुस्लिम लॉ के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझसे आप पूछ लीजिए बाकी uh, मुस्लिम लॉ की जो क्लास है उसके बाद में आप लोगों की हिंदू लॉ की ही क्लास जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी सो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है मुस्लिम लॉ पढ़ लो क्योंकि ये भी आना है ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू लॉ आएगा ठीक है अब बात करते हैं कि वैलिड मैरिज वैलिड मैरिज में क्या होता है सबसे पहले ये वैलिड मतलब कि सही अब वैलिड मैरिजेस कैसी होती हैं? जहां पर पार्टीज कॉम्पिटेंट हो पार्टीज की कंसेंट या उनके गार्जियन की कंसेंट जो है अंडर कंपल्जन ना ली गई हो कंसेंट फ्री हो उनकी ठीक है ऑफर हुआ हो एक्सेप्टेंस हुआ हो प्रॉपर्ली और एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट हो ठीक है और चौथा देर इज नो प्रोहिबिशन फॉर मैरिज बिटवीन दी प्रोहिबिट प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप के ग्राउंड uh, पर उनकी शादी ना हुई हो ठीक है तो ये चीज ऐसी मैरिज जो है वो क्या कहलाती है वैलिड मैरिज कहलाती है वही हम बात करें वॉइड मैरिजेस की तो वॉइड मैरिज कब कहलाती है जब आपने इन्हीं ग्राउंड्स का वॉयलेशन किया हो पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं थी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ प्रपोजल नहीं हुआ था अंडर कंपल्जन कंसेंट ली गई थी तो फिर वो मैरिजेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं बातिल मतलब कि वॉइड मानी जाती हैं और सुन्नी लॉ में इरेगुलर मैरिजेस होती हैं इरेगुलर मैरिजेस को हम फासिद भी कहते हैं अब इरेगुलर मैरिजेस क्या होती है ये हमने थोड़ा नया टर्म सुना है इरेगुलर मैरिजेस का मतलब होता है जहां पर कोई इरेगुलरिटी की वजह से आपकी मैरिज जो है अभी वैलिड नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो इरेगुलर मैरिजेस है जब उस इरेगुलरिटी को रिमूव कर दिया जाएगा तो वो मैरिज जो है परफेक्टली वैलिड हो जाएगी तो इरेगुलर मैरिजेस को कौन से लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया है सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया है। क्वेश्चन है ये प्री का आपसे पूछा जा सकता है कि इरेगुलर मैरिजेस को कौन से मैरिजेस uh, में uh, मतलब कौन से लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया तो सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया वहीं हम शिया लॉ की बात करें तो तीन तरह के हैं एक है वैलिड दूसरा है वॉइड और तीसरा है टेम्परेरी यानी कि मुतामेरिज जो कि हमने अभी पढ़ा तो वैलिड और वॉइड तो समझ में आ ही गया होगा टेम्प्रेरी अभी हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा कि भाई एक टाइम पीरियड के लिए बेसिकली शादी की जाती है और जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है शादी भी खत्म हो जाती है और हाँ एक चीज और याद रखना जैसे कि अगर सपोज उन्होंने एक एक दिन के लिए भी हो सकती है दो दिन के लिए भी हो सकती है लाइफ टाइम के लिए भी मुदा मैरिज की जा सकती है तो सपोज अगर उन्होंने एक साल तक आ, का जो पीरियड है वो डिसाइड किया अब एक साल के बाद भी वो हस्बैंड और वाइफ कंटिन्यू रिलेशन में रहते हैं और कंटिन्यू उस, उस मैरिज को कंटिन्यू करते हैं तो इन दैट केस उनकी मैरिज जो है वो वैलिड होगी आफ्टर वन ईयर भी ठीक है उसके बाद में अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डावर ठीक है मैरिज हाँ, में डिफेक्ट होने की वजह से मतलब अगर उस इनरेग्युलरिटी को अगर आप रिमूव कर दो तो वो मैरिज जो है परफेक्टली वैलिड होगी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डावर ठीक है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डावर का मतलब क्या होता है तो डावर जो है अब्दुल रहीम ने डेफिनेशन दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेहर यानी कि डावर इज ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विच अ मुस्लिम वाइफ इज इंटाइटल्ड टू गेट फ्रॉम हर हजबेंड ऑन मैरिज एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड हर अब्दुल तो रहीम की मतलब ये डेफिनेशन जो है आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं जहां पर आप ये बता सकते हैं कि मेहर या, यानी कि डावर जो है एक ऐसा सम ऑफ मनी या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है रेगुलर वैलिडन हाँ अगर उस इरेगुलरिटी उस को रिमूव कर दिया जाए तो फिर वो मैरिज परफेक्टली वैलिड हो जाएगी सुननी में ठीक है तो मेहर या डावर जो है एक ऐसा सम ऑफ मनी या एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है और वो क्यों दिया जाता है टुवर्ड दी टुवर्ड शोइंग हर रिस्पेक्ट मतलब कि एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू वो हर जो हस्बैंड है अपनी वाइफ को वो सम ऑफ मनी या वो प्रॉपर्टी जो है वो देता है अब बात करते हैं इसकी काइंड के बारे में ठीक है क्योंकि अगर हम बात करें तो इससे पहले जो है प्री इस्लामिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी दावर और महल टाइप की चीजें बहुत कम ही हुआ करती थी ठीक है तो उस तरह की जो मैरिजेज हैं हाँ एक चीज और ये चीज आप लोगों को सुनने में मतलब पहली बार अगर आप सुन रहे हो या फिर आपने पढ़ा भी हो कहीं पर दो तरह की मैरिजेस होती थी एक तो मैरिज वो होती थी जहां पर मेल पर्सन जो है अपने जो भी जो लड़की है उसके गार्जियन को बताती हूँ मैं मेहर अमाउंट कितना होगा कैसा होगा वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे अभी पहले ये सुनो कि जब इस्लाम एक्सिस्टेंस में नहीं आया था तो दो तरह की आ, आ, बेसिकली शादी होती थी कि आ, जो मेल पर्सन है वो जाकर जो फीमेल के गार्जियन है उनको अपना ऑफर रखता था कि भाई आपकी बेटी से शादी करनी है और जब उनकी शादी हो जाती थी तो वो जो मेहर का अमाउंट है वो किसको दिया जाता था वो गार्जियंस को दिया जाता था ठीक है और इस टाइप की मैरिज को क्या कहा जाता था बाल मैरिज बी ए डबल एल इसको हम बॉल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं बाल जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें तो इस तरह की मैरिज भी उस टाइम में एक्सिस्ट करती थी उसके बाद में एक तरह की मैरिज और होती थी जिसका नाम था बीना मैरिज उसमें क्या होता था कि मेल पर्सन जो है वो डायरेक्टली फीमेल पर्सन से कांटेक्ट करता था एंड दे गेट मैरिड और फिर उसके बाद में जो डावर का अमाउंट है वो उसी फीमेल को दिया जाता था बट जब इस्लाम एक्सिस्टेंस में आया तो प्रॉफिट मोहम्मद ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई इस तरह का कुछ नहीं होगा आप जो है शादी कर रहे हैं उस फीमेल से तो आपको जो अमाउंट है जो डावर जो मेहर आप दे रहे हैं वो आप उस फीमेल को ही दे जिससे आप शादी कर रहे हैं ठीक है आपको उन्हें गार्जियन को देने की जरूरत नहीं है उसके बाद में अब चलते हैं हम इसके काइंड की तरफ मेहर का अमाउंट कितना होगा क्या होगा अभी हम ये सब डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस चार्ट को देखो देखो यहां पर दिया हुआ है काइंड ऑफ मेहर या डावर जिसे हम कहते हैं तो ये दो तरह का होता है एक होता है अनस्पेसिफाइड डावर और एक होता है स्पेसिफाइड डावर सबसे पहले तो ये समझ लो ठीक है अनस्पेसिफाइड डावर जिसे हम मेहर मिसल भी कहते हैं ठीक है जिसे हम प्रॉपर डावर और कस्टमरी डावर भी कहते हैं उसके बाद में दूसरा काइंड है स्पेसिफाइड डावर जिसे हम मेहर मुसम्मा मेहर मिसल और मेहर मुसम्मा ये दो टर्म याद रखिए। उसके बाद में इसको भी इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है एक है प्रॉम्प्ट डावर और दूसरा है डेफर्ड डावर प्रॉम्प्ट डावर को ये मवज्जल और डेफर्ड को ये मुवज्जल कहते हैं ठीक है थीके? अब उसके बाद में सबसे पहले हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि ये अनस्पेसिफाइड क्या क्या होता क्या होता है, है। स्पेसिफाइड तो अनस्पेसिफाइड डावर वो डावर होता है जो कि मैरिज के टाइम पर डिसाइड नहीं किया जाता है एंड द वाइफ इज इंटाइटल टू गेट द प्रॉपर डावर विच इज फिक्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कि अगर आपने एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर डावर का अमाउंट फिक्स नहीं किया है तो ऐसे केस में वाइफ इंटाइटल्ड है कि कोर्ट ऑफ लॉ से उस अमाउंट ऑफ डावर को वो फिक्स करवा सकती है और वहां से अपना जो डावर का अमाउंट है वो अपने हस्बैंड से रिकवर कर सकती है तो ये चीज याद रखिए अगर अनस्पेसिफाइड है तो कोर्ट ऑफ लॉ से जो है मतलब वाइफ इंटाइटल्ड है कि वो फिक्स करा सकती है अब बात करते हैं स्पेसिफाइड डावर की तो स्पेसिफाइड डावर जो है वो दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया एक है प्रॉम्प्ट और एक है डेफर्ड डावर सबसे पहले आप ये जानते हैं कि प्रॉम्प्ट डावर का मतलब क्या होता है और डेफर्ड डावर का मतलब क्या होता है तो प्रॉम्प्ट डावर का मतलब होता है जहां पर वाइफ जो है या जैसे ही निकाह कंप्लीट हुआ है या तो तब या फिर सब्सिक्वेंटली वो कभी भी अपने हस्बैंड से उस डावर की डिमांड कर सकती है प्रॉम्प्ट समझ रहे हो ना प्रॉम्प्ट कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड से या तो इमिडिएटली मतलब जैसे ही निकाह कंप्लीट हुआ या फिर सब्सिक्वेंटली कभी भी अपने हस्बैंड से उस डावर का अमाउंट जो है वो मांग सकती है इसी को प्रॉम्प्ट डावर कहा जाता है अब डेफर्ड डावर डेफर्ड डावर का मतलब क्या होता है और एक चीज और याद रखना प्रॉम्प्ट डावर में अगर वाइफ ने आज उससे डावर का अमाउंट मांगा और हस्बैंड नहीं दे पाया तो ऐसे केस में फिर इंटरेस्ट जो है उसके लिए इंटाइटल्ड हो जाएगी वाइफ इंटाइटल्ड हो जाएगी कि भाई जितना आप लेट करोगे उतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आप इंटरेस्ट दीजिए अगर आप डावर का अमाउंट नहीं पे कर पा रहे उसके बाद में आ जाते हैं डेफर्ड डावर डेफर्ड डावर क्या होता है तो डेफर्ड डावर जो है वो तब दिया जाता है जब मैरिज डिजोल्व हो रही हो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पेमेंट ऑफ मैर में बी डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट इनके अमाउंट है वो दूंगा तो यहाँ पर डेफर जो है उसको कहते हैं अब बात आती है कि कितना कितना अमाउंट जो है वो दिया जा सकता है शिया लॉ में अलग है और सुन्नी लॉ में अलग है तो इसके बेसिकली हम क्या करते हैं डिफरेंसेस सबसे अच्छी चीज यही है कि डिफरेंसेस अगर एक बार पढ़ लिए तो याद रह जाएगा कि सुन्नी लॉ में क्या कहा गया है और शिया लॉ में क्या कहा गया है तो देखो सुन्नी लॉ में कहा गया है कि मिनिमम मतलब मिनिमम आपको कितना देना है टेन दिरहम्स तो देना ही है मिनिमम ये है ठीक है मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है कितना भी दो कोई दिक्कत नहीं है जितना मेहर देना चाहो दे सकते हो बट मिनिमम आपको टेन धर्म्स तो देने पड़ेंगे अंडर सुन्नी लो शिया लो ये कहता है इनका मिनिमम तो कुछ नहीं है पर ये मैक्सिमम कहते हैं कि 500 हंड्रेड दरहम्स जो हैं वो आपको देने होंगे ठीक है अब ये दरहम्स क्या होते हैं तो द्रहम्स मतलब कि 2.97 ग्राम की जो सिल्वर होती है उसे कहा जाता है दरहम्स ठीक है तो शिया लो और सुन्नी लो का समझ में आ गया अब यहां पर यह चीज भी याद रखिएगा कि सुन्नी लॉ में हस्बैंड जो है पर्सनली लायबल होता है मतलब कि हस्बैंड को ही डावर और मेहर का जो अमाउंट है वो अपनी वाइफ को पे करना होता है बट शिया लॉ में गार्जियन शेल बी लायबल टू पे इफ हस्बैंड इज इनकैपेबल अगर हस्बैंड इनकेपेबल है तो ऐसे केस में दरअ मैंने बताया ना टू पॉइंट नाइन सेवन टू पॉइंट नाइन सेवन जो है ग्राम सिल्वर द्रहम होता है ठीक है फिर आ, शिया लॉ में शिया लॉ में क्या कहा गया है कि गार्जियन शेल ऑल्सो भी लाइब, गार्जियन जो है वो लाइबल होते हैं अगर हस्बैंड जो है इन होगा शिया लॉ में सुन्नी लॉ में हस्बैंड ही पर्सनली लाइबल होता है और जहां पर फिक्सेशन अगर नहीं हुआ है जहां पर डावर का या मेहर का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं किया गया है तो ऐसे केस में पार्टली प्रॉम्प्ट डावर होगा और जितना भी रेस्ट होगा वो डेफर डावर कहलाएगा वहीं अगर फिक्सेशन शिया लॉ में नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा डावर जो है प्रॉम्प्ट होगा मतलब कि वो फिर डावर का अमाउंट वाइफ अपने हस्बैंड से कभी भी मांग सकेगी ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आई होप कि ये जो डिफरेंसेस हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे और डिफरेंसेस के बाद अब हम जान सॉल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में ठीक है um, ये आप सबको विजिबल है कि नहीं है आप तो विजिबल होगा ना अगर किसी को ना हो तो प्लीज मुझे बता देना ठीक है अच्छा ओरिजिन ऑफ शेयर सुनी रहेगा चलो मैं वो बताती हूँ जब प्रॉफिट मोहम्मद क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का जो भी सक्सेसर मतलब क्या था कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर अपॉइंट करना था अब क्योंकि उनका सक्सेसर अपॉइंट करना था तो जो उनकी वाइफ थी आयशा बेगम जो कि उनकी यंगर वाइफ थी उनका कहना यह था कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो सक्सेजन है टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दीजिएगा जी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको टेलीग्राम पर जल्द से जल्द ये प्रोवाइड करवा दूं। सो so, हम बात कर रहे थे ओरिजिन की शिया और सुनिया वो आपने याद दिला दिया खन? मेरे माइंड से स्किप हो गया था सो so, इसमें बेसिकली ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो सक्सेशन था अब बाद सवाल ये आता था कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद अब उनकी पोजिशन को कौन होल्ड करेगा तो जो आ, उनकी वाइफ थी आयशा उनका ये कहना था कि हमें एक इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए और उस इलेक्शन के थ्रू उनका जो सक्सेसर है हमें नियुक्त करना चाहिए तो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम का कहना ये था कि हाँ भाई ये सही है ये सही तरीका आप इलेक्शन करवा लो और इलेक्शन के थ्रू हम ये डिसाइड कर लेंगे कि उनका परफेक्ट सक्सेसर कौन हो सकता है तो इलेक्शन करवा लिया जाए बट कुछ माइनॉरिटी ऑफ द मुस्लिम ये ऐसे थे जिनका ये कहना था कि आ, नहीं माइनॉरिटी uh, uh, जो मुस्लिम थे उनका कहना था कि नहीं इलेक्शन नहीं होने चाहिए आप जो है डायरेक्टली uh, किसी भी एक पर्सन को सक्सेसर अपॉइंट कर दो और ये कहना किसका था ये कहना था फातिमा जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी थी उनका ये कहना था कि नहीं कोई uh, ऐसा इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराना चाहिए हमें डायरेक्टली क्या करना चाहिए uh, एक सक्सेसर अपॉइंट कर देना चाहिए So, हुआ ये कि जो जो पर्सन इस फेवर में थे कि भाई इलेक्शन होने चाहिए तो फिर उनको वो एक अलग पार्ट हो गए और जिनको जिनका ये कहना था कि भाई इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराना चाहिए उनका पार्ट एक अलग हो गया मतलब कि आयशा बेगम जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ थी उनका कहना था कि इलेक्शन होने चाहिए बट जो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा थी उनका ये कहना था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए अब आगे चलकर हुआ ये कि इलेक्शन कंडक्ट कराए गए और इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद आ, उनका जो सक्सेशन है वो किसने संभाला सक्सेसर कौन है मैंने के फादर थे आ, जो आयशा बेगम है उनके जो फादर थे अबू बकर अबू बकर जो है उनके फादर थे उन्हीं को ही आ, क्या बनाया गया खलीफ बनाया गया ठीक है तो वो इलेक्शन के थ्रू सक्सेसर हो गए उनके फिर उसके बाद में यह हुआ कि जो माइनॉरिटी ऑफ द मुस्लिम थे वो इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि वो तो ये चाहते ही नहीं थे ना कि इलेक्शन हो वो ये चाहते थे कि भाई इलेक्शन कंडक्ट नहीं होना चाहिए और सक्सेसर आप ऐसे ही अपॉइंट कर लो तो उन जो माइनॉरिटी ऑफ द मुस्लिम थे वो इस बात से बिल्कुल नाराज थे तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक अलग इमाम जो है वो उन्होंने अपॉइंट कर लिया जो थे अली अली कौन थे अली फातिमा के हस्बैंड थे ठीक है याद रखना प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी थी फातिमा और उनके जो हस्बैंड थे अली उनको एज इमाम जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और फर्स्ट इमाम जो है वो अली थे उसके बाद में उनके बेटे हसन और हुसैन सेकंड और थर्ड आ, इमाम जो है वो डिक्लेयर किए गए तो ऐसे करके शिया और सुन्नी जो है दो तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए जो लोग इस बात को फेवर कर रहे थे कि भाई इलेक्शन होना चाहिए और जो आ, लोग अबू बकर को अपना खलीफ मानने लगे वो सारे के सारे सुन्नी हो गए ठीक है जो इस बात को डिनाई कर रहे थे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए और अली को उन्होंने अपना जो है आ, इमाम डिक्लेयर कर दिया वो सारे के सारे लोग जो है आ, मतलब शिया होगा ठीक है तो ये बात याद रखिएगा अब उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये चार्ट जो है वो समझ लीजिए तो कि ताकि आपको समझ आ जाए हो सकती है ठीक है हाँ देन बैटल ऑफ करबला हुआ था तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दो तरह से हो सकती है पहला बाई एक्ट ऑफ गॉड और दूसरा है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एक्ट ऑफ गॉड के थ्रू मैरिज कैसे डिजोल्व हो सकती है तो so, अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी की डेथ हो गई है तो मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी ये तो इन जनरल बात हो गई अब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज पार्टीज कैसे अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती हैं तो उसके लिए इन्होंने बताया है दो तरह की हो सकती है एक है एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल और दूसरा है ज्यूडिशियल डाइवोर्स ठीक है तो अब एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल डाइवोर्स को भी इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है कैसे बाय हस्बैंड बाय वाइफ और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और इनको हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे कैसे आ, आ, मतलब कि ये डाइवोर्स दे सकते हैं आप देखो आ, जो है तीन तरह से तलाक हो सकती है जैसे कि पहला तलाक दूसरा इला और तीसरा जहर ठीक है हस्बैंड के थ्रू अगर डाइवोर्स हो रही है तो वो क्या है तलाक इला और जहर हस्बैंड जो है वो ये कर सकता है उसके बाद में वाइफ वाइफ को डेलीगेटेड राइट right है मतलब कि अगर हस्बैंड चाहे तो अपनी वाइफ को राइट right डेलीगेट कर सकता है और उसके बाद जो है फिर उसके पास ये राइट right होगा कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है और वही बात करें म्यूचुअल एग्रीमेंट की तो ये दो तरह का है एक है खुला और दूसरा है मुबारक तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं तलाक तलाक टर्म के बारे में ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी इसके एस्पेक्ट हैं उसको कवर कर सकूं तो तलाक जो है वो दो तरह से होती है एक है तलाकुल सुन्नत और दूसरी है तलाकुल बिद्दत ठीक है अब तलाकुल सुन्नत जो है वो रिवोकेबल तलाक है और वहीं अगर हम तलाकुल बिद्दत की बात करें तो वो इवो इर्रिवो, है जिसे हम तलाकुल बेन भी कहते हैं ठीक है अब तलाकुल सुन्नत को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है देखिए तलाक को दो पार्ट में डिवाइड किया है कैसे तलाकुल सुन्नत और तलाकुल विद्दत तलाकुल सुन्नत जो है रिवोकेबल तलाक है मतलब कि अगर आपने दे भी दिए तो इसे रिवोक किया जा सकता है बट तलाकुल विद्दत इन रिवोकेबल है उसे रिवोक नहीं किया जा सकता और इसको भी इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है एक है तलाक अहसन और तलाक हसन ये मोस्ट प्रॉपर तरीका माना जाता है और ये प्रॉपर तरीका माना जाता है डाइवोर्स के लिए ठीक है अब तलाकुल सुन्नत क्या होती है तो तलाकुल सुन्नत को हम क्या कहते हैं तलाकुल सुन्नत इज रिगार्डेड टू बी अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक सबसे अप्रूव्ड जो तरीका है वो इसी को कंसीडर किया गया है तलाक सुन्नत को ठीक है अब सुन्नत का मतलब आप लोगों को पता है

सबसे पहले यह तो हो गए कि तलाकुल सुन्नत जो है मोस्ट अप्रूव्ड है अब उसके बाद इसको भी इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया एक तलाक अहसन तो सबसे पहले तलाक अहसन की बात करेंगे तो द हैज टू मेक अ सिंगल प्रनाउंसमेंट ऑफ तलाक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहर uh, the, तुहर ऑफ द वाइफ तुहर इज अ पीरियड ऑफ वाइफ प्योरिटी दैट इज पीरियड बिटवीन टू मैं मतलब की ये जो तलाक अहसन है तलाक अहसन का मन, आ, मतलब होता है कि यहाँ पर हस्बैंड जो है उसको सिंगल प्रोनासमेंट करना होता है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में भी प्रैक्टिस किया जाता था कि हस्बैंड जो है एक ही बार तलाक टर्म प्रोनाउंस करेगा एंड आफ्टर और वो भी उसे कब करना होगा जब उसकी वाइफ जो है से बेसिकली फ्री हो मतलब दो मैं पीरियड के बीच में जब वाइफ होती है तो उस टाइम पर हस्बैंड जो है उसको ये प्रनाउंसमेंट करना होता है अब बात करते हैं तलाक तलाक आहसन की तो हो गई अब तलाक हसन तो तलाक हसन को कहा गया है दिस तलाक इज आल्सो रिकॉर्डेड टू बी द प्रॉपर एंड अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक इन दिस फॉर्म देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिवोकेशन बट इट इज इट इज नॉट द बेस्ट मोड बिकॉज एवल वर्ड्स ऑफ द तलाक आर टू बी प्रोनाउंस थ्री टाइम्स इन दक्सेसिव टू हर्स अब यहां पर याद रखिएगा कि तलाक आ हसन में तो क्या है सिंगल प्रनाउंसमेंट है तलाक आ हसन में तो सिंगल प्रनाउंसमेंट है ठीक है बट तलाक हसन में तीन बार तलाक टर्म जो है वो प्रनाउंस किया जाता है और अलग अलग पीरियड में मतलब कि एक तोहर तो हर मतलब समझ रहे हैं तोहर मतलब की होता है एक ऐसा पीरियड जहां पर जब कोई महिला से फ्री हो जाती है ठीक है तो बेसिकली आप यही समझिए कि तो हर टर्म का मतलब होता है जब कोई महिला अपने मैंसुरेशन में ना चल रही हो मैंसुरेशन से जब वो फ्री हो जाती हो तो तलाक आसन में तीन बार प्रोनाउंसमेंट होता है वो एक बार प्रनाउंस करेगा तब जब वो उसका तुहर पीरियड चल रहा होगा सेकेंड प्रनाउंसमेंट तब होगा जब उसका सेकेंड uh, uh, जो तुहर पीरियड चल रहा होगा और थर्ड प्रनाउंसमेंट तब होगा जब उसका थर्ड uh, तुहर पीरियड चल रहा होगा तो यहाँ पर बेसिकली दोनों में डिफरेंस यही है कि तलाक हसन मतलब कि सिंगल प्रनाउंसमेंट होता है इसमें और तलाक हसन में क्या होता है तीन बार प्रनाउंस किया जाता है तलाक तब ठीक है उसके बाद में तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत जो है वो एक ऐसा इरिवोकेबल तलाक है जिसे हम तलाकुल बेन भी कहते हैं या ये जो है सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ़ तलाक है जिसे कई बार तो ये कहा जाता है कि मतलब ये तो हमारा बनाया हुआ ही एक फॉर्म ऑफ तलाक है ये एक्सिस्टेंस में ही नहीं था इस्लाम इस बात को मानता ही नहीं है ये

एक बार अगर आपने तलाक दे दी तो मतलब ट्रिपल तलाक जो आपने सुना होगा ये उसी से रिलेटेड है उसके बाद में अब बात करते हैं इला और जहर इला और जहर तलाक मतलब समझ में आ गया है। तलाक दो तरह का होता है तलाकुल सुन्नत और तलाकुल सुन्नत को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मतलब तीन बार होता है ठीक है वो भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहर और तलाकुल बिद्दत जो कि अब है ही नहीं एक्सेस नहीं करता है ट्रिपल तलाक का जो मामला हमने सुन रखा है उसके बाद में इला इला का मतलब क्या होता है इला में क्या होता है कि हस्बैंड जो है ओथ लेता है कि वो Uh, not to, uh, मतलब कि अपनी वाइफ से सेक्शुअली इंटरकोर्स नहीं होगा uh, और अगर वो हस्बैंड चार महीने तक अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं करता है तो ऐसे केस में uh, जो इला है वो uh, मतलब कि हो जाती मतलब कि बाय uh, हस्बैंड वो डाइवोर्स मान ली जाती है कैसे मतलब कि अगर husband इस बात की अगर हस्बैंड ले ले वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं करेगा और चार मंथ का मतलब फोर मंथ का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर जो इला है वो कंप्लीट माना जाएगा उसके बाद में अब जीहर जीहर का मतलब क्या होता है जीहर एक all, uh, मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स है जहां पर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को कंपेयर करता है विद अ विमेन विद प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जैसे कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कंपेयर करता है अपनी मदर या सिस्टर से एक्सेट्रा तो वुड से दैट फ्रॉम टुडे द वाइफ इज लाइक हिज मदर और सिस्टर आफ्टर मतलब कि अगर वो अपनी वाइफ को ये कंपेयर uh, करे कि तुम तो uh, माँ की तरह हो या तो मेरी बहन की तरह हो तो यहाँ पर ये जिस टाइम पर उसने ऐसा कहा ऐसे केस में और आ, प्लस अगर वो सेक्शुअली इंटरकोर्स नहीं करता है फोर मंथ तक तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि जीहर कंप्लीट हो गया है तो ये तीन चीजें याद रखो तलाक दो फॉर्म्स तलाकुल से तलाकुल बिद्दत इला जहां पर हस्बैंड ओथ लेता है कि वो सेक्शुअली इंटरकोर्स नहीं करेगा जहर जहां पर वो कंपैरिजन करता है अपनी वाइफ का ऐसे रिलेशन से जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री के अंडर आते हैं तो ये चीज क्लियर हो गई अब उसके बाद में आ जाते हैं बाय वाइफ बाय वाइफ में ये ऐसा होता है कि यहां पर हस्बैंड ही अपना राइट right जो है वो क्या करता है अपना राइट right वाइफ को डेलीगेट कर देता है तो इसी को हम कहते हैं बाय वाइफ डाइवोर्स ठीक है उसके बाद में आ जाता है म्यूचुअल एग्रीमेंट खुला और मुबारक अब खुला और मुबारक के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा है अच्छा ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर तो हो रही है ना किसी तरह का कोई भी डाउट कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आ रही हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कुछ भी अगर आपको लग रहा हो कि भाई ये चीज नहीं समझ में आ पाई है तो अभी ही पूछ लेना क्योंकि इसके बाद फिर बस एक बार रिविजन करना और मुस्लिम लो आई होप कि आप लोगों को फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो चलो ठीक है अगर कोई दिक्कत आए तो डू लेट मी नो ठीक है अब खुला क्या होता है खुला का मतलब होता है खुला एक कंस्ट्रक्टिव मोड होता है जहां पर वाइफ जो है अपने हसबैंड से डिमांड कर सकती है कि भाई आ, उसको अब उसके हस्बैंड से उसके साथ नहीं रहना है। मतलब बेसिकली वो रिलीज मांगती है ओके मैम क्लियर है क्लियर है चलो बढ़िया है ठीक है तो अब म्यूचुअल एग्रीमेंट में दो तरह का है एक है खुला और दूसरा है मुबारक खुला में क्या होता है वाइफ अपने हस्बैंड से डिमांड करती है कि भाई अब आप मुझे छोड़ दीजिए आप मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए और कॉम्पनसेशन देने के बाद आप मुझे रिलीज कर दीजिए मैं अब आपके साथ और नहीं रहना चाहती हूँ तो अगर ये ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं दैट इज खुला और मुबारक मतलब होता है जहां पर वो दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं ठीक है तो खुला और मुबारक में बेसिकली ये डिफरेंस है एंड uh, इसके अलावा बस ये उ, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कुछ इतना ज्यादा इसमें जानने के लिए है नहीं तो बस ये याद रखना कि बाय हस्बैंड बाय वाइफ और म्यूचुअल एग्रीमेंट खुला में वाइफ खुद डिमांड कर रही है मुबारक में दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि भाई अब साथ में नहीं रहना है और हम सेपरेट हो जाते हैं बट क्या यहां पर तो पे, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन वाइफ डिमांड कर रही है हस्बैंड से क्या यहां कर सकते हैं तो नहीं यहां पर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन नहीं होता है तो ये चीज नोट डाउन कर लेना आप कहीं पर भी ताकि आप लोगों को याद रहे अब शिया और सुन्नी के बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं यार मैं तो कंटिन्यू बोले चले जा रही हूँ एक बजे से अभी कितना बज गया है तीन बजने वाला है मुझे बोलते बोलते दो घंटे हो गए मुझे ब्रेक नहीं चाहिए आप लोगों को क्यों चाहिए ब्रेक ब्रेक नहीं मिलेगा सिर्फ पढ़ते चले जाओ आज ब्रेक शाम को लेना आराम से जब हिंदू लॉ पूरा पढ़ लो उसके बाद में आराम से अच्छे से ब्रेक लेना ठीक है तो डिस्टिंक्शन बिटवीन सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ अब सुन्नी नहीं नहीं मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए हम लोग तो आगे पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि 30 अप्रैल को ही आई थिंक उत्तराखंड का एग्जाम है तो आप लोगों को वो भी क्लियर करना है और उसके लिए हिंदू मुस्लिम लॉ पढ़ना ज्यादा ज़रूरी है कंपैरिजन करना जो वर्ड है वो वहां पर यूज़ हुआ है कि कंपैरिजन अगर जहर में करता है तो अब वो पब्लिकली करे ये वर्ड अभी बेसिकली यहाँ पर उन लोगों ने यूज नहीं किया है ठीक है कोई दो मिनट का ब्रेक नहीं अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई करने के बाद में आप लोगों को ब्रेक मिलेगा तब जब मुस्लिम लोग खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को दो मिनट का ब्रेक तब दिया जाएगा आराम से अपना ब्रेक लेना फिर हिंदू लोग स्टार्ट करेंगे तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं सुन्नी और शिया के बीच में तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड प्रेस्क्राइब नहीं किए गए हैं डाइवोर्स के लिए वहीं अगर हम शिया लॉ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अरेबिक टर्म जो है वो प्रेस्क्राइब कर दिए हैं कि भाई आपको यही टर्म यूज करना है तभी आपकी तलाक जो है वो हो पाएगी मतलब कि शिया लॉ में जो है एक अरेबिक टर्म जो है वो प्रेस्क्राइब कर दिया वही सुन्नी लॉ में कुछ प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ है कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड नहीं है वहीं तलाक में भी ओरल रिटर्न और साइन मतलब कि आ, सुन्नी लॉ में कहा गया है कि तलाक जो है आप ओरली भी कर सकते हो आप रिटर्न uh, फॉर्म में भी हो सकती है या साइन के फॉर्म में भी तलाक दी जा सकती है बट शिया लॉ ये कहता है कि तलाक जो है वो ओरल होनी चाहिए रिटर्न अगर होगी तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा तलाक वो वॉइड हो जाएगी उसके बाद में विटनेस नॉट रिक्वायर्ड सुन्नी लॉ में विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर आपका हो रहा है तो सुन्नी लॉ में विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है वेयर इज पर दो विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी तो ये अच्छे से याद रखना है। ये तीन डिफरेंसेज हैं बेसिकली कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है इसमें है अरेबिक टर्म है और वो आपको यूज करने हैं यहाँ पर तलाक जो है वो रिटर्न ओरल और साइन uh, के फॉर्म में हो सकती है यहाँ पर ओरली होना चाहिए शिया में uh, मतलब डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपकी तलाक जो है वो ओरल होनी चाहिए रिटर्न फॉर्म में होगी तो वो वॉइड मान ली जाएगी उसके बाद में विटनेस की जरूरत नहीं है और यहाँ पर विटनेस की रिक्वायरमेंट है वो भी दो विटनेस होने चाहिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है गिफ्ट गिफ्ट में गिफ्ट का मतलब क्या होता है गिफ्ट का मतलब होता है गिफ्ट uh, का मतलब है गिफ्ट इज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एन इन एन एक्सिस्टिंग प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली विदाउट एनी कंसिडरेशन ठीक है तो यहां पर अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है गिफ्ट गिफ्ट का मतलब ये होता है जहां पर आप अनकंडीशनली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो और वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक्जिस्टिंग ठीक है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये चीज याद रखो एंड मेड इमीडिएटली विदाउट एनी कंसिडरेशन कंसिडरेशन यहां पर नहीं होना चाहिए अगर कंसिड्रेशन है तो वो गिफ्ट नहीं है टीपीए में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तो ये चीज याद रखिए अब बात करते हैं इसके एजेंशियल की तो तीन इसके एजेंशियल है पहला है डिक्लेरेशन दूसरा है एक्सेप्टेंस और तीसरा है डिलीवरी ऑफ पजेशन ठीक है, सो सबसे पहला हमारा जो एजेंशियल है वो है डिक्लेरेशन अब डिक्लेरेशन की बात यहां पर की गई है और ये कहा गया है कि डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर जो डोनर है वो ये सिग्निफाई uh, करे कि वो जो गिफ्ट है फ्री uh, कंसेंट से uh, जो है गिफ्ट है वो दे रहा है मतलब कि डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए डिक्लेरेशन बिना किसी कंपलजन के होना चाहिए ठीक है ये चीज याद रखना है दूसरी अब बात आती है एक्सेप्टेंस की डिक्लेरेशन है कि स्टेटमेंट के थ्रू होगा ठीक है क्या वो ओरल होना चाहिए या रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए तो यहाँ पर किया गया कहा गया है कि हिबा जो है वो ओरली भी हो सकता है रिटर्न फॉर्म में जरूरी नहीं है उसके बाद में एक्सप्रेस डिक्लेरेशन होना चाहिए ठीक है यहाँ पर डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए एक्सप्रेस होना चाहिए मतलब कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसे समझ में आना चाहिए कि हाँ आप उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे रहे हो वो भी बिना किसी कंसीडरेशन के कि कंसीडरेशन में अगर कंसीडरेशन जैसा एलिमेंट वहां आ गया तो फिर वो तो गिफ्ट ही नहीं रह जाएगा ठीक है उसके बाद में कंसेंट फ्री होनी चाहिए डोनर और डोनी वो पर्सन जो कि गिफ्ट दे रहा है वो पर्सन डोनर होगा जो पर्सन गिफ्ट को रिसीव कर रहा है वो डोनी है आई होप ये क्लियर होगा टीपीए में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बाद में अब आ जाती है बात एक्सेप्टेंस की एक्सेप्टेंस की ठीक है तो गिफ्ट का जो एक्सेप्टेंस है वो डोनी द्वारा बिना किसी कंपल्जन के होना चाहिए मतलब कि ऐसा नहीं आप डरा धमका कर किसी को गिफ्ट दे रहे हो आपको जो गिफ्ट देना है सामने वाले पर्सन की भी जो कंसेंट है वो भी क्या है मैम मेहर भी गिफ्ट ही होता है या इसमें डिफरेंस है डिफरेंस ठीक है थीके? फिर उसके बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय डोनी मतलब कि एक्सेप्टेंस भी जरूरी है आप गिफ्ट देना चाह रहे हो और गिफ्ट सामने वाला लेना ही नहीं चाह रहे आप जबरदस्ती दिए चले जा रहे हो तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए गिफ्ट में एक्सेप्टेंस जो है वो जरूरी है ठीक है एंड एक्सेप्टेंस सिग्निफाइज द इंटेंशन ऑफ द दी टू टेक द प्रॉपर्टी एंड बिकम्स इट ऑनर हाँ सेक्शन वन टू जो है वो गिफ्ट के बारे में बात करता है करेक्ट ठीक है उसके बाद में क्या ज्यूरिस्टिक पर्सन को भी गिफ्ट दिया जा सकता है ज्यूरिस्टिक पर्सन आप लोग समझते होंगे कोई भी कंपनी कॉर्पोरेशन तो ये एसोसिएशन क्या इनको गिफ्ट किया जा सकता है तो बिल्कुल इनको भी किया जा सकता है ये भी एक कॉम्पिटेंट डोनी है ठीक है उसके बाद में अगर किसी माइनर या इंसेन पर्सन को आप गिफ्ट करना चाहो तो कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो बट उसमें कंसेंट लगेगी उनके गार्जियन की और गार्जियन कौन कौन होने चाहिए फादर फादर्स एग्जीक्यूटर पेटर्नल ग्रैंड फादर और पेटर्नल ग्रैंड फादर्स एग्जीक्यूटर ठीक है सपोज दो या दो से ज्यादा डोनी है तो क्या होगा अगर दो या दो से ज्यादा डोनी है तो ऐसे केस में उन सब का एक्सेप्टेंस जरूरी है ठीक है ये चीज याद रखना और अगर सबको अपना जैसे कि सपोज आपको एक प्रॉपर्टी है और वो एक प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा डोनीस को दी गई है तो उन सबका एक्सेप्टेंस जरूरी है बट अगर उसी बिल्डिंग में सपोज कोई बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग में सबके अपने अपने शेयर्स दे दिए गए तीन मंजिल बिल्डिंग है तीन फ्लोर है एक एक फ्लोर जो है तीन लोगों में बांट दिया गया है तो अब एक एक्सेप्ट एक कर रहा है दो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो जो एक, एक पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसको उसका शेयर मिल जाएगा बाकी जो दो होंगे क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं उसके बाद में आ जाते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर डिलीवरी ऑफ पजेशन ठीक है डिलीवरी ऑफ पजेशन मतलब कि अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो पजेशन देना भी जरूरी है ऐसा नहीं है कि आपने क्योंकि एक डिक्लेरेशन दे दिया आप वो सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर गिफ्ट कम्प्लीट होगा नहीं तीसरा एजेंशियल भी कंप्लीट होना जरूरी है एंड दैट इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी यहाँ पर जरूरी है उसके बाद में जो पोजेशन की डिलीवरी है वो दो तरह से हो सकती है एक है एक्चुअल डिलीवरी और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव एक्चुअल डिलीवरी जो है यहाँ पर आपको फिजिकली वो प्रॉपर्टी जो है हैड ओवर करनी है टू द डोनी और अगर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पजेशन का मतलब ये है कि जहां पर आप सिंबॉलिक ट्रांसफर कर रहे हो बेसिकली तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पजेशन कहलाता है उसके बाद में आप बात करते हैं गिफ्ट ऑफ मूशा दाफी डॉक्ट्रीन ऑफ मूशा ये आपसे मेंस में शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है इसका मतलब क्या होता है ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मूशा टर्म का मतलब क्या होता है मूशा टर्म का मतलब होता है ये एक अरेबिक वर्ड शुआ से लिया गया है ये जो टर्म है ये अरेबिक टर्म है और ये इस अरेबिक टर्म से लिया गया है ठीक है अखंड कंस्ट्रक्टिव बेसिकली मैं ऐसे कह सकती हूँ एक सिंबॉलिक ट्रांसफर, ट्रांसफर सिंबॉलिक आप समझ रहे हो जहा पर डिलीवरी ऑफ पजेशन कंस्ट्रक्टिवली दी गई है एंड इफ प्रॉपर्टी इज नॉट एक्चुअली डिलीवर्ड तो यहाँ पर जो डोनर है सपोज डोनर ने कोई एक्ट कर दिया जिससे ये समझ में आ चुका है कि हाँ आपके पास जो प्रॉपर्टी का पजेशन है वो अब जा चुका है तो यहाँ पर ये क्या माना जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजिशन माना जाएगा जहां पर uh, जो डोनर है उसने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे इस बात को

तो ये क्या है ये एक सिंबॉलिक ट्रांसफर हो गया मतलब मेरी पूरी इंटेंशन है ठीक है हाँ। उसके बाद में आप गिफ्ट ऑफ मूशा के बारे में हम बात कर रहे थे तो मूशा वर्ड जो है वो अरेबिक टर्म शुवा से लिया गया है जिसका मतलब होता है कंफ्यूजन ठीक है और मुस्लिम लॉ में मूशा टर्म जो है वो सिग्निफाई करता है अनडिवाइडेड शेयर ऑफ अ ज्वाइंट इन अ जॉइंट प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी में अगर अनडिवाइडेड शेयर जो है उसी को हम कहते हैं मूशा ठीक है अब एम्प्लाइडली हाँ उसके बाद में अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो देयर में भी अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन अब क्योंकि क्या है कि जॉइंट प्रॉपर्टी है और डिवीजन में दिक्कत आती है तो ऐसे केस में इस डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा को जो है वो लाया गया है और इस कॉन्सेप्ट को वो समझाता है इसमें ये कहा गया है कि इफ वन ऑफ सेवरल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेक गिफ्ट टू हिज ओनर टू ऑन शेयर देर मे बी अ कंफ्यूजन एज देयर मे बी अ कंफ्यूजन एज टू विच पोर्शन और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज गिवन टू दूनी इन अदर वर्ड देर मे बी आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन द डिलीवरी ऑफ इन द डिलीवरी ऑफ पजेशन ज्वाइंट प्रॉपर्टी पार्टी गिफ्टेड शेयर सपोज अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट में दी गई है और उस प्रॉपर्टी का कोई शेयर जो है वो नहीं डिवाइड किया गया है तो ऐसे केस में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो डॉक्ट्रीन है ये लाई गई है ठीक है इसमें कहा गया है टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन एंड सच डिफिकल्टी एट द स्टेज ऑफ डिलीवरी ऑफ द दनाफी ज्यूरिस्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैटर ऑफ ऑफ अ गिफ्ट इज को ओन्ड और ज्वाइंट प्रॉपर्टी द दिन ऑफ मूशा इज अप्लाइड फॉर एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ द गिफ्ट मतलब कि ये जो गिफ्ट ऑफ मूशा है ये अप्लाई किया जाता है जब ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है uh, जो की अनडिवाइडेड ज्वाइंट प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है तो उस केस में गिफ्ट ऑफ मूशा जो है वो अप्लाई किया जाता है अब भूषा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है डिविजिबल और इनडिविजिबल तो आप समझ में आया कि uh, मोशा का मतलब क्या होता है मोशा का मतलब होता है कंफ्यूजन uh, और अगर हम लीगल सेंस में बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा ज्वाइंट प्रॉपर्टी और मोशा जो है वो दो तरह का हो सकता है एक हो सकता है डिविजिबल और दूसरा हो सकता है इनडिविजिबल तो जो डिविजिबल uh, मोशा है इसको हम हिबा में दे सकते हैं ओनली आफ्टर पार्टीशन मतलब कि अगर कोई डिविजिबल प्रॉपर्टी है अगर कोई डिविजिबल प्रॉपर्टी है मूशा जिसे हम कह रहे हैं कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और वो डिविजिबल है तो आफ्टर पार्टीशन आप पार्टीशन कर दो और पार्टीशन करने के बाद आप प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हो बट पार्टीशन के बाद वही अगर गिफ्ट Uh, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है वो इनडिविजिबल है तो ऐसे केस में हिबा ऑफ इनडिविजिबल मूशा कैन बी मेड विदाउट पार्टीशन आप बिना किसी पार्टीशन के भी उस प्रॉपर्टी का हिबा कर सकते हो मतलब कि गिफ्ट में दे सकते हो बेसिकली इस डॉक्ट्रीन का मेन एम ये है कि कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है ज्वाइंट प्रॉपर्टी में उसको जो है अवॉइड किया जा सके बट क्या शिया लॉ इस डॉक्ट्रीन को रिकॉग्नाइज करती है तो शिया लॉ जो है इस डॉक्ट्रीन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ सुन्नी लॉ ही गिफ्ट ऑफ मूशा को रिकॉग्नाइज करता है ठीक है उसके बाद में अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड दैट इज रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट अब गिफ्ट का रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है तो गिफ्ट का जो रिवोकेशन है वो दो तरह से किया जा सकता है एक है बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन और दूसरा है आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन आप गिफ्ट को कैसे रिवोव कर सकते हो ऐसे रिवोव कर सकते हो कि अगर आपको मुस्लिम uh, लॉ में अ गिफ्ट मे बी रिवोक्ड बाई दोनर एट एनी टाइम बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन अ मेयर डिक्लेरेशन बाई दोनर दट ही गिफ्ट इज मतलब कि बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन अभी आपने पोजेशन डिलीवर नहीं किया उससे पहले अगर आप रिवोक करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो बट आपको करना ये होगा कि आपको एक स्टेटमेंट एक डिक्लेरेशन देना होगा वही आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन आप कैसे उसको रिवोक कर सकते हो तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है गिफ्ट रिवोक नहीं किया जा सकता है डोनर के थ्रू डिक्लेरेशन अगर आप सोचो कि क्योंकि बिफोर द डिक्लेरेशन हम एक मतलब कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन से पहले हम एक स्टेटमेंट देकर एक डिक्लेरेशन देकर गिफ्ट को रिवोक कर रहे थे तो क्या हम डिलीवरी देने के बाद भी जो ये गिफ्ट है उसको रिवोक कर सकते हैं तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता बट हाँ आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उस गिफ्ट को इनवेलिड डिक्लेयर करवा सकते हो ठीक है अब उसके बाद में आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विल िल जिसे हम वसीयत भी कहते हैं मुस्लिम लॉ में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं तो मीनिंग बेसिकली हम जानेंगे ठीक है उसके बाद में इसकी क्या क्या अजेंशियल कॉम्पिटेंसी फ्री कंसेंट फॉर्मेलिटी बीकवेदेबल प्रॉपर्टी क्या होती है इसका रिवोकेशन कैसे होता है ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे जो कि आपकी प्री एज वेल एज मीनस इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इतना समझ में आया आप लोगों को Hmm. चलिए बात करते हैं विल की तो ट्रांसफर जो है वो आ, अगर आप आ, किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो ग्रेटिट्यूसली तो वो दो तरह से हो सकती है कैसे दो तरह से ऐसे हो सकती है एक तो इंटरव्यू के थ्रू और दूसरा इंटरवीव uh, uh, मतलब आप लोग समझते होंगे कि इंटरवीव uh, का मतलब होता है जब बिटवीन टू लिविंग पर्सन अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो बिटवीन टू लिविंग पर्सन तो दैट इज नॉन एज इंटरविवोज ट्रांसफर ठीक है उसके बाद में ग्रेटिट्यूस बिना कंसीडरेशन uh, के uh, ट्रांसफर किया जाता है उसके बाद में gratuitous transfer ट्रांसफर ऑफ may be बी मेड testamentary. testamentary transfer ट्रांसफर इज कॉल्ड ट्रांसफर अंडर will. मतलब कि ट्रांसफर जो है वो दो तरह से होते हैं एक होता है इंटरव्यू ट्रांसफर तो ऐसे सबसे पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा विकास एक्चुअली क्या है कि इसमें ना मतलब इन लोगों की कोई गलती नहीं है ना पढ़ना वरना नहीं होता है बस ये रैंडमली उठकर आ जाते हैं ठीक है और इनको पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब होता नहीं है तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है अपनी वीडियो कंटिन्यू रखो अब जैसे मैं आगे पढ़ाती चले जा रही हैं आप सिर्फ सुनते चले जाओ इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करने के पर्पज से होते हैं ठीक है सो so, सबसे पहला हमें क्या देखना है कि ट्रांसफर जो है वो दो तरह से हो सकते हैं एक तो है इंटरव्यू मतलब कि बिटवीन टू लिविंग पर्सन और दूसरा ट्रांसफर जो होता है वो कैसा होता है जहां पर आप विल के थ्रू प्रॉपर्टी को की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो विल को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम लॉ में जिसे हम वसीयत भी कह सकते हैं ठीक है अब वसीयत का मतलब क्या होता है सो so, वसीयत का विल या वसीयत का मतलब होता है एक ऐसा लीगल डिक्लेरेशन जहां पर एक मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को आ, देना चाहता है मतलब कि आफ्टर हिज डेथ समझ रहे हो मतलब कि आफ्टर हिज डेथ वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है किसी और पर्सन को लीगली ट्रांसफर करना चाहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं विल कहते हैं और विल क्या होता है विल एक ऐसा ग्रेटिड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है प्रॉपर्टी का जहां पर ट्रांसफर की ओनरशिप <coughs> ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रेटिट्यूस ट्रांसफर है एक ऐसा ट्रांसफर होता है जहां पर ऑनरशिप ट्रांसफर की जाती है ठीक है है और विल में, विल विल में में का मतलब क्या होगा विल में ही ट्रांसफर होता है जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑनरशिप ट्रांसफर करता है बट वो एक्सिस्टेंस में कब आती है मतलब कि वो ट्रांसफर इफेक्ट में कब आता है जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है किसकी ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है तब वो इफेक्ट में आता है उसके बाद में अब एजेंशियल एजेंशियल की अगर हम बात करें कि क्या क्या एजेंशियल कंडीशन हैं फॉर अ वैलिड विल तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सो so, अब एजेंशियल की अगर हम बात करें तो पहला एजेंशियल है कॉम्पिटेंसी लेजिटर और लेजिटी जो है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉम्पिटेंट कैसे होने चाहिए सबसे पहले तो उनका मुस्लिम होना जरूरी है ठीक है तो मुस्लिम होना चाहिए दूसरा कि साउंड माइंड होना चाहिए आप साउंड माइंड पहला तो हो गया कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए आप कॉम्पिटेंट के भी कुछ पार्ट हैं पहला कि वो मुस्लिम हो दूसरा कि वो उनका साउंड माइंड होना जरूरी है हो, और तीसरा उन्होंने एज ऑफ मेजोरिटी अटेंड कर लिया अब याद रखना मैं एज ऑफ पिबर्टी की बात नहीं कर रही हूँ एज ऑफ पिबर्टी की बात वही आएगी जैसे कि मैरिज हो गया डाइवोर्स हो गया तो उन केसेस में एज ऑफ पिबर्टी चलेगी यहाँ पर विल की बात हो रही है और विल के केस में क्या होगा एज ऑफ मेजोरिटी देखी जाएगी इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए तो एक अजेंशियल uh, तो ये होगा इसका तो ठीक है तो तीन अजेंशियल होगा पहला कि मुस्लिम दूसरा साउंड माइंड और तीसरा हो गया कि वो पर्सन क्या है उसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली हो उसके बाद में अब हम आ जाते हैं कि कॉम्पिटेंसी कैन टेक न टेक अंडर अल मतलब की क्या कोई हिंदू पर्सन जो है लेजिटी हो सकता है अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या किसी नॉन मुस्लिम के फेवर में भी will लिखी जा सकती है क्रिएट की जा सकती है क्या लगता है आप लोगों को क्या किसी नॉन मुस्लिम के फेवर में भी विल क्रिएट की जा सकती है हाँ बिल्कुल हो सकता है तो अगर मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेजिटर का मुस्लिम होना जरूरी है अगर लेजिटी नॉन मुस्लिम भी है तो भी चलेगा ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा उसके बाद में किसी के भी फेवर में करें बिल्कुल गुड वेरी गुड उसके बाद में आ जाते हैं फ्री कंसेंट अब कंसेंट के बारे में यहाँ पर बात कही गई है कि कंसेंट कैसी होनी चाहिए तो कंसेंट यहाँ पर फ्रीली ऑप्टेंड की गई हो ऐसा नहीं हो कि आपने लेजिटर को डरा धमका कर विल लिखवा ली हो और उसके बाद में फिर आप कह रहे हो कि भाई प्रॉपर्टी को जो है मतलब मैंने तो वो जो विल है आ, मतलब उस पर्सन ने जो विल है आ, किसी भी कंपलशन में नहीं लिखी थी या मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया था तो यहाँ पर ये चीज याद हो कि लेजेटर की जो यहाँ पर कंसेंट है वो फ्रीली ऑप्टेन की गई हो और उसने अपनी फ्री कंसेंट के साथ वो विल को क्रिएट किया गया हो उसके बाद में अब बात आती है फॉर्मेलिटीज की तो फॉर्मेलिटीज जो है एस सच कोई स्पेशल फॉर्मेलिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है ठीक है विल के लिए कोई स्पेशल फॉर्मेलिटी नहीं है विल आप रिटर्न फॉर्म में भी कर सकते हो विल ओरल फॉर्म में भी हो सकती है अगर रिटर्न फॉर्म में है तो जरूरी नहीं है कि उसको आप अटेस्ट कराओ या रजिस्टर्ड कराओ कोई जरूरत नहीं है ठीक है बट इट नीड नॉट इवन बी साइंड बाई दी टेस्टर प्रोवाइडेड इट इज इन हैंड राइटिंग अगर टेस्टेटर की हैंड राइटिंग में वो विल लिखी गई है तो वहां पर आपका साइन करना भी जरूरी नहीं है एंड विल बी रिटर्न ऑन एनी पीस ऑफ पेपर जरूरी नहीं है कि आप किसी पेपर पर ही लिखो तो ही वो विल कंसीडर की जाएगी अगर आप एक सादे पेपर पे भी लिख देते हो तो उसको भी विल कंसीडर कर लिया जाएगा अब उसके बाद में रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट जो कि हमने पढ़ा कि ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है मैम ओरल भी होती है विलफिल प्रूफ कैसे होता होगा वो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है अकन रिवोकेशन ऑफ विल रिवोकेशन ऑफ विल जो है वो दो तरह से आ, की जा सकती है पहला है एक्सप्रेस और दूसरा है इम्प्लाइड रिवोकेशन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है अखंड क्योंकि अगर आपने ओरली किसी विल के बारे में मतलब uh, किया है आपने कोई ओरल विल कंडक्ट कर दिए तो फिर उसको थोड़ा सा प्रूव कर पाना कोर्ट ऑफ लॉ में थोड़ा सा मुश्किल होता है बट अब तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब अब तो विल जो है वो रिटर्न फॉर्म में ही मोस्टली होती है ठीक है अब बात करते हैं विल के रिवोकेशन की तो रिवोकेशन जो है दो तरह से हो सकता है एक है एक्सप्रेस और दूसरा है इम्प्लाइड तो एक्सप्रेस कैसे हो सकता है कि अगर टेस्टेटर जो है एक स्टेटमेंट दे दे दैट द स्टेटमेंट ऑफ रिवोकेशन में इधर भी ओरल और इन राइटिंग मतलब कि अगर टेस्टेटर एक स्टेटमेंट दे देता है कि भाई मुझे अपनी विल को रिवोक करना है तो वो अपनी विल को रिवोक कर सकता है वही

इसका 110% परसेंट मैंने पढ़ा जरूर है और यह आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है मेंस में तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना सो डेथ बेड गिफ्ट जैसे हम डोनेशन डोनेशो मोर्टिसकोजा भी कहते हैं ठीक है इसका मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन जो कि ऐसी डेथ इलनेस से ग्रसित है या ऐसी डेथ इलनेस उसे हो रखी है जहां पर उसे ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बचने वाला ठीक है अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा तो ऐसे केस में अगर वो अपना जो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बोल देता है या कहीं लिख देता है तो मान लिया जाएगा कि वो डेथ बेड गिफ्ट होता है ठीक है तो डेथ इलनेस यहाँ पर इसके लिए भी कोई द, मतलब दो एजेंशियल एलिमेंट है डेथ बेड गिफ्ट के लिए पहला ये ये कि एक वैलिड और कंप्लीट गिफ्ट होना चाहिए पहला कि ये वैलिड गिफ्ट होना चाहिए दूसरा ये कंप्लीट गिफ्ट होना चाहिए और तीसरा डेथ इलनेस अब देखो वैलिड गिफ्ट कैसे हो सकता है वैलिड गिफ्ट और कंप्लीट गिफ्ट क्या होता है तो यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि <coughs>

डेथ इलनेस के लिए भी एक ग्रेविटी जो है उन्होंने बता के रखा हुआ है कि वेयर अ इज डेथ इलनेस और नॉट डिपेंड अपॉन डोनर्स स्टेट ऑफ ऑफ माइंड रादर देन ग्रेविटी दैट मतलब कि आपको ये चीज जाननी है कि क्या उस पर्सन को डेथ इलनेस है भी या नहीं तो उसके लिए आपको उसकी डिसीज की ग्रेविटी नहीं देखनी है आपको ये देखना है कि वो पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि उसको लग रहा है कि हाँ भाई अब जो है मेरा टाइम आ चुका है और अब इसके बाद जो है मैं नहीं बचने वाला तो उस टाइम पर अगर वो गिफ्ट करता है तो फिर वो आ, मतलब वो प्रॉपर्टी बता देता है कि भाई ये जो मेरी प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं कि मेरे इस बेटे को दे दी जाए तो वो क्या कहा जाएगा वो गिफ्ट नहीं वो माना जाएगा वो डेथ बेड गिफ्ट है मतलब कि वो विल ही मानी जाएगी एक तरह से वो विल ही होगी तो तीन इसके essential हो गए गिफ्ट बिल्कुल वैलिड होना चाहिए मतलब आपकी ओनरशिप होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी पर दूसरा कंप्लीट गिफ्ट होना चाहिए कि मैंने अगर आपको गिफ्ट दिया सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और तीसरा डेथ इलनेस डेथ इलनेस आपको डिसीज की ग्रेविटी नहीं देखनी है आपको ये देखना है कि वो पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड में आप जा चुका है जहां पर उसको ये लग रहा है कि वो अब नहीं बचेगा ठीक है तो इसे हम कहते हैं डेथ बेड गिफ्ट अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वक्फ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं तो इंट्रोडक्शन उसके बाद में हम एक डिफरेंस देखेंगे कि ट्रस्ट और वक्फ में क्या डिफरेंस होता है उसके बाद में इसके एजेंशियल जानेंगे और मुतावली कौन होता है ये आपसे uh, पूछा जा सकता है कि मुतावली मतलब प्री में आपसे सवाल पूछा जा सकता है मेंस का तो सवाल है ही इसलिए काफी अच्छे से इसको पढ़ना है ठीक है अभी तक कुछ डाउट क्योंकि भाई ये टू एक्स रिविजन है और मुझे आप लोगों को इन ढाई से तीन घंटे में ये पूरा का पूरा कवर करवाना है तो इसलिए थोड़ा टू एक्स की स्पीड भी मुझे लेकर चलनी पड़ेगी तभी जाकर आपका आज मुस्लिम लॉ जो है वो कवर हो पाएगा ठीक है अब अब जो है कौन सा टॉपिक है वक्त जस्ट अ मिनट हम्म चलिए तो अब हम वक्स के बारे में जान लेते हैं अब वक्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टम का मतलब क्या है वक्स हम पढ़ते तो हैं वक्स वैलिडेटिंग एक्ट भी हमने पढ़ रखा है बट उसका मतलब क्या होता है सबसे पहले हमें ये जान लेना है ठीक है मैम ये क्लास यूट्यूब पर रहेगी जी बिल्कुल रहेगी आप जब चाहें इस क्लास को दोबारा से देख सकते हैं नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं कहीं कोई छूट गया है तो आप आ, उसका रिविजन भी कर सकेंगे बस लास्ट के टॉपिक बचे हैं इसके बाद में वर्क फॉर इनहेरिटेंस और एक मेंटेनेंस दो टॉपिक और बचे हैं मुझे लगता है कि शायद हम चार बजे तक इन सारे टॉपिक को वाइंड अप कर सकेंगे ठीक है सो so, अब आती है वक्फ की बारी वक्फ का मतलब क्या होता है तो वक्फ का मतलब होता है डिटेंशन ठीक है वक्फ का मतलब होता है डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है मतलब कि आप जब किसी प्रॉपर्टी को आ, मतलब कि वक्फ करना वक्फ करने का मतलब यह है कि आपने प्रॉपर्टी को डिटेन कर दिया ठीक है तो इसका मतलब होता है वक्फ दैट इट प्रोड्यूस प्रोड्यूस और इनकम में ऑलवेज भी अवेलेबल फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज मतलब कि सपोज अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को चाहता है कि वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज की जाए तो ऐसे केस में वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ को दे सकता है वहां पर उस प्रॉपर्टी अब क्या होगा कि अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी अपनी जो है वो ट्रांसफर करेगा तो किसको ट्रांसफर करेगा वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर होती है उसका ऑनर कौन होता है ऑनरशिप किसको ट्रांसफर की जाती है तो मुस्लिम लॉ में यह माना जाता है कि जो वक्त है इसमें ऑनरशिप जो है अलमाइटी गॉड को ट्रांसफर की जाती है मतलब कि जो ऑनरशिप है वो किसको वेस्ट हो जाती है अलमाइ गॉड को और उससे प्रोड्यूस होने वाली जो भी इनकम है वो रिलीजियस और चैरिटेबल और पायस पर्पज के लिए ही उसका यूज किया जाता है तो ये चीज याद रखिएगा अब हम देख लेते हैं कि ट्रस्ट और वक्फ के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो अब वक्फ मे बी कंस्टिट्यूटेड ओनली फॉर दोस पर्पसेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज रिलीजियस पायस और चैरिटेबल इन इस्लाम इस्लाम में जो भी रिलीजियस चैरिटेबल और पायस पर्पसेस हैं उनके लिए ये वक्फ जो है बेसिकली क्रिएट किया जाता है वहीं अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट जो है किसी भी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया जा सकता है उसके बाद में अगर हम बात करें वक्फ की तो वक्फ में आप कोई भी बेनिफिट रिजर्व नहीं करके रख सकते मतलब अगर आप ये कहो कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है मैं इसके लिए वक्फ क्रिएट कराऊं और अब इसमें से कोई जो बेनिफिटराइज होगा उसमें आधा हिस्सा मेरा होगा नहीं आप अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए वक्फ क्रिएट कर रहे हो तो आप कोई भी बेनिफिट जो है रिजर्व करके नहीं रख सकते हो ठीक है वही अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो बेनिफिशियरी जो मतलब कि जो फाउंडर है ट्रस्ट का वो खुद भी बेनिफिशियरी हो सकता है उसके बाद में अगर पावर ऑफ मुतावली की बात करें तो मुतावली मुतावली मतलब कि जो इस वक्त प्रॉपर्टी का मैनेजर होता है उसी को मुतावली कहते हैं ठीक है थीके? उसके बाद में मुतावली के जो राइट होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं जबकि ट्रस्टी के जो राइट्स हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं ठीक है उसके बाद में ये तो बात हो गई इनके डिफरेंसेस की अब वक्फ की कहीं डेफिनेशन दी गई है तो जी हाँ बिल्कुल दी गई है सेक्शन टू सबसेक्शन वन जो है मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट नाइनटीन थर्टीन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली बताया गया है कि मतलब वक्फ को डिफाइन करते हुए कहा गया है वक्फ मींस द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम फेथ ऑफ एनी प्रॉपर्टी चैरिटेबल मतलब की जो वक्फ है वक्फ एक ऐसा पर्मांट डेडिकेशन है एक ऐसे पर्सन के थ्रू जो कि मुसलमान फेथ पर बिलीव करता हो जो की मुस्लिम हो ठीक है आपका मुस्लिम होना भी जरूरी है जिसके लिए आप वो वक्त प्रॉपर्टी वक्स क्रिएट करना चाह रहे हो तो वक्स का मतलब होता है कि जहां आप अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली डेडिकेट कर देते हो जहां पर आप जो ऑनरशिप है वो गॉड को वेस्ट करते हो एंड यहां पर पर्पस क्या होता है रिलीजियस चैरिटेबल और पायस ठीक है उसके बाद में अब इनके कुछ अजेंशियल्स देख लेते हैं अजेंशियल्स क्या क्या है पहला है परमानेंट डेडिकेशन मतलब कि आपने जो प्रॉपर्टी वक्स जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने मैम नॉन मुस्लिम भी दे सकते हैं प्रॉपर्टी नहीं यहाँ पर सेक्शन में ये लिखा हुआ है दी परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग मुसलमान फेथ सॉरी मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि मुसलमान क्या लिखा है वक्स कैन बी ऑफ मूवल प्रॉपर्टी ऑल्स हाँ अब सुनो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मुसलमान फेथ ठीक है मतलब ऐसा पर्सन जो कि मुसलमान फेथ को प्रोफेस करता हो तो अगर कोई नॉन मुस्लिम पर्सन मुसलमान के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं अगर उन पर बिलीव करता है अगर कोई पर्सन है सपोज मैं हूँ मैं नॉन मुस्लिम हूँ अगर मैं आ, आ, अगर मुस्लिम्स के जो भी प्रिंसिपल हैं उन पर बिलीव करती हूँ उन पर फेथ रखती हूँ और मैं चाहूँ तो अपनी प्रॉपर्टी को के लिए क्रिएट कर सकती हूँ तो ऐसा पर्सन जो कि मुसलमान फेथ को प्रोफेस्ट करता हो उस पर बिलीव रखता हो उस पर फेथ रखता हो तो वो पर्सन भी वक्स क्रिएट कर सकता है यहाँ पर क्लियरली उन्होंने ये नहीं लिखा कि मुस्लिम होना चाहिए उन्होंने ये कहा कि ऐसा पर्सन जो कि मुसलमान फेथ पर बिलीव रखता हूँ ठीक है प्रोफेस करता हूं उसके बाद में अब हम बात करते हैं इनके एजेंशियल्स की तो सबसे पहला है परपेचुटी मतलब कि

मतलब कि अब प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है एक बार उस प्रॉपर्टी का वर्क्स क्रिएट हो गया तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो क्या ये रिवोकेबल है बिल्कुल नहीं रिवोकेबल नहीं है उसके बाद में ये एब्सोल्यूट होना चाहिए एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल ट्रांसफर होना चाहिए ठीक है तो ये थे कुछ इसके कुछ एसेंशियल्स उसके बाद में अब बात करेंगे कि मुतावली मुतावली कौन होता है तो मुतावली एक ऐसा पर्सन होता है जो कि वक्फ प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट किया जाता है जो कि उस वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम करता है ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा उसके बाद में अगर हम फॉर्मेलिटीज की अगर बात करें कि आ, क्या क्या मोड्स होते हैं एक वक्स को क्रिएट करने के लिए तो मुस्लिम लॉ में कोई स्पेशल फॉर्मेलिटी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं की गई है फॉर क्रिएटिंग अ ठीक है एंड इट मे बी नोटेड दैट इवन द यूज ऑफ द दर्ड अब याद रखिएगा कि अगर आप वक्स क्रिएट कर रहे हैं और अगर आपने वक्फ वर्ड भी यूज नहीं किया है तो भी चल जाएगा मतलब जब आप वक्फ डीड क्रिएट कर रहे हो तो उस वक्फ डीड में अगर आपने वक्फ भी टर्म यूज नहीं किया तो भी चलेगा मतलब कि आप वक्फ वक्फी तब भी जो है बना सकते हैं और वो लॉफुल होगी तो क्या वक्फ का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है तो नहीं वक्फ का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है बट वही अगर प्रॉपर्टी सो या सो से ज्यादा मतलब हंड्रेड या हंड्रेड रुपीज से अबव की है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा बट अगर उसे नीचे की प्रॉपर्टी है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है क्या डिलीवरी ऑफ पजेशन जरूरी है हाँ बिल्कुल पजेशन ऑफ डिलीवरी डिलीवरी ऑफ पजेशन जरूरी है उसके बाद में किस तरह से जो है uh, uh, मतलब क्या मोड्स हैं इस वक्त को क्रिएट करने के लिए तो पहला है बाय डेडिकेटिंग दी प्रॉपर्टी इमीडिएटली दूसरा बाई डेटिंग बाई डेडिकेटिंग द प्रॉपर्टी अंडर अ विल एंड बाय ए मेमोरियल यूजर मतलब कि, कि पहला तो इन्होंने बताया है बाय डेडिकेटिंग द प्रॉपर्टी इमिडिएटली इंटरव्यूज मतलब कि आप चाहें तो आपने आज आपके पास प्रॉपर्टी है और आज आप इस प्रॉपर्टी को सपोज आपके पास ये पेन है और इस प्रॉपर्टी को आप इसके लिए वक्स क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल ये प्रॉपर्टी है इसके लिए आप वक्स क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अब एक तरीका और है जिसमें आप ये कह रहे हो कि भाई मेरी डेथ के बाद मैं एक विल क्रिएट कर रहा हूं और मेरी डेथ के बाद इस पर्सन को जो है वो प्रॉपर्टी मतलब इस प्रॉपर्टी की वक्स क्रिएट हो जानी चाहिए तो आप ऐसे भी वक्स क्रिएट कर सकते हो ये है मोड्स क्रिएशन के ठीक है अब मुतावली को अपॉइंट कौन कौन कर सकता है तो सबसे पहले उस वक्फ का जो फाउंडर है वो उसको अपॉइंट करेगा अगर वक्स का फाउंडर नहीं है सपोज अंडर अ विल प्रॉपर्टी का वक्स क्रिएट किया जा रहा है आप क्योंकि फाउंडर ही नहीं है तो फिर ऐसे केस में जो फाउंडर के एग्जीक्यूटर होंगे वो उस वक्स को आ, के लिए जो मुतवली है उसको अपॉइंट करेंगे दूसरा है मुतवली ऑन इज डेथ बेड मतलब कि अगर मुतवली खुद डेथ बेड पर है तो वो अपना सक्सेसर जो है किसी को अपॉइंट कर सकता है उसके बाद में फिर उसके बाद में बाय बाई कोर्ट कोर्ट के द्वारा भी मुतावली अपॉइंट किया जा सकता है और बाय कॉन्ग्रेशन ठीक है तो ये तो बात हो गई मुतावली के अपॉइंटमेंट की उसके बाद में हाँ इंटरव्यूज और बाय उसके बाद में अब बात करते हैं रेमिनरेशन की मुतावली के रेमिनरेशन की तो जनरली क्या होता है कि जो ये फाउंडर होता है वक्फ का Uh, ये uh, मतलब कि uh, क्या करता है रेमुनरेशन uh, प्रोवाइड करता है बट अगर कोई फिक्स नहीं है तो कोर्ट uh, मतलब मुतवली कोर्ट जाकर भी अपना रेमुनरेशन का जो अमाउंट है वो रिसीव कर सकता है अब उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर मैम वक्स के फाउंडर मुतवली हो सकते हैं नहीं, उनको आ, किसी अलग पर्सन को मुतवली अपॉइंट करना होता है उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रियम्शन अब प्रियम्शन को जल्दी से समझ लेते हैं कि प्रियम्शन का मतलब क्या होता है ठीक है तो प्रियम्शन प्रियम्शन एक जिसको हम शुफा भी कहते हैं याद रखिएगा मैं यही लिख भी देती हूँ प्रियम्शन मतलब की शुफा ठीक है तो प्रियम्पन जो है इसको हम शुफा भी कहते हैं प्रियम्शन एक ऐसा प्रियम्शन जो है एक तरह का राइट right है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो एंटाइटल्ड होता है कि अपनी एडजस्टेंट लैंड को वो रिपर्चेस कर सकता है अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अब सपोज ए और बी एक ओनर है मतलब एक प्रॉपर्टी के ए और बी दो ओनर है ठीक है ये ए है और ये बी है और ये एक प्रॉपर्टी के ओनर है अब इसमें से इस बी ने क्या किया अपनी प्रॉपर्टी को सी को सेल कर दिया ठीक है अब एक बिल्डिंग थी जिसमें ए और बी दो भाई रह रहे थे अब भाई मतलब एक भाई चला तो उसने क्या किया प्रॉपर्टी को अपना जो हिस्सा था उसने सेल कर दिया और किसको किया सी को किया तो अब इससे क्या होगा कि ए का राइट यहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा इसका इंटरेस्ट जो है इफेक्ट हो रहा है आप कोई अनजान इंसान आकर उसी बिल्डिंग में उसी फ्लोर पर आके रहने लग जाए तो उसका तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है तो इसी इसके राइट right को बचाए रखने के लिए प्रियम्शन का जो राइट right है उसके बारे में बात कही गई है कि अगर ए चाहे तो सी को कंपेल कर सकता है कि भाई मेरा भाई तुमको प्रॉपर्टी सेल करके गए मैं इस प्रॉपर्टी को दोबारा से रिपर्चेज करना चाहता हूं और उसी प्राइस पर करना चाहता हूं जिस प्राइस पर तुमने बी से खरीदा था ठीक है तो ये याद रखिएगा उसके बाद में अब आ जाते हैं आ, बस आ, मुझे लगता है कि हम चार बजे तक अपना ये पूरे टॉपिक खत्म कर लेंगे इसके बाद एक दो टॉपिक और बच रहे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं उसके बाद में आज मुस्लिम लॉ पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में प्रियम्शन का राइट आप लोगों को समझ में आ गया होगा बाकी अब आते हैं इसके एजेंशियल्स पर तो पहला है प्रियम्शन का राइट जो है मतलब कि हम्म एक तरह से तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं इसके एसेंशियल की तो प्रियम्शन एक ऐसा राइट है विच इज अवेलेबल टू दी ओनर ऑफ एन इमोबल प्रॉपर्टी ठीक है मतलब सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी का जो इमू इमूवल इमुव, प्रॉपर्टी के जो ओनर है उन्हीं के पास ये राइट होता है प्रियम्शन का ठीक है अगर टेलेंट चाहे तो वो इस राइट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है फिर अंडर दिस राइट ओनर ऑफ एन इमोवल प्रॉपर्टी कैन क्लेम हिज सब्सटीट्यूशन इन प्लेस ऑफ बायर ऑफ एन इमूबल प्रॉपर्टी मतलब कि इमूबल प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो सब्सटीट्यूशन के लिए क्लेम कर सकता है इन प्लेस ऑफ द बायर तो ये कुछ एजेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके उसके बाद में हम बात करें फॉर्मेलिटीज की कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज जो है वो फुलफिल करनी होती है प्रियम्शन के राइट के लिए तो वो तीन तरह की फॉर्मेलिटीज हैं एंड दैट इज तलाब मुबासिबत दूसरा है तलाब इशाद और तीसरा है तलाब तमलीग ठीक है तो पहली जो आ, यहां पर क्या लिखा हुआ है तलब मुबासिबत तलब मुबासिबत का मतलब होता है फर्स्ट डिमांड फर्स्ट डिमांड मतलब कि सबसे पहले मैम आफ्टर सेल राइट ऑफ प्रियमशन यूज होता है या उससे पहले उसके सेल के बाद में क्योंकि रीपर्चेस करने की बात हो रही है ना तो अब तलब मुबासिबत की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट डिमांड मतलब कि जहां पर ए और बी वाला हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे ये ए जो है इसी से, इसी इलास्ट्रेशन के थ्रू आप ये तीनों चीजें समझ जाएंगे सपोज कि ये ए है और अब ये सी से चाहता है इस प्रॉपर्टी को रिपोर्ट रिपर्चेस करना तो पहले ये फर्स्ट डिमांड करेगा उस फर्स्ट डिमांड को क्या कहा जाएगा तलब मुबासिबत ठीक है जिसमें वो ये डिमांड करेगा कि भाई मैं उस प्रॉपर्टी को रिपर्चेस करना चाहता हूँ उसके बाद में अगर ये उसकी सुनवाई नहीं करता है उसको नहीं मानता है और उसकी बात नहीं सुनता है तो ए जो है दोबारा से एक सेकेंड डिमांड करेगा और उस सेकेंड डिमांड को हम कहते हैं तलब इशाद तलब इशाद जो है सेकेंड डिमांड है उसके बाद में अगर तब भी वो उस प्रॉपर्टी को रिपर्चेज नहीं करने देता है उसी प्राइस पर तो फिर थर्ड डिमांड होगी और उस थर्ड डिमांड को तलब तमलीक कहते हैं जिसका मतलब होता है जब वो थर्ड डिमांड करेगा तो प्रियम इन केस अगर प्रियमटा फेल हो जाता है उसी प्रॉपर्टी को रिपर्चेस करने के लिए तो ऐसे केस में फिर वो कोर्ट जाकर सूट फाइल करेगा और सूट फाइल कर सकता है कि भाई मुझे जो प्रॉपर्टी है जो मेरी एडजेंट लैंड है मुझे वो रिपर्चेस करवाई जाए उसी प्राइस पर जिस प्राइस पर उसने सेल की थी ठीक है मतलब परचेस की थी सॉरी और सूट जो है वो सेल होने के एक साल के भीतर ही सूट uh, फाइल करना होगा मतलब कि ये जो ए है क्योंकि आप थर्ड डिमांड मतलब थर्ड डिमांड का टाइम आ चुका है तलब तमलीक जिसे हम कह रहे हैं तो जब वो थर्ड डिमांड करेगा और उसके बाद भी वो फेल हो जाता है उस प्रॉपर्टी को रिपर्चेज करने के लिए तो इन दैट केस ए के पास ये राइट है कि वो विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल वो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट फाइल कर सकता है अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो है मेंटेनेंस ठीक है तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही टॉपिक हैं और वो बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनको ज्यादा पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा और अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट रहे तो प्लीज आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और नहीं पूछ पाए तो बाद में कमेंट करके आप लोग अपना क्वेश्चन या जो भी क्वेरी है वो बता सकते हैं तो मेंटेनेंस के बारे में सुन लीजिए अब मेंटेनेंस के लिए क्या बताया गया सबसे पहले हम इसके सनोप्सिस देख लेते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है सबसे पहला इंट्रोडक्शन दूसरा पर्सन इन टाइट अभी हम इनहेरिटेंस हाँ सक्सेशन हम पढ़ेंगे वो हमारा लास्ट टॉपिक है मेंटेनेंस एक टॉपिक छूट रहा था तो वो भी मैंने ऐड कर लिया ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लो तो इसके से एक बार हम देख लेते मेंटेनेंस के लिए तीसरा क्या क्या कंडीशन होती हैं उसके बाद में डाइवर्स वीमेन का क्या राइट होगा बेसिकली यही आपसे पूछा जाता है और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो मेंटेनेंस बेसिकली मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को फूडिंग क्लोदिंग और रहने के लिए जगह जो प्रोवाइड करते हैं उन सब चीजों को अगर आप किसी एक पर्सन को उसकी लाइवलीहुड के लिए ये सब चीजें ये जो नेसेसरी चीजें हैं अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो दैट इज मेंटेनेंस ठीक है तो अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड होंगे तो वाइफ यंग यंग चिल्ड्रन और पेरेंट्स और उसके बाद में नेसेसिटस रिलेशन uh, जिन्हें कहा गया है जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री के विदिन आते हैं तो वो जो पर्सन से इंटाइटल्ड होंगे मेंटेनेंस के लिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वाइफ के रिगार्डिंग तो वो आपको जानना जरूरी है ठीक है तो यहां पर हस्बैंड जो है उसकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे और आ, मतलब कि यहाँ उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे और यहाँ वाइफ का राइट right बनता है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले ठीक है अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए तो पहली कंडीशन ये कि उन दोनों की मैरिज जो है वो वैलिड होनी चाहिए जिसे हमने पढ़ा था सही ठीक है तो उन दोनों की मैरिज वैलिड होनी चाहिए दूसरा वाइफ ने एज ऑफ पिबर्टी अटेंड कर ली हो अब एज ऑफ पिबर्टी अटेंड कर ली हो होगा क्या मतलब है क्योंकि अगर वाइफ uh, माइनर है और अभी तक कोहेबिटेशन नहीं हुआ है और वो अपने पेरेंट्स यानी गार्जियन के साथ में रहती है तो इन दैट केस ये होगा क्योंकि वाइफ ने पिबर्टी अटेंड नहीं की है तो अब जो है वाइफ uh, मतलब अपने हस्बैंड से राइट right नहीं रखती मेंटेनेंस का ठीक है और जरूरी है कि शी मस्ट बी फेथफुल एंड ओबीडियंट टू हिज टू हर ठीक है तो ये कुछ कंडीशन है जो कि फुलफिल करना जरूरी है उसके बाद में अब बात करते हैं कि डायवोर्स वेमेन के क्या क्या राइट्स हैं मतलब क्या वो मेंटेनेंस ले सकती है तो देखिए डाइवोर्स वेमेन के पास तीन तरह से राइट right है पहला कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस रिकवर कर सकती है दूसरा आपने सीआरपीसी के सेक्शन 1.25 पढ़ी होगी पर मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया है और तीसरा जहां पर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 के बारे में बताया गया है ठीक है तो सबसे पहला जान लेते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि एक वाइफ को सिर्फ और सिर्फ तब तक मेंटेनेंस uh, लेने का राइट है जब तक कि वो इद्दत पीरियड में इद्दत पीरियड के बाद आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत शी इज नॉट इंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड तो ये चीज याद रखनी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में वाइफ जो है अपने हस्बैंड से कब तक मेंटेनेंस uh, ले सकती है जब तक कि उसका इद्दत पीरियड चल रहा है उसके बाद नहीं ले सकती ठीक है बट अब जो है मुस्लिम वेमेन कौन से एक्ट से गवर्न होती है अब मुस्लिम वेमेन जो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन एक्ट से गवर्न होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे पर पहले सेक्शन सी आर के बारे में बात कर लेते हैं तो सेक्शन वन ट्वेंटी जो है जहां पर बताया गया है कि वाइफ एंटाइटल्ड होती है मेंटेनेंस uh, के लिए और उस वाइफ टर्म में इंक्लूड uh, कर दिया गया है डाइवोर्स वेमेन uh, तो अगर कोई डाइवोर्ड वाइफ है तो वो इंटाइटल्ड होगी मेंटेनेंस के लिए अब सेक्शन 125 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कोई विमेन है जिसने डाइवोर्स ले लिया है अपने हस्बैंड से और इद्दत का पीरियड भी हो गया है तो उसके उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद भी वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस रिकवर कर सकेगी मतलब कि मुस्लिम पर्सनल लॉ तो सिर्फ इद्दत के पीरियड तक टाइम देता है कि भाई तब तक ही आप मेंटेनेंस ले सकते हो बट सेक्शन वन कहता है कि आप इद्दत के पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस रिकवर कर सकोगी उसके बाद में अब बात करते हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट डाइवोर्स एक्ट 1986 क्या कहता है डाइवोर्स वुमेन के मेंटेनेंस uh, के बारे में तो ये एक्ट ये कहता है इस एक्ट की सेक्शन नंबर थ्री अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सेक्शन थ्री सबसेक्शन वन क्लॉज ए जहां पर ये कहा गया है कि डायवोर्स वाइफ जो है इंटाइटल्ड होती है रीजनेबल और फेयर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के लिए कि भाई इद्दत के पीरियड तक इद्दत का जो पीरियड है उस पीरियड तक वाइफ इंटाइटल्ड होगी उसके बाद में फिर वो इंटाइटल्ड नहीं है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए और अगर वहीं अगर उसके बच्चे हैं तो ऐसे भले चाहे शादी के बाद बच्चे हुए हो या शादी के पहले बच्चे हुए हो वहां पर वाइफ जो है मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड होगी अब क्योंकि वाइफ को बताया गया है कि वो इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए तो अपने हस्बैंड से इद्दत के पीरियड तक वो मेंटेनेंस ले सकेगी उसके बाद में आफ्टर दीरियड में क्या बता दिया गया बहुत ही अजीब सी बात लगेगी आपको सुनने में आ, से लोग आप लोग जानते भी होंगे कि अगर आपने अपने से maintenance लिया है आप इद्दत के पीरियड तक मेंटेनेंस ले सकती हो बट इद्दत का पीरियड खत्म हो जाने के बाद जो भी रिलेटिव्स है मतलब कोर्ट जो है डायरेक्ट कर देगी कि भाई अब जो रिलेटिव जो उस महिला की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे वो उस प्रॉपर्टी को क्या है जो भी पर्सन उस प्रोप, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे वो रिलेटिव्स जो हैं उसकी वाइफ को मतलब उस महिला को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे और सपोज कि अगर उस वाइफ की कोई रिलेटिव नहीं है तो इन दैट केस कोर्ट जो है ऑर्डर दे देगी कि भाई स्टेट वर्क्स बोर्ड जो है वो उस महिला का मेंटेनेंस जो है आ, देखेगा मतलब मेंटेनेंस वो स्टेट वर्क प्रोवाइड करेगा तो ये थे प्रोविजन किसके मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट के अब उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की तक ही ले सकती है बस हम्म उसके बाद में अब बात करते हैं दानिया लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मतलब काफी सारे जो रिट पिटीशन है वो लगाई गई थी इस एक्ट को चैलेंज किया गया क्योंकि आज के टाइम में हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे तो फिर रिलेटिव कहाँ से दे पाएंगे तो इसीलिए काफी सारे आ, रिट पिटीशन जो है वो लगाई गई और उन्हीं सब रिट को क्लब करके एक पीआईएल जो जो है वो, आ, लतीफी जो है वो वो लतीफी द्वारा लगाई गई थी और उसके बाद में कोर्ट ने एपेक्स कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो फॉर्मर हस्बैंड है डाइवोर्स वाइफ का जो फॉर्मर हस्बैंड है वो लायबल होगा कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे ठीक है और मुस्लिम uh, हस्बैंड की ये लाइबिलिटी होगी कि वह अपनी डाइवोर्स वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे और ये सिर्फ इद्दत के पीरियड तक कन्फाइन नहीं होगा क्योंकि अब उस एक्ट की वैलिडिटी को जब चैलेंज किया गया तब ये जजमेंट आया और फिर तब कोर्ट एपेक्स कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अब सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक uh, उसका जो मेंटेनेंस है वो कन्फाइन नहीं होगा एंड इट वुड एक्सटेंड टू द होल ऑफ वाइफ

Uh, जिसकी शादी नहीं हुई है no तो चाहे तो अपने रिलेटिव से जो कि उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे उनसे भी मेंटेनेंस uh, ले सकती है या फिर अगर रिलेटिव नहीं है तो ऐसे केस में स्टेट वक्त बोर्ड जो है आ, वो उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा और ये भी कहा गया है इस एक्ट में आ, इस केस uh, में कि जो मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 है ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का वोलेटिव नहीं है ठीक है अब उसके बाद में हम बात करते हैं सक्सेशन की जो कि सॉरी इनहेरिटेंस, जो कि हमारा आज का एक लास्ट टॉपिक है ठीक है अब जो जो इस ये जो टॉपिक है ये पूरा चैप्टर ही इतना ट्रिकी है कि आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है तो मेन मेन जो चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं चाहे वो आपका उत्तराखंड का प्री हो चाहे आपका यूपी का मेंस जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसका मैंने एक कंक्लूजन uh, जो है वो निकाल लिया जो जो आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली ठीक है तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईयर्स जो है वो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है ठीक है Hmm. Uh, नहीं रटने की खैर जरूरत नहीं है कोई और ऑप्शन भी है और ऑप्शन यहां पर है कि हम इन चीजों को थोड़ा सा समझ लें अगर और जो जो मतलब खास चीजें हैं सिर्फ वो पढ़नी है पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें ठीक है तो सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन में इधर भी टेस्टमेंट्री और इन स्टेट मतलब कि टेस्टमेंट्री सक्सेशन जिसको हम लेजेसी भी कहते हैं और विल के थ्रू मतलब की आ, एक प्रॉपर्टी है अब उस प्रॉपर्टी को आप विल के थ्रू देना चाह रहे हो आप प्रॉपर्टी को एक तो विल के थ्रू दे सकते हो जिसे हम क्या कहते हैं टेस्टमेंट्री सक्सेशन और इन स्टेट सक्सेशन जहां पर लीगल एयर्स जो है प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं ठीक है तो अब अगर कोई प्रॉपर्टी सपोज कोई डिसीज पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी की अगर उसने विल लिखी हो विल क्रिएट की हो या फिर उसने क्या किया हो आ, उसने उसके जो लीगल एयर्स हों वो उस प्रॉपर्टी को आ, आ, मतलब इनहेरिट कर तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी में से क्या किया जाएगा सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर्टी में से जो उसके फ्यूनरल के एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्ट किया जाएगा उसके बाद में क्योंकि अब प्रॉपर्टी इनहेरिट भी आप तभी करते हो ना जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है या विल विल के केस में में भी यही होगा कि उस उस पर्सन की जब डेथ हो जाएगी तभी प्रॉपर्टी को आप जो है विल में ले सकते हो तो यहाँ पर कहा गया है कि जब उस प्रॉपर्टी की बात आएगी तो उस प्रॉपर्टी में से सबसे पहले फ्यूनरल के एक्सपेंसिस डिडक्ट किए जाएंगे उसके बाद में अगर उस पर्सन की कोई उधारी थी कोई डेट उसने लेके रखा हुआ था तो वो चुकाया जाएगा वो पे किया जाएगा उसके बाद में जो विल है अगर उसने उस प्रॉपर्टी के लिए कोई विल लिख दिए, तो वो विल जो है उसके हिसाब से देखा जाएगा मतलब जितना शेयर जो विल का है वो दे दिया जाएगा अब जो प्रॉपर्टी बचेगी वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा वो पर्सन जो कि उसके लीगल इर्स हैं ठीक है ये बात समझ में आई अब उसके बाद में अब आपको जो जो चीजें समझने की हैं वो समझ लो क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर तीन तरह के होते हैं एक होता है शेयरर दूसरा होता है रेसिडरीज और तीसरा होता है डिस्टेंट किंडर जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है ये दो जानना आपके लिए जरूरी है एक है शेयरर और दूसरा है रेसिडरीज अब शेयर कौन होते हैं तो शेयरर जो है एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि इंटाइटल्ड होते हैं प्रेस्क्राइब शेयर के लिए फ्रॉम दी हेरिटेबल प्रॉपर्टी मतलब जो भी प्रॉपर्टी हेरिट इनहेरिट की जा रही है उसमें जो भी प्रेस्क्राइब्ड शेयर है उस शेयर के लिए जो पर्संस एंटाइटल्ड होते हैं सच पर्संस आर नॉन एज शेयरर और जो रेसिडियरीज है रेसिडियरीज का मतलब होता है वो पर्सन जो कि इनहेरिट करते हैं उस रेसिडिय प्रॉपर्टी को आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी है सपोज ये प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में से फ्यूनरल के एक्सपेंसेस डिडक्ट हो गए डेथ का अमाउंट डिडक्ट हो गया फिर विल में जो प्रॉपर्टी जानी थी वो भी चली गई तो अब ये जो हिस्सा बचा है ना इसमें से कौन सा हिस्सा शेयरर का होगा अब सपोज मान लीजिए कि इतना हिस्सा जो है वो शेयरर को दे दिया गया अब फिर भी प्रॉपर्टी बचती है तो ये जो प्रॉपर्टी होगी वो किसको मिलेगी वो रेसिडियोरिज को मिलेगी उसके बाद में अब सपोज रेसिड्योरिज को भी प्रॉपर्टी दे दी गई तो उसके बाद अगर जो कोई शेयर बचता है तो उसको सपोज ये शेयर जो है एंड रेसिडियोरीज को भी दे दिया गया अब जो शेयर बचता है वो माना जाएगा डिस्टेंट किंडर्ट ठीक है तो ये चीज क्लियर हुई समझ में आया शेयरर कौन होते हैं शेयरर वो पर्सन होते हैं जो कि फ्यूनरल डेट और विल के बाद जो भी हेरिटेबल प्रॉपर्टी बची है जिसको वो इनहेरिट कर रहे हैं वो है शेयरर ठीक है उसके बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी बचती है तो दैट इज रेसिडियरीज और बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी जिसको मिलती है वो कहलाते हैं डिस्टेंट किन्डर्ट ठीक है kinder, अब उसके बाद में चलते हैं पाँच पर्सन से बेसिकली बारह इन लोगों ने आ, क्लासिफिकेशन बताए हैं कि बारह तरीके के एयर्स होते हैं शेयरर्स होते हैं तो उनके उन सबके बारे में तो हम नहीं पढ़ने वाले और ना सबके बारे में पूछा जाता है पांच लोग हैं जिनके बारे में पूछा जाता है और उनके बारे में याद कर लीजिए हस्बैंड अब हस्बैंड के केस में क्या है अगर हसबेंड है और उनके बच्चे हैं ठीक है ठीके? मतलब हस्बैंड है और बच्चे भी हैं तो हस्बैंड का शेयर कितना होगा हस्बैंड का शेयर होगा वन हाफ ठीक है वही अगर हस्बैंड के अगर हस्बैंड के बच्चे नहीं हैं तो ऐसे केस में वन हाफ शेयर होगा वही अगर हस्बैंड बच्चे हैं मतलब कि यहां पर बात हो रही है एक ऐसी प्रॉपर्टी की जहां पर हम शेयरर्स को उनका शेयर दे रहे हैं तो अगर बच्चे नहीं हैं तो वन हाफ शेयर होगा अगर बच्चे हैं तो ऐसे केस में हस्बैंड का शेयर वन फोर्थ होगा ठीक है उसके बाद में वहीं हम वीडियो की बात करें अब यहाँ क्या हो रहा है हस्बैंड की डेथ हो गई है अब वीडियो बची है हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से शेयर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं तो वही अगर वाइफ है और हस्बैंड मतलब कोई बच्चे नहीं है तो ऐसे केस में वाइफ का शेयर जो है वो कितना होगा वन फोर और अगर वही बच्चे हैं तो ऐसे केस में वन एट्थ शेयर जो है वो दिया जाएगा उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट फादर Uh, अभी हमने पढ़ लिया हस्बैंड और वीडो के बारे में अब हम पढ़ेंगे फादर फादर का कितना शेयर होगा तो यहां पर बताया कि अगर चिल्ड्रन है तो अगर चिल्ड्रन नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा फादर कौन होंगे रेसिडरीज होंगे रेसिडरीज हमने अभी पढ़ा था क्या होते हैं शेयरर के बाद जितना भी हिस्सा बचता है जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं वो रेसिडरीज कहलाते हैं उसके बाद में अगर फादर के साथ चिल्ड्रन भी हैं, तो इन दैट केस फादर का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा अब डिवाइड हो जाएगा उनको वन सिक्स शेयर ही मिलेगा उसके बाद में अगर हम मदर की बात करें तो अगर चिल्ड्रन हैं तो ऐसे सॉरी अगर चिल्ड्रन नहीं हैं तो ऐसे केस में वन थर्ड शेयर और अगर चिल्ड्रन हैं तो ऐसे केस में मदर का जो शेयर होगा वो कितना होगा प्रॉपर्टी में वन सिक्स तो ये चीजें याद रख लीजिए उसके बाद में एक लास्ट जो आपको याद रखना है दैट इज डॉटर ठीक है डॉटर का शेयर कितना होगा जहां पर दो या दो से ज्यादा सपोज एक डॉटर है तो प्रॉपर्टी में उसका शेयर कितना होगा वन हाफ ये याद रखना है ठीक है डॉटर के शेयर के बारे में बात हो रही है कि अगर एक ही बेटी है तो उसका शेयर वन हाफ होगा वहीं अगर दो या दो से ज्यादा डॉटर्स हैं तो उसका शेयर कितना होगा टू थर्ड उसके बाद में अगर डॉटर और सन मतलब कि डॉटर और सन दोनों हैं तो ऐसे केस में जो डॉटर है वो प्रॉपर्टी को एज अ उस प्रॉपर्टी को लेगी क्यों क्योंकि यहाँ पर सन है और सन तो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी करेगा ही अब जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा बचेगा उसको एज अ रेसिडरी डॉटर जो है इनहेरिट करेगी तो ये चीज याद रखिए उसके बाद में रेसिडरीज में सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर कोई डॉटर नहीं है और सन ही है तो सन विल टेक द इंटायर प्रॉपर्टी ठीक है अगर बेटी नहीं है तो सन जो है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी रखेगा और वही अगर सन और डॉटर है तो सन को डॉटर uh, की शेयर का डबल डॉटर की शेयर का डबल दिया जाएगा तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है एंड दैट्स इट फॉर नाउ और आज आपका मुस्लिम लॉ जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी मतलब कि मुस्लिम लॉ का हर एक टॉपिक जो है आज हमने कवर कर लिया है इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं ट्राई करूंगी कि हर एक डाउट का आपका आंसर दिया जाए बाकी हमने हर एक टॉपिक जो है वो पूरा यहाँ पर कवर कर लिया हाँ जल्दी पूछिए अखंड अब हमें आपकी जो हिंदू लॉ की क्लास है वो स्टार्ट करनी है सो मुस्लिम लॉ आज यहाँ ख़त्म होता है और मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है जो कि 16 तारीख को है तो प्लीज़ उसे अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको वहाँ फिफ्टी परसेंट तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है और आ, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है तो फाउंडेशन बैच में सी जैसा सब्जेक्ट जो है वो नितेश सर पढ़ाने वाले हैं सो so, याद रखिए कि उस सब्जेक्ट की जो डेमो क्लासेस हैं वो आप ज़रूर अटेंड करें जिससे आपको पता चल जाएगा कि सीपीसी इतना टफ नहीं होता है जितना आप लोग समझते हैं उसके बाद में ऑलरेडी मैं अभी मैंने मुस्लिम लॉ पढ़ाया है भाई अब मेरी क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है अब आपको अंकिता मैम जो है वो हिंदू लॉ पढ़ाएंगी तो प्लीज हाँ मैम ये इंटरव्यू पोस्ट कर अखंड एक्चुअली टाइम की अभी बहुत कमी है आपका जो ये क्वेश्चन है प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा तो मैं उसका आंसर वहाँ दे दूंगी क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और इस सेशन को यहीं वाइंड अप करना है और हिंदू लॉ जो है वो अंकिता मैम पढ़ाने वाली है तो प्लीज़ बी देयर और थैंक यू अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू हेलो 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 प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल टू यू ऑल हाय गाइस ओके हाय रघुवीर चलिए प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए इफ आई एम ऑडिबल फिर अपन हिंदू लॉ स्टार्ट करते हैं आई होप आप सबने मुस्लिम लॉ का लेक्चर अटेंड कर लिया है एंड मजा आया है आप लोगों को सो नाउ वील स्टार्ट विद हिंदू लॉ है ना फैमिली लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम्स की जुडिशरी में आते हैं जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी जुडिशरी के सिलेबस में आपके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों हैं ठीक है अप्रोचिंग एग्जाम में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में है और आ, यूपी के मेंस में है ठीक है तो आज जो अपन पढ़ने का अप्रोच रखेंगे वो यूपी आ, मतलब मेंस का अप्रोच रखेंगे ताकि मतलब इतना कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का मेन्स का भी काम उससे बन जाए ठीक है नमस्ते विजय चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं एक बार देख लेते हैं कि अपन क्या क्या टॉपिक्स आज कवर करेंगे मोक्षदा आप हमारा हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए नीचे लिंक प्रोवाइडेड होगा और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में चैट में नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए वहां पर लिंक मांग लीजिए टेलीग्राम का आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलने मिल सकता है ठीक है हिंदू लॉ में अपन क्या टॉपिक्स कवर करेंगे एक बार अपन वो देख लेते हैं पहला तो है बेसिक इंट्रोडक्शन जो है अपन हिंदू लॉ है क्या चीज आ, क्या इसका नेचर है क्या इसका स्कोप है एक्सटेंट है अपन ये सब चीजें देखेंगे है ना जो बेसिक अपन स्टार्ट करते हैं ना किसी भी चीज के बारे में सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड आफ्टर दैट वील गो फॉर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या है हिंदू लॉ के सोर्सेज पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि स्कूल्स कौन से हैं ठीक है स्कूल्स अगर आप लोगों ने सुना हो तो स्कूल्स का मतलब क्या है डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स जैसे अपन ने जूर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने इसके पहले यूपी पीसीएस जगह जब हम कोर्स कर रहे थे क्रैश कोर्स कर रहे थे तो हमने जूर स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा था जूर स्टूडेंट्स हमने स्कूल ऑफ जूर स्टूडेंट्स पढ़े थे अलग अलग स्कूल से तो उसी तरह से यहाँ पर हम स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे मैरिज के बारे में ठीक है मैरिज अपने आप में चार पांच क्वेश्चंस बनाने वाला एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है तो पहले मैरिज पढ़ेंगे मैरिज में इसेंशियल कंडीशंस पढ़ेंगे फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि मेट्रीमोनियल रेमेडीज क्या है मेट्रीमोनियल रेमेडीज में हमारे पास ऑफ कॉन्जिकल राइट है जुडिशियल सेपरेशन एनल्टी ऑफ मैरिज है डाइवोर्स है ठीक है और इन एक एक टॉपिक को हम और डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है हाँ यू कैन ऑल्सो राइट वेन आई एम डिक्टेटिंग जब मैं बात कर रही हूं तो आप लोग जो चीजें लिखी हुई है बोर्ड पे वो आप लिख सकते हो चाहिए तो स्क्रीन ले दे सकते हो ठीक है जो भी मैं लिखूंगी और वो चीजें इन एडिशन आप ऐड कर सकते हो फिर अपन बात करेंगे मेंटेनेंस की ठीक है अब मेंटेनेंस का दो जगह है एक आपका हिंदू मैरिज एक्ट में है और एक फिर एक अलग एक्ट ही बना हुआ है ठीक है उस एक्ट के बारे में भी बात करेंगे अडोप्शन एंड मेंटेनेंस वाला जो एक्ट है ये अडोप्शन एंड मेंटेनेंस वाले मेंटेनेंस की बात करें जब हम मैरिज की बात करेंगे तब हम मैरिज वाला हिंदू मैरिज एक्ट में जो मेंटेनेंस है उसके बारे में वहां डिस्कस कर लेंगे फिर हम बात करेंगे अडोप्शन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है क्यों है कॉन्सेप्ट के बाद में फिर हम बात करेंगे गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी के बारे में कितने तरह की गार्जियनशिप होती है माइनॉरिटी क्या होती है गार्डियनशिप खुद अपने आप में क्या होती है ठीक है लॉ कौन कौन सी गार्डियनशिप रिकोगनाइज करता है ठीक है फिर उसके बाद चलेंगे अपन सक्सेशन पार्टीशन और इनहेरिटेंस पे इसके बाद अपन ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ठीक है थीके? तो uh, चलते हैं आगे अपन ठीक है पहले टॉपिक से आप स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन अगर किसी कोई भी लोग इस बात का आंसर जानते हैं तो मुझे बताइए व्हाट इज हिंदू लॉ नेचर क्या क्या है 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 मैंने लिखा हुआ वहां पे लेक्स लेक्स लोकाई लोकाई तो से आप क्या समझते हैं ठीक अगर हम बात करें हिंदू लॉ की तो हिंदू लॉ बेसिकली क्या है अगर हम हिंदू जूरस्ट लोगों के हिसाब से बात करें तो धर्म एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा ठीक है वर्ड क्या है धर्म ठीक है धर्म वर्ड जिसका ओरिजिन है ध्री ठीक है ध्री वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है आपका धर्म वर्ड और ध्री का अर्थ होता है टू होल्ड सपोर्ट और मेंटेन जब भी आप किसी चीज को मेंटेन करते हो किसी चीज को अपहोल्ड करते हो ठीक है किसी चीज को सपोर्ट करते हो तो उस चीज को आप कहते हैं ध्री कहते हैं और ध्री ध्री जो है रूट वर्ड है धर्म का ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू जूरिस्ट जो एनफोर्सेबल पार्ट है ना धर्म का उसको हम लॉ मानते हैं एनफोर्सेबल पार्ट मतलब आ, क्या होगा कि जिसके लिए हम कोर्ट से जाकर के रेमेडी मांग सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा लॉ हो जाएगा अब धर्म तो बहुत बड़ा एक एम्बेट है अगर हम धर्म की बात करें तो हम कई बार कन्फ्यूज जाते हैं हम रिलीजन को धर्म से कंफ्यूज कर लेते हैं हम मान लेते हैं कि हिंदुइज्म मेरा धर्म है इस्लाम किसी का धर्म है क्रिश्चियनिटी किसी का धर्म है तो ये उस धर्म की ही उस धर्म के एनफोर्सेबल हिस्से की बात कर रहा है धर्म बेसिकली क्या है इन अ वाइडर सेंस Uh, uh, yeah, आप, फिलोसफी क्या है आपका जिंदगी जीने का डिसिप्लिन क्या है दैट इज धर्म बेसिकली फिलोसफी में से उस आपका जो मेथड uh, है जिंदगी जीने का आपका जो लाइफ स्टाइल है उसका जो इनफोर्सेबल हिस्सा है ना वो लॉ हो जाता है ठीक है इसे मान लो अगर आप कहते हो कि मेरा जो आ, मेरा धर्म कहता है कि मैं भाई किसी भी इंसान के साथ में झूठ ना बोलूं किसी भी इंसान के साथ में फ्रॉड ना करूं ठीक है लेकिन अब झूठ नहीं बोलने के लिए तो कोई धर्म आपका लॉ नहीं बनाए लेकिन हाँ फ्रॉड नहीं करने के लिए में प्रोविजन्स अलग अलग अपनी वाइफ के साथ ना उसके लिए अलग है आप किसी और, के साथ कोई और दूसरी शादी ना कर उसके लिए आईपीसी में प्रोविजन दिया हुआ है आप शादी करते फ्रॉड कमिट ना करें उसके लिए 496 दिया हुआ है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ्रॉड ना करें उसके लिए अलग प्रोविजन दिया हुआ है ठीक है

अब हम बात करते हैं नेचर की ठीक है अगर नेचर की बात करें तो क्या है लेक्स लोकाई लेक्स लोकाई का अर्थ क्या होता है इट इज लॉ ऑफ द लैंड वेरी गुड अखंड लॉ ऑफ द लैंड का मतलब uh, लेक्स लोकाई का अर्थ होता है लॉ ऑफ द लैंड और लॉ ऑफ द लैंड से हम क्या समझते हैं या लॉ ऑफ द लोकेशन का लोकैलिटी का अर्थ क्या होता है बेसिकली लॉ ऑफ द दोकैलिटी का अर्थ होता है कि सॉरी इट सेज इट इज नॉट लॉ ऑफ द लैंड इट इज नॉट हिंदू लॉ इज नॉट लेक्स लोकाई लेक्स लोकाई नहीं है का अर्थ क्या होता है कि हिंदू लॉ आपका जब आप एक लोकैलिटी में हो तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है हिंदू लॉ ऐसा नहीं है कि अगर मैं भारत में रह रही हूं अगर मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूं और मैं मध्य प्रदेश में रह रही हूं तभी मुझ पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा अगर मैं धर्म से हिंदू हूं मैंने अपने हिंदूज्म को नहीं त्यागा है अनाउंस नहीं किया अपने धर्म को तो मैं चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाऊं मेरे ऊपर हिंदू लॉ मेरे पर्सनल मैटर्स पे उसी तरह से एप्लीकेबल होगा जिस तरह से अगर मैं इंडिया में रह रही होती तो होता ठीक है इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कल को मैं जाकर कुत में रहने लग जाऊं ठीक है मैं जाऊ मैंने अभी तक अपना धर्म त्यागा नहीं है मैं हिंदू हूं और मेरा हिंदुजम का जो धर्म है वो कहता है कि कि जब तक आप सात फेरे नहीं लेंगे मतलब मान लीजिए मैं जो फॉलो कर रही हूं प्रोसीजर अगर वो प्रोसीजर वेडिंग का ये कहता है कि आप अगर सप्तपदी लेंगे तो सप्तपदी के थ्रू ही आपकी मैरिज जो है वो कंक्लूड होगी या वही अभी कंक्लूसिव मैरिज मानी जाएगी ठीक है तो अब अगर मैं कुवेत में रहती हूँ या सऊदी में रहती हूँ और मैं कह दूं कि नहीं मैं जो है उस तरीके से शादी नहीं करना चाहती या मैं उस तरीके की शादी को नहीं लेजिट मानती या कोई भी ऐसा पर्सनल मैटर पे अगर मैं जाऊं अपने तो वहां का लॉ कुछ भी कहता हूं मेरा पर्सनल लॉ ये कहता है कि आपको सप्तपदी लेनी पड़ेगी एक वैलिड मैरिज कंक्लूड करने के लिए ठीक है तो हिंदू लॉ लेक्स लोकाई नहीं है इसका मतलब ये नहीं इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टेरिटरी में तो ही आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा हिंदू लॉ अगर आप उस टेरिटरी के बाहर है तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ठीक है इट इज नॉट टेरिटोरियल लॉ विच मीन्स इट डज नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर लोकैलिटी और स्टेट ठीक है किसी पर्टिकुलर लोकैलिटी या स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है बल्कि पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है जहां जहां वो इंसान जाएगा वहां वहां उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे आपका हिंदू लॉ भी जाएगा ठीक है फिर अगर हम बात करें उरिज, इसके ओरिजिन की ठीक है अच्छा और हिंदू लॉ क्या है पर्सनल लॉ है इट इज नॉट लेक्स लोकाई, बट पर्सनल लॉ क्या नेचर है पर्सनल लॉ है पर्सनल लॉ इट ट्रेवल्स विद द पर्सन ठीक है इट फॉलोज़ द पर्सन। फिर उसके बाद में ओरिजिन की अगर बात करें तो दो थॉट्स है एक कहता है कि हिंदू लॉ की जो ओरिजिन है वो डिवाइन है दूसरा कहता है कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी इम मेमोरियल कस्टम्स एंड यूसेजेस ठीक है इन मेमोरियल कस्टम्स एंड यूसेज को हम बखूबी समझते हैं क्या होता है कस्टम्स क्या है भाई कोई प्रैक्टिस है जो लोगों ने कह दी कि इस तरह से करना है कोई यूसेजेस है जो हम जनरली यूज कर रहे हैं तो ये सब क्या हो जाती है आपकी कस्टम एंड यूसेजेस हो जाती है ठीक है और डिवाइन ओरिजिन का अर्थ क्या है कि भाई डिवाइन अगर हम किसी चीज को कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका जो हिंदू लॉ है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है वेदों से ओरिजिनेट हुआ है ठीक है इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वेदस व्हिच वर द रेवellations ऑफ गॉड ठीक है भगवान ने वेद क्या है बेसिकली भगवान ने कुछ ऋषियों को कुछ बातें बोली जो उन्होंने लिख दी ठीक है और जब वो बातें लिखी गई हैं तो उनको वेद कहा गया है ठीक है सो दे आर बेसिकली द डायरेक्ट रेवellations डायरेक्ट रेवलेशन या डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गॉड ठीक है वो आपके वेद हैं तो कुछ कहते हैं कि डिवाइन ओरिजिन है वेदों से ओरिजिनेट हुआ है कुछ कहते हैं कि नहीं दे आर बेस्ड ऑन इन मेमोरियल कस्टम्स एंड यूसेजेस विच एग्जिस्टेड प्रायर टू द इंडिपेंडेंट प्रायर एंड इंडिपेंडेंट टू द ब्राह्मणिज्म क्या हुआ इंडियन सोसाइटी में पे, वर्क सिस्टम है अपने आप हाँ, ठीक है किस वर्क को दिया गया है ड्यूटी ऑफ डूइंग ऑल द रिलीजियस थिंग्स ब्राह्मण्स को ठीक है तो ब्राह्मण के आने से पहले जो रिलीजियस और कस्टम कस्टम्स चल रहे थे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल जो कस्टम चल रहे थे या यूसेज चल रही थी उनको वो आपका बेसिक सोर्स है लॉ के आने का ब्राह्मण्स बाद में आए और फिर उन्होंने उसमें आकर के आपका क्या मिला दिया रिलीजन मिला दिया ठीक है ये एक प्रैक्टिस कहते हैं कि जो इन जनरल हम प्रैक्टिस कर रहे थे ठीक है वो चीजें आपकी क्या हो गई वो आपका लॉ बन गया जाने थोड़े समय के बाद में जब हम उसी चीज को बहुत समय तक प्रैक्टिस करते रहे तब वो आपका लॉ बन गया कंक्लूसिव लॉ बन गया कोई भी कस्टम यूसेज लेकिन ब्राह्मि बाद में आए और इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने इसके अंदर आपका रिलीजन मिला दिया ठीक है और फिर इस रिलीजन को जब मिला दिया तो फिर ऐसा हो गया कि भाई ये डिवाइन ओरिजिन है जबकि ऐसा नहीं है ठीक है तो ये दो अलग अलग थॉट्स हैं लेकिन अब अगर हम टेक्निकली देखें सोर्सेस क्या है हिंदू लॉ के ओरिजिन कहां से हुआ हिंदू लॉ तो वो अपन जब सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे उसमें देखते हैं अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ की ठीक है एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ क्या है देखो प्रायर टू द इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स हैड अप्रूव्ड सर्टन हिंदू हिंदू प्रैक्टिस ठीक है या कस्टमरी और टेक्सुअल जो लॉस थे उनको उन्होंने क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर लिया था अपने कानून के साथ में अब ब्रिटिशर्स आए थे वो हमारा कानून तो वो हमारे प्रैक्टिस नहीं समझते थे इसलिए उन्होंने जो भी वो एक कोड लेकर के आए कोई भी एक अगर उनका प्रैक्टिस था जो भी वो ब्रिटेन में कर रहे थे उन्होंने वही कोड अपना यहाँ पर अप्लाई कर दिया इंडिया में आकर के बट उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ का कस्टम और प्रैक्टिसेस बहुत अलग है तो उन्होंने उन कस्टम और प्रैक्टिसेस को क्या करा जहां तक वो उन्हें लॉजिकल लगी उनको एकोमोडेट कर लिया ठीक है तो आपका जो हिंदू लॉ है पोस्ट इंडिपेंडेंस डी किन के ऊपर एप्लीकेबल होने लग गया उन सारे ही लोगों पर जिनको आप हिंदू कहते थे ठीक है और हिंदू किसको कहते हैं अपन देखो हिंदू बहुत जेनरिक वे में यूज होता है हम सिखों को भी हिंदू कहते हैं हम जैनों को भी हिंदू कहते हैं हम बुद्धिस्ट को भी हिंदू कहते हैं ठीक है अगर आप, आप अपना जो डेफिनेशन देखोगे हिंदू लॉ का तो उसमें हम जेनरिक वे में यूज करते हैं या इंडिया में अगर आप मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को छोड़ दो तो हम सबको हिंदू ही कंसिडर करते हैं तो एक अगर जेनरिक सेंस में देखें तो वो पूरा अर्थ हो गया हिंदू का लेकिन अदरवाइज हिंदू का मतलब क्या होगा इट डिनोट्स ऑल द पर्सन हु प्रोफेस हिंदू रिलीजन इन ईदर बाय ईदर बर्थ और बाय कन्वर्जन कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदुइज्म को फॉलो करता है या तो बर्थ से या फिर कन्वर्ट होने के बाद में ठीक है मैं मान लीजिए इस्लाम में आ, इस, न, मैं किसी मॉन्टर्न फैमिली में पैदा हुई लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना चाहिए और मैंने हिंदुइज्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया तो ये क्या होगा अब मैं हिंदू कहलाऊंगी अगर आप कन्वर्जन के थ्रू हिंदू बने तो भी आप हिंदू हैं और अगर आप बाय बर्थ हिंदू हैं तो भी आप हिंदू हैं ठीक है कोडिफाइड हिंदू लॉ किसको हिंदू मानता है कोडिफाइड लॉ कहता है एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लिंगायत या फिर ही इज अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज ठीक है आर्य समाज की अगर कोई प्रैक्टिस करता आर्य समाज के की, की कोई मतलब उस सेक्ट को फॉलो करता है तो वो भी हिंदू है कोई लिंगायत फॉर्म में वर्शिप करता है कोई वीरा में फॉलो करता है या कोई ब्रह्मो उसको फॉलो करता है तो भी वो क्या हो जाएगा हिंदू कहलाएगा ठीक है ये अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस बताई गई है हिंदुइज्म की एनी पर्सन हु इज ईदर बुद्धिस्ट बाय रिलीजन जैन बाय रिलीजन या फिर सिख बाय रिलीजन ठीक है इनको भी आपने क्या माना गया है हिंदू माना गया है और फिर तीसरा क्लॉज कहता है एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स ठीक है एंड हु इज नॉट मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और जू जब भी कोई व्यक्ति मुस्लिम क्रिश्चियन, या जू नहीं होगा तब आप उसको क्या वो है, वो अगर हो रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति को क्या मानेंगे हिंदू मानेंगे मोक्षदा मैम रिकनवर्ट बताना क्या है रिकनवर्ट आप में समझी नहीं देखो जब भी अगर मान लो मैं हिंदू ठीक है आज मैं अंकिता हूँ ठीक है कल मैं अपना नाम बदल करके ठीक है मैं इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहती हूं ठीक है मैं अंकिता से अलीशा बनना चाहती हूं ठीक है मैं अंकिता से अलीशा कुरेशी बन गई ठीक है अब आप मुझे ये बताएं कि जब मैं इधर से यहाँ कन्वर्ट हो गई हूं तो मैंने अपना धर्म छोड़ दिया तो अब मैं मुस्लिम हो जाऊंगी ठीक है फिर मैं हिंदूइज्म में काउंट नहीं होंगी लेकिन वही अगर मैं पहले अलीशा कुरैशी थी

आप कन्वर्ट हो चाहे रिकनवर्ट हो आप जिस भी धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं आपके ऊपर वही धर्म एप्लीकेबल होगा अभी मैं अंकिता हूं मैं अलीचा बनके कल फिर मैं अंकिता बन जाऊं ठीक है मुझे लगे नहीं यार मुझे इस्लाम समझ नहीं आ रहा मुझे हिंदुइज्म समझ आ रहा है फिर मैं कल को अंकिता बनने का सोच लू और मैं वापस कन्वर्ट हो जाऊं हिंदुज्म में रिकनवर्ट हो जाऊं जाऊ में तो फिर मुझ पर हिंदुआजम एप्लीकेबल होने लग जाएगा ठीक है चलो अब अगला लगता हैं अच्छा आप देखना कौन लोग नहीं आ रहे हैं इसके अंदर ठीक है हिंदूज हैं कौन बेसिकली तो जैन बुद्धिस्ट और आपके जैन बुद्धिस्ट और साथ में कौन है एक आपके सिख लोग ठीक है जो पंजाबी होते हैं ठीक जो जो है ठीके? इन तीनों को आपने हिंदू माना है किसको हिंदू नहीं माना मुस्लिम्स क्रिश्चियंस पारसी और जूस ठीक है इन चार को आपने दे आर नॉट हिंदू ठीक है तो ये चार चीजें हैं ये याद रखना सारे एक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे हिंदू लॉ में अपन चार एक्ट्स पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट पढ़ेंगे एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ेंगे सब में हिंदू का डेफिनेशन यही है ठीक है और ऊपर क्या था सबसे पहला क्लॉज क्या था कि जो भी व्यक्ति हिंदुइज्म को इन फॉर्म्स में फॉलो कर रहा है ठीक है इनमें से किसी भी फॉर्म में फॉलो कर रहा है चाहे वो वीर शैव फॉर्म में कर रहा हो लिंगायत फॉर्म में कर रहा हो ब्रह्म या फिर प्रार्थना या आर्य समाजी फॉर्म में कर रहा हो ठीक है वो क्या कहलाएगा हिंदू ही कहलाएगा चलिए अब अगला देखते हैं स्कोप और सब्जेक्ट्स ऑफ हिंदू लॉ क्या है अब स्कोप और, और सब्जेक्ट्स ऑफ हिंदू लॉ से मेरा अर्थ ये है कि कौन से मैटर्स हैं जिनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया है तो क्या आप मनुस्मृति में जाकर के ढूंढेंगे या आप वेदों में ढूंढेंगे कि मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए नहीं ना आप आईपीसी में ही जाएंगे लेकिन अगर मेरी शादी की बात है या मैं सक्सेशन uh, की बात है या माइंड गार्जियनशिप की बात है पार्टीशन की बात है तो इन दैट सिचुएशन आप मेरे पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल करेंगे हिंदू लॉ एप्लीकेबल करेंगे मेरा पर्सनल लॉ क्योंकि ये मेरे पर्सनल मैटर्स है ठीक है तो इन सारे मैटर्स के ऊपर आपका हिंदू लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है यानी कि हिंदू लॉ का स्कोप क्या है इन सारे सब्जेक्ट्स के उपर, के उपर, के ऊपर 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 मेंटेनेंस मैरिज के ऊपर सक्सेशन के ऊपर माइनॉरिटी एंड ग्रेजुशिश के ऊपर गिफ्ट के ऊपर एंड पार्टनरशियर के ऊपर ठीक है ये सब्जेक्ट्स ऑफ हिंदू लॉ है इज दैट क्लियर अभी तक में किसी को डाउट है मैं स्लाइड चेंज करने वाली हूँ तो मुझे फटाफट से बता दो अगर किसी को डाउट है तो ठीक है अब अपन आते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के ऊपर ठीक है ऑफ हिंदू अगर बात करेंगे तो देखो दो अलग अलग बंदे थे जो बहुत ही प्रीडोमिनेंटली जाने जाते हैं एक है मनु दूसरे है यज्ञ वलक्य ठीक है अब यज्ञ वलक्य और मनु ने दोनों ने अलग अलग सोर्सेज बताए लॉ के ठीक है मनु के हिसाब से वेद स्मृति सदाचार सदाचार का मतलब क्या है अप्रूव्ड कस्टम्स एंड सदाचार हम कहते हैं ना बहुत ही सदाचारी बच्चा है मतलब उसके जो हैबिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं सदाचारी जिसकी हैबिट्स अच्छी हैं तो ऐसे कस्टम्स और यूसेज जिनको अप्रूव किया हुआ है ठीक है वो सदाचार में आ गए एंड वॉट इज अग्रीएबल टू वंस कंसाइंस ये चार सोर्सेस है ऐसी कोई भी बात जो किसी दूसरे व्यक्ति के कंसाइन्स के साथ में जिसकी जिस, जिस, जिस जि, जो चीज आपके कंसाइंस के साथ में आ, आप अगेंस्ट नहीं जा रही है ठीक है

आपने एक्सेप्ट करी है एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ ठीक है तो हमने क्या-क्या चीजें एक्सेप्ट करी हैं श्रुति या फिर श्रुति ठीक है श्रुति कहते हैं इसको श्रुति नहीं है श्रुति है लेकिन जब नाम लोग रखते हैं बच्चों का तो श्रुति रखते हैं ठीक है थीके? क्योंकि श्रुति वो इन अपने एक जो मतलब आप कहोगे देसी अशुद्ध फॉर्म में श्रुति है श्रुति स्मृतिस कमेंटरीज एंड डाइजेस्ट judicial decisions legislation justice equity and good consciences or customs ठीक है अब अगर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो श्रुतिस क्या चीजें हैं श्रुति वो चीज श्रुति का मतलब होता है श्रुति आया है श्रुति जो है आपका वो ओरिजिनेट हुआ है श्रु वर्ड से श्रु का मतलब होता है टू हियर और व्हाट इज हर्ड अब व्हाट इज हर्ड श्रुति का मतलब आपने जो चीजें सुनी है किससे सुनी है भगवान से सुनी है ठीक है डिवाइन पावर्स ने आपको सुनाई है खुद गॉड ने रेवुलेशन किए हैं वो आपकी श्रुति है और उन भगवान के किए हुए रेवुलेशन को हमने किस फॉर्मेट में उतार लिया तो हमने वेदों में उतार लिया इसलिए श्रुति के अंदर क्या चीजें आती है श्रुति के अंदर आते हैं चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद और बाद में आते हैं आपके उपनिषद ठीक है तो उपनिषद और सारे वेदों को मिलाकर के आपका क्या कंक्लूड होता है श्रुति होता है और बेसिकली uh, आपके उपनिषद क्या है दे आर डिनोमिनेटेड एज दी वेदांता और द कंक्लूडिंग पोर्स ऑफ वेदास एंड दे द दिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ हिंदुइज्म यानी कि अगर इन सब का आप एक डाइजेस्ट निकालो या इनका एक कंपाइलेशन जस्ट निकालोगे आप तो वो उपनिषद आप कह सकते हो ठीक है तो ये चीजें श्रुति में आती है याद रखना है ठीक है कभी आंसर आता है इसमें नहीं आता है पुराण ठीक है चलो तो अगर ये सब जो चीजें आती हैं वो आपकी क्या है श्रुति के अंदर आती है और जब भी अगर क्वेश्चन आता है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ पे तो आपको ये बताना जरूरी है कि श्रुति के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ठीक है थीके? थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन में यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद बेसिक क्या है कि भाई किसी के बारे में किसी के अंदर मेडिसिन के बारे में बताया किसी के अंदर आपको आपकी जो रिचुअल्स है रिलीजियस रिचुअल्स है उनको कैसे फॉलो करना है उनको कैसे अदा करना है वो सब चीजें बताई हुई है गुड इवनिंग आयुषी ठीक है चलो अब फिर आते हैं स्मृति स्मृति का मतलब क्या होता है हम क्या बोलते हैं मेरी स्मृति में बहुत अच्छी चीज है मतलब या मेरी स्मृति बहुत तेज है स्मृति का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिमेंबर्ड जो आपको याद रह जाए स्मृति का अर्थ ही होता है याद रखना तो ये तो वो चीजें हो गई श्रुति हो गई जो आपने सुनी स्मृति हो गई जो आपको याद है अब स्मृति में भी क्या है दो सोर्स दो तरह की स्मृति बताई गई है एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी ठीक है प्राइमरी सोर्सेस प्राइमरी स्मृति को वापस दो उसमें बांटा गया है ठीक है एक है क्या धर्म और दूसरी है धर्म धर्मशास्त्र ठीक है जो धर्म सूत्र है वो प्रोज के फॉर्म में, तो तो में है ना जैसे अपन प्रोज अगर मैं कहूं तो तो एक्सप्लेन करूं जैसे कहावत के फॉर्म में है है ठीक पैराग्राफ छोटे छोटे और जो आपके धर्म शास्त्र है वो आपके किस फॉर्म में है पोयम्स के फॉर्म में है लंबी लंबी पोयम्स के फॉर्म में है ठीक है ये गौतम ने लिखी हुई थी यहाँ लिख देती हुई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसने लिखी थी गौतम ने लिखी थी गौतम ऋषि अगर आपने सुने हो तो फिर आते हैं ये आपकी मनु ने लिखी थी जो धर्मशास्त्र थे वो मनु ने लिखे थे ठीक है सुना भी होगा धर्मशास्त्र जो अम्बेडकर जी ने जला दिया था सामूहिक रूप से मनुस्मृति को जलाया था है ना तो ये वही वाला है वही मनु है ठीक है और फिर है इसके जो मतलब जो राइटर्स थे इसमें जो मेजर इसमें प्रिंसिपल राइटर्स थे वो थे गौतम बोध्यायन हरिता एंड वशिष्ठा ठीक है इसके अंदर गौतम वरिता वशिष्ठा वशिष्ठ जो अपन कहते हैं ना आप गोत्र लोग लगाते हैं ब्राह्मण लोग जो गोत्र लगाते हैं वशिष्ठ ठीक है हरिता है सॉरी इट इज हरिता ठीक है फिर है बोध्यान भी है इसी में यहाँ कौन हो गए मनु हो गए यज्ञ हो गए ठीक है बृहस्पति हो गए नारद हो गए ये सब इस चीज के धर्मशास्त्र इन्होंने इस धर्मशास्त्र में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया ठीक है वलक के नारद और आपके बृहस्पति चलो अब अपन आते हैं कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के ऊपर कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट का मतलब क्या है देखो there was a necessity. अब क्या था था और के बहुत सारे थे हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से उनको इंटरप्रेट कर रहा तो हमें क्या जरूरत थी कि हम मेजर इंटरप्रिटेशन को लेकर के इकट्ठा कर ले और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे जैसे आप लोगों ने डायरेक्ट में देखा होगा प्रोविजन लिखा होता तो है उसके नीचे कॉमेंट्री लिखी होती है ना कॉमेंट लिखा होता है और कॉमेंट में उसी बात को एक्सपैंड करके बताया होता है तो जब हम किसी एक चीज को बहुत एक्सपैंड करके बता देते हैं ना किसी एक ही चीज के ऊपर एक्सपेंड करें जैसे आप सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या है मान लो मुझे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ आपको पढ़ा रहा है अब जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर करू बहुत ही लंबे वे में तो वो कॉमेंट्री हो जाएगी और अगर मैं इन्हीं सबको कंपाइल करके एक छोटा सा वो बना दू तो वो क्या जाएगा? हो जाएगा आपका डाइजेस्ट हो जाएगा ठीक है तो कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट वही थे कि जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन थे हमने उनको इकट्ठा करके क्या कर दिया कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट बना दिए ताकि हम अलग अलग थॉट्स के बीच में रिकनसिलियशन लेकर के आ पाए ठीक है एक कॉमनैलिटी लेकर के आ पाए जो ज्यादा लॉजिकल है उसको अप्रूव करके उसको अप्लाई कर सके ठीक है फिर चलते हैं अपन अच्छा कॉमेंट्रीज को बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है ठीक है और कुछ प्रिंसिपल कॉमेंट्रीज की अगर हम बात करें तो क्या है आपकी दया भाग और मिताक्षरा ये क्या है ये स्कूल्स भी हैं साथ में ठीक है ये दो स्कूल्स भी हैं कॉमेंट्रीज भी हैं और ये स्कूल्स भी कमेंट्रीज कॉमेंट्रीज मतलब एक व्यक्ति ने अपना थॉट बताया किसी चीज के ऊपर ठीक है अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर हिंदू लॉ में अगर सक्सेशन का है तो उसके ऊपर मैरिज का है तो उसके ऊपर तो अगर एक व्यक्ति ने पूरे अपने थॉट्स मैरिज के ऊपर सक्सेशन के उपर, के उपर, के उपर, के ऊपर 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 डाइवोर्स मेंटेनेंस गार्जियनशिप के ऊपर सबके ऊपर बनाकर के इकट्ठा बना कर दिया तो पूरा एलोबरेट सेंस में तो उसको हमने कॉमेंट्री मान लिया और अगर कुछ लोगों ने कुछ पार्ट में चल रहा था और कुछ एक व्यक्तियों का अलग इंटरप्रिटेशन था तो वो दया भाग हो गया कुछ लोग उससे डिफर करते थे कुछ लोग कुछ और बात किया तो उन्होंने अपना स्कूल एक अलग बना

भाई कोडिफिकेशन जब हो गया लॉ का तो हर एक अलग अलग कानून हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट ठीक है सॉरी माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट अडोप्शन एंड में आपका सक्सेशन एक्ट ये सब क्या है अनकोडिफाइड हिंदू लॉ को कोडिफाइड जब हमने कर दिया तो वो क्या हो गया लेजिस्लेश हो गए वो सारे कानून बन गया पार्लियामेंट जब उनको पारित कर दिया पास कर दिया तो वो कानून बन गए ठीक है तो ये लेजिस्लेशन आज की तारीख में हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है क्यों क्योंकि अगर मुझे देखना है कि जो मैरिज कंक्लूड हुई है दो लोगों के बीच ये वैलिड है या नहीं है तो मैं क्या करूंगी हिंदू मैरिज एक्ट उठाऊंगी उसका सेक्शन फाइव देखूंगी सारे कंडीशंस देखूंगी कि भाई हाँ ये कंडीशन कंप्लाइड है ये कंप्लाइड है ये कंप्लाइड है ये कंप्लाइड है ठीक है तो मैं कहां से अपना कंक्लूजन निकाल रही हूं हिंदू मैरिज एक्ट से तो इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट भी क्या है मेरे लिए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है फिर आते हैं इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस अब देखो बहुत सारी जगहों पे ना आपका लॉ साइलेंट होता है साइलेंट होता है एज इन Uh, बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है लोग तो हम सोच नहीं पाते हम उतना दूरदर्शी कभी कभी नहीं हो पाते यार ये परिस्थिति भी आ सकती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को अप्लाई करते हैं इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंप्लाइन गुड कंसाइंस क्या है कि भाई वो बात करो जो सबके फेवर में हो सबके लिए अच्छी हो जो ज्यादा जस्टिस प्रोवाइड करे जैसे अगर आपने महिलाओं को कोपार्शनरी कोपार्शनरी बनाया बनाया फीमेल फीमेल को को, फीमेल को करता होने का कर अधिकार दिया है तो ये क्या है एक तरीके से ये आपने जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस को यूज किया है आपने आर्टिकल चौदह में जो इक्वालिटी दी हुई है वो एप्लीकेबल करेगी नहीं यार जब हम मेल और फीमेल पे हमने बताया है कि आर्टिकल पंद्रह में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे तो फिर उसे यहां क्यों नहीं अप्लाई करते जब आप ऐसा कुछ अप्लाई करते हो इंटरप्रेट करते समय अपने हिंदू लॉ को तो वो जस्ट इक्विटी जस्टिस एंड गुड

ठीक है या फिर पर्टिकुलर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ठीक है अब अगर आप मान लीजिए वो वो, तो कोई पर्टिकुलर यूसेजेस है तो वो उन लोगों को ही पता है और वही लोग अपने प्रैक्टिस में तो अपने ट्रेड के टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं तो अगर हम ऐसे किसी यूसेज की बात करें या कस्टम की बात करें तो वो क्लास कस्टम हो जाएगा या फिर अगर कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट के अंदर

चलो अब इसेंशियस ऑफ कस्टम भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि कस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है है होना चाहिए ठीक यानी कि बहुत पुराना होना चाहिए इनवेरिएबल एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए कंटिन्यूस मतलब कि लगातार तरीके से प्रैक्टिस हो रहा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि कुछ पीढ़ियों ने किया फिर लोगों ने बंद कर दिया फिर कुछ पीढ़ियां करने लग गई वापस से प्रैक्टिस उस चीज को है ना एस्टैब्लिश्ड बाय क्लियर एंड अनएम्बिगुअस एविडेंसेस यानी कि वो प्रैक्टिस जो है वो अनएिग्युअस एविडेंसेस से क्या होनी चाहिए स्टैब्लिश होनी चाहिए यानी कि उसमें कोई आपको दोहराए नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार ऐसा हो भी सकता था ऐसा नहीं भी हो सकता था अगर कोई कस्टम है तो वो आपका ठोस कस्टम होना चाहिए लोगों को क्लियरली दिखा चाहिए कि हाँ यार ये चीज तो हमेशा से प्रैक्टिस हो रही है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए ठीक है कोई अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए फिर उसके बाद आता है रीजनेबल कस्टम जो भी आप फॉलो करें वो रीजनेबल होना चाहिए अनरीजनेबल कस्टम आप फॉलो नहीं करेंगे जैसे हमने सती प्रथा को क्या कर दिया खत्म कर दिया बैन कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि हमें अनरीजनेबल लगता था वो फिर उसके बाद आते हैं इट शुड नॉट बी अपोज टू मोरालिटी और पब्लिक पॉलिसी ठीक है अब मोरालिटी या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए अगर आप शादी में देखेंगे दहेज सिस्टम आपने क्यों बंद किया हुआ है ये कस्टम था लेकिन क्यों क्योंकि मोरालिटी और पब्लिक पॉलिसी के क्या है अगेंस्ट चला जाता है थोड़ा सा फिर है नॉट फोबिडन बाय एनी लॉ बाय एनी एक्सप्रेस एनेक्टमेंट और लेजिस्लेशन ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको जो कि किसी एक्सप्रेस अः लेजिस्लेशन के द्वारा क्या किया गया बैन किया गया अब देखो टेक्निकली क्या है अब अगर हम देखें तो पहले के जमाने में आप एज जो लड़की शादी होती थी माइनर की शादी हो जाती थी मान लीजिए किसी माइनर की शादी हो गई ठीक है आ, 1955 से पहले हो गई उसकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट आने से पहले उसकी शादी तब उसकी शादी शादी जो है आप वॉइड तो करेंगे नहीं घोषित तो अब उसकी शादी हो गई है बट उसके कोई बच्चे नहीं है ठीक है और वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है फिफ्टी के पहले मान लो फिफ्टी थ्री में फिफ्टी फोर फिफ्टी थ्री में उसकी शादी हुई अब अभी तक भी उसके कोई बच्चे नहीं है तो उसने क्या किया डॉप एक्ट एक बच्चे को अडोप्ट कर लिया ठीक है अब अडोप्शन एक्ट आया 1956 में उसने वो बच्चा जो है अडोप्शन एक्ट में बाद में अडोप्ट किया अब क्लियरली दिखा दिया हुआ हुआप्शन एक्ट में कि अगर कोई फीमेल बच्चा अडोप्ट करती है तो और बच्चा मेल है ठीक है और पहले क्या होता था पहले अडोप्शन हमेशा सन का ही होता था क्यों सन का होता क्योंकि बेसिक रीजन ये माना जाता था कि अगर आपका बेटा नहीं है तो आपके अंतिम संस्कार कौन करेगा और कोई अगर अंतिम संस्कार ही आपका पिंड दान करने वाला नहीं है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी ठीक है तो अगर कोई महिला जिसका पति नहीं है वो अगर एक लड़का अडॉप्ट करती है तो इन दैट सिचुएशन क्या होना चाहिए दोनों के बीच में 21 साल का गैप होना चाहिए शुड बी

एनाक्टमेंट के अंदर प्रिस्क्राइब किया हुआ उस बात को फॉलो नहीं किया ठीक है तो आप ऐसी भी कोई कस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हो ठीक है आप जब भी कोई कस्टम प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लॉ के साथ में हमेशा क्या होना चाहिए कंप्लाई करना चाहिए इन कंप्लायंस होना चाहिए उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अपना स्कूल्स ठीक है अब स्कूल्स ऑफ अगर हिंदू लॉ की हम बात करें तो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ में दो स्कूल्स हैं मिताक्षरा और दया भाग ठीक है दया भाग जो है वो बंगाल में एप्लीकेबल है और बंगाल के अलावा पूरे के पूरे भारतवर्ष में क्या एप्लीकेबल है आपका मिताक्षरा एप्लीकेबल है ठीक है दोनों लॉ दोनों जो स्कूल है थोड़ा थोड़ा दोनों के स्कूल में अप्रोच में डिफरेंस है ठीक है अब क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं तो एक तो जो है वो बंगाल में है बंगाल के अलावा जितना बचा हुआ भारत का आ, एरिया है वहां सब पर क्या है एप्लीकेबल आपका मिताक्षर एप्लीकेबल है मिताक्षा रनिंग कॉमेंट्री ऑफ कोड ऑफ यज्ञ वालक्य है ठीक है यज्ञ वालक्य ने एक कोड लिखा एक कॉमेंट्री लिखी और उस कॉमेंट सॉरी एक कोड लिखा उस कोड की कॉमेंट्री जो है ना रनिंग कॉमेंट्री वो किसने लिखी विज्ञानेश्वरा ने लिखी ठीक है विज्ञनेश्वरा ने जब उस कमेंट्री को लिखा यानी कि मैंने कोई बात कही अब आपने उसके नोट्स बना लिए फटाफट से ठीक है तो मान लीजिए कि मैं तो हो होगा यज्ञ वलक्य जिसने एक कॉमेंट्री जिसने एक कोड बनाया और उस कोड की पूरी की पूरी कॉमेंट्री आपने प्रिपेयर कर ली आप हो गए विज्ञनेश्वरा ठीक है तो ये बनाया हुआ किसके द्वारा है मिताक्षरा स्कूल विज्ञनेश्वरा के द्वारा बनाया हुआ है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो सोचते यज्ञ वालक्य ने बनाया नहीं यज्ञ वलक्य का नहीं है मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में भी देखा ये बात गलत बताई जा रही है यज्ञ वालक्य का नहीं है वो ठीक है फिर उसके बाद में आते हैं कब बनाया था इलेवेंथ सेंचुरी में आया था ठीक है यहां बाद में चलेंगे अब इधर देख लेते हैं इट इज नॉट अ कॉमेंट्री ऑफ एनी कोड बट अ डाइजेस्ट कमेंट्री क्या बताया था मैंने बहुत डिटेल्ड वर्जन किसी चीज का कमेंट्री होता है ठीक है तो विज्ञनेश्वर ने क्या किया कि जो कोड यज्ञ वाला के ने प्रिपेयर किया था उसको बहुत एलोबरेट करके पूरा लंबा लंबा कथा लिख दी उसके ऊपर ठीक है जैसे मान लो कि मैंने जो पिछला टॉपिक था मैंने पिछले टॉपिक में आपको ब्रीफ ब्रीफ बताया अब आप इसी को मेंस के से जब अगर एलोबरेट करके लिख लोगे तो आपने मेरे दिए हुए कोड की कॉमेंट्री प्रिपेयर कर ली ठीक है एज यहां पर क्या हुआ है यहां पर कॉमेंट्री नहीं प्रिपेयर करी मैंने बहुत लंबा लंबा लंब बताया था आपने उसको छोटा छोटा करके निकाल लिया उसमें से ठीक है उसका जिस्ट निकाल लिया जब आप जिस्ट निकाल लेते हो तो वो डाइजेस्ट कहलाता है ठीक है तो डाइजेस्ट क्या थोड़ा कंसाइज फॉर्म है और ये किसने लिखा था जिमुता वाहन ने ठीक है नाम याद रखने जिमुता वाहन ने लिखा था थर्टीन सेंचुरी इट इज गिवन दो सेंचुरी बाद में आपका मिताक्षरा आने के दो सेंचुरी बाद दया भाग आया था ठीक है तो आप मान के चलो थर्टीन सेंचुरी में आपका दया भाग जो है वो आ गया था अच्छा अब दोनों के बीच में ना थोड़े से है क्या डिफरेंस एक बार देखते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि मिताक्षरा को ना पांच स्कूल में और बांटा गया है एक है बनारस स्कूल दूसरा है मिथिला स्कूल तीसरा है बॉम्बे या फिर महाराष्ट्र स्कूल चौथा है आपका द्रविड या फिर मद्रास स्कूल और पांचवा है आपका पंजाब ठीक है पंजाब इन इन पांचों में से पंजाब जो है वो लेटेस्ट डेवलप किया हुआ स्कूल है फिर उसके बाद आते हैं अपन पे कि दोनों में डिफरेंसेस का अप्रोच क्या है अगर हम देखेंगे ऊपर ऊपर से तो दया भाग जो है थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है। रीजन है उसका दया भाग क्यों प्रोग्रेसिव है? यार 200 साल बाद आया है ठीक है आपका ग्यारहवीं सेंचुरी में मिताक्षरा बना था उसके 200 साल बाद आपका दया भाग डेवलप हुआ है तो थोड़ा सा क्या है अप्रोच जो है वो प्रोग्रेसिव अप्रोच है एस कंपेयर टू दी मिताक्षरा ठीक है अब मिताक्षा में अगर देखे राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी राइजेस बाय बर्थ ठीक है जैसे ही आप पैदा हो पैदा हो गए वैसे ही आपका अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी में आपके एनसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में जाएगा अधिकार डेवलप हो जाएगा लेकिन दया भाग कहता है कि राइट right टू जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपके एनसेस्टर के मरने पर आएगा ठीक है मान लो आज अगर मैं एक घर में पैदा हुई हूँ ठीक है अंबानी जी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो वो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से उसका अधिकार आ जाएगा किसके ऊपर रिलायंस ग्रुप्स के ऊपर पूरा का पूरा ठीक है ये कहता है आपका मिताक्षरा लेकिन दया भाग कहता है कि नहीं जब भाई उनके घर में जो भी सर्वाइवल हो जाएंगे फाइनली तब उनका राइट तब उस बच्चे का राइट आएगा ठीक है फिर है अच्छा इसीलिए दया मिताक्षर के हिसाब से सन इज को ओनर फादर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ठीक है सन क्या है को ओनर है फादर के साथ में वेयर एज अगर हम दया भाग में देखें तो सन के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो जब तक उसके पिताजी जिंदा है तब तक अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मांगे ठीक है वो उसने फादर, फादर की प्रॉपर्टी से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते दया भाग के अंदर ठीक है मिताक्षरा में कर सकते हैं फिर आपका आता है जो फादर है फादर के पास में रेस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ एलियनेशन है मिताक्षरा में ठीक है यानी कि फादर जो है पूरी प्रॉपर्टी को एक साथ बेच नहीं सकते ठीक है क्यों क्योंकि पहले बता दिया कि बेटा जो है कोनर है साथ में यहाँ पर ऐसा नहीं है यहां पर अनलिमिटेड राइट है ऑफ एलियनेशन

अब द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज ठीक है मिताक्षरा में consanguinity के बेसिस पे क्या होता है आपका इनहेरिटेंस का राइट right, uh, जो है अराइज होता है In, consanguinity का मतलब क्या होता है ब्लड रिलेशन से ठीक है थीके? अगर आप ब्लड से रिलेटेड है किसी व्यक्ति से तो आपका अधिकार बनेगा उस व्यक्ति की संपत्ति में ठीक है लेकिन दया भाग में ऐसा नहीं दया भाग कहता है द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज स्पिरिचुअल एविगे दैट इज ऑफरिंग ऑफ द पिंडास जो आपके पिंड पिंड दान करेगा जो आपके रिलीजियस पायस काम करवाएगा वो आपका क्या कहलाएगा आपका आपका वो वो आपकी प्रॉपर्टी में अधिकारी माना जाएगा इनहेरिटेंस का राइट रखेगा ठीक है जैसे अगर आप ने देखी वो आ, कौन बागबार, बागबार में के चार बेटे थे चारों नालायक थे तो बागवान में फॉलो कर रहे होते तो क्या होता सिर्फ जो उनकी चार नालायक औलादे थी क्योंकि वो ब्लड से रिलेटेड थी तो उनके पास उनके पास क्योंकि वो ब्लड से रिलेटेड है इनहेरिटेज का राइट आ जाता लेकिन अगर दया भाग फॉलो कर रहे होते तो उन चार मक्कारों के पास नहीं जाकर के प्रॉपर्टी किसके पास जाती सलमान खान जो कि उनके अडॉप्टेड बच्चे थे एक तरीके से ठीक है क्यों क्योंकि वो उनका अल्टीमेट ध्यान रख रहे थे ठीक है उनका अब, मतलब उस मूवी में तो नहीं दिखाया कि भाई वो मृत्यु हुई है उनकी है, उनका पिंड दान किया लेकिन आप जस्ट अज्यूम इट क्योंकि वो सबसे लायक थे उन पांचों में से तो भाई अगर उन्होंने उनका पिंड दान भी करा कर दे वो बाद में जाकर के ठीक है उनका जो भी अंतिम संस्कार भी अगर वो कर दे तो क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में दया के सिचुएशन में आप ब्लड रिलेशन नहीं देखोगे आप ये देखोगे कि किसने आपका अंतिम संस्कार किया किसने आपका पिंडदान किया उसको आप इनहेरिटेंस का राइट जो है दे दोगे ठीक है अच्छा आ, दया भाग में फीमेल कोपार्सनरी जो है वो अलाउड नहीं था दया भाग में विमेन को कोपार्सनरी माना हुआ था आप सोचो 2005 में जो अमेंडमेंट हम लेकर के आए वो दया भाग में पहले से था ठीक है तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि थोड़ा सा प्रोग्रेसिव था चलो और वैसे भी अगर आप ईस्टर्न साइड जाओगे ना बंगाल बंगाल जाओगे तो आपको प्रधान है थोड़ा सा मेट्रियर् पेट्रीय मेट्रियार की वहां पर ठीक है महिलाओं की थोड़ी सी ज्यादा वहां चलती है चलो आ जाओ अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका मैरेज का ठीक है अब कॉन्सेप्ट में देखो मैरेज के ना कुछ टाइप्स डिफाइन है आपके अनकोडिफाइड हिंदू लॉ के हिसाब से ठीक है अनकोडिफाइड हिंदू लॉ आपका मैरेज को डिफाइन करता है और कुछ अलग अलग तरीके बताता है ठीक है आठ तरीके की मैरेज बताई हुई है ब्रह्मदेव अर्श प्रजापत्य और साथ में गंधर्व, राक्षस और पिशाच। अब आप देख सकते हो कि ये चार नाम मैंने बाद में बोले हैं ये सुनने में ही आपको थोड़ा सा खतरनाक लगते हैं तो ये सब क्या है अन अप्रूव फॉर्म ऑफ मैरेजेस है अदर फोर आर अप्रूव फॉर्म्स ऑफ मैरेजेस अब अगर इनमें अन अप्रूव में हम देखें तो मतलब अगर आप अप्रूव फॉर्म देखोगे तो उसमें कहीं कंसिडरेशन लिया हुआ है कहीं कंसिडरेशन नहीं लिया हुआ है फादर ने ठीक है बेटी देने के लिए इस तरह का कुछ कुछ सीन है वो आपको इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है अगर लगे तो एक बार आप लोग उसको देख सकते हो कोई बहुत ज्यादा उसमें खास बात आपको देखने की है नहीं लेकिन अ, असुर मैरिज या गंधर्व मैरिज जब आप इंटरकास्ट करते हो या जब आप लव मैरिज करते हो जैसे आज हम प्रेजेंट है अगर आप ऐसे कह सकते हो कि लव मैरिज है क्यों क्योंकि दो भाई लड़का लड़की को आपस में एक दूसरा अट्रैक्शन है तो जब भी अट्रैक्शन के बेसिस पे आप शादी करते हो दैट इज कॉल्ड गंधर्व मैरिज ठीक है थोड़ा सा उसको इलाबरेट किया कि आपका जो अट्रैक्शन है वो फिजिकल और सेक्शुअल उसका ओरिएंटेशन है तो इसीलिए जब आप ऐसी कोई शादी करते हो किसी से फिजिकली या सेक्शुअली अट्रैक्ट होते हो तो उसको गंधर्व मैरिज कहा गया है ठीक है Uh, तो ये मैरेजेस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि इनका कोई आपका बहुत ज्यादा रीजनेबल नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना और अपन को थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करना है तो ये आठ तरीके की मैरेजेजे है चार चनअप्रूव है चार अप्रूव है लेकिन अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में कहीं पर भी किसी भी फॉर्म को बेटर या खराब नहीं बताया गया है ठीक है बल्कि इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि भाई एक लड़की को आप उठा के ले जाओ और आक्षा में कोई ऐसी है कि आप लड़की को उठा के ले जाओ और फिर उसके साथ में आप सेक्शुअल इंटरकोर्स कर लो कोहैबिट कर लो तो दैट इज दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मैरिज तो वो तो एप्लीकेबल ही नहीं ना वो तो ऑफेंस है इंडिया में ठीक है आज के टाइम में अगर हम देखें तो तो इसीलिए हिंदू लॉ जो है वो कोई पर्टिकुलर जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है वो किसी भी तरह का मैरेज जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं करता है लेकिन हिंदू लॉ क्या प्रेस्क्राइब करता है आपको कंडीशन प्रेसक्राइब करता है कि आपकी जो मैरिज है वो क्या होनी चाहिए किस तरीके की होनी चाहिए या उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए ठीक है कौन सा सेक्शन सेक्शन करता है है हिंदू मैरिज एक्ट का जो वो आपको कंडीशन बताता है अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज पे अगर हम जाए ठीक है तो देखो तो 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 हिंदू मैरिज क्या है हिंदू मैरिज को हम क्या बोलते हैं सेक्रमेंट बोलते हैं क्यों सेक्रमेंट बोलते हैं क्योंकि हमारा हिंदू लॉ जो है अनकोडिफाइड हिंदू लॉ जो है वो कहता है कि शादी जो है वो टूट नहीं सकती इट इज अ सेक्रमेंटल बॉन्ड ठीक है एक ऐसी एक

सेक्रमेंट तो नहीं बचा क्योंकि आप तलाक ले सकते हो और अगर किसी महिला का या किसी पुरुष का पार्टनर मर जाता है वो विडो या विडोवर हो जाती है तो इन दैट सिचुएशन आप रीमैरिज भी कर सकते हो किसी और व्यक्ति के साथ में ठीक है तो जब अगर कोई एक तरफ हिंदू लॉ क्या कहता है, तो कि है इसको नहीं बन गया है तो वो जन्म जन्मांतर तक चलेगा लेकिन हिंदू लॉ कहता है कि नहीं भाई आप रीमैरिज के लिए भी एलिजिबल हो आप कर सकते हो तलाक हो गया इससे कर लो शादी कोई बात नहीं आप तलाक ले सकते हो तो इसीलिए सेक्रमेंट तो नहीं बचा ठीक है अब कौन सा क्वेश्चन आता है कि अगर सेक्रेमेंट नहीं बचा है तो क्या आपकी हिंदू मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में क्या हिंदू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम लॉ में तो मैरिज को क्या बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है ना क्लियरली कहता ही है उसका डेफिनेशन बाय डेफिनेशन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज में पूछा जाता है पार्टी से कि मैं आपकी मैं लड़की के फादर से परमिशन लेता हूँ क्या वो अपनी बेटी को आ, मुझे देना चाहते हैं और अगर देना चाहते हैं तो दिस इज द अमाउंट ऑफ दंसिडरेशन आई एम गिविंग फॉर या आई प्रोमिस टू गिव हर ठीक है तो इस तरह से ये क्या है एक पूरा का पूरा कमिटमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन हिंदू मैरिज अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर सेक्रमेंट uh, नहीं बचा तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो नहीं हिंदू मैरिज आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर भी नहीं है क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि जब भी आप किसी माइनर या अनसाउंड व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या हो जाता है वॉइड है ना कभी भी माइनर या अनसाउंड व्यक्ति के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखोगे तो वहां पर क्लियरली दिखा वो दिया हुआ है कि के साथ या, साथ में आ, करते हो शादी के साथ में कोई व्यक्ति माइनर है तो आपकी शादी वैलिड रहती है आप चाहो तो तलाक का ग्राउंड उसको बना सकते हो लेकिन वैलिड ही है वो मैरिज ठीक है वेर एज अनसाउंड व्यक्ति के साथ भी आपकी शादी क्या होती है वॉइड नहीं होती अनसाउंड

और सेक्शन जो है 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 वो क्या करता इफेक्ट देता है इस रूल को ठीक फिर उसके बाद में मोनोगेमी इंट्रोड्यूस कर दी हमने कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसका एक पार्टनर जीवित है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं करेगा जबकि पहले ऐसा नहीं था ठीक है पहले तो मल्टीपल पार्टनर्स अलाउड अलाउड नहीं थी लेकिन पॉलीगेमी अलाउड थी पॉलीगेमी का मतलब क्या है कि एक पुरुष एक से ज्यादा महिलाओं से शादी कर सकता है और पॉली एंड्री का मतलब क्या होता था है कि एक महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी कर ले ठीक है जैसे अगर आप मानू, आ, केस केस राम जी के पापा का केस मानू, ठीक है आ, मैं नाम भूल रही या, जिसको भी नाम याद आ रहा हो तो मुझे बता देना ठीक है तो अगर आप देखोगे कि राम जी के पापा जो थे उनकी तीन वाइफ थी ठीक है तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे वो पॉली प्रैक्टिस कर रहे थे ठीक है अब अगर आप आकर के अम्म यहाँ पर मैं नाम क्यों भूल जाती हूँ ना लोगों के महाभारत किसके पीछे हुई थी पूरी की पूरी यार अर्जुन की जो वाइफ थी ठीक है एक तरह से ये मान लो कि द्रौपदी ठीक है द्रौपदी के पांच हस्बैंड्स थे ठीक है तो द्रौपदी क्या प्रैक्टिस कर रही थी पॉली एंड्री ठीक है जब एक महिला एक से ज्यादा पुरुषों के साथ होती है शादी करती है तो वो पॉली एंड्री होता होता है और जब एक पुरुष एक से ज्यादा महिलाओं के साथ में रहता है तो राजा भरत नाम नहीं था राम के पापा का राम जी के पापा का भाई तुम तो ज्यादा हालत खराब है ठीक है तो अगर एक पुरुष जो है वो मल्टीपल फीमेल पार्टनर्स के साथ होता है तो हम उसको पॉलीगेमी बोलते हैं पहले पॉलीगेमी अलाउड थी ठीक है पॉलीगेमी के ऊपर कोई रोक नहीं थी लेकिन हिंदू लॉ जो है वो पॉलीगेमी जो हिंदू लॉ है वो को करता, है. किस तरह से करता है सबसे पहले तो सेक्शन फाइव जहां पर वैलिड कंडीशन लिखी हुई है टाइम ऑफ मैरिज और सेक्शन सत्रह जो है वो पनिश करता है किसी भी व्यक्ति को जो बाईगेमी प्रैक्टिस करता है ठीक है हाँ दशरथ नाम था ठीक है दशरथ नाम था राम जी के पापा का तो बाइगेमी के लिए आपको क्या करता है पनिश करता है और मैरिज को नल एंड बना देता है अगर आपने बाइगेमी को प्रैक्टिस करते हुए क्या किया है शादी एक और दूसरी शादी कर ली है चलो अब आते हैं को और बाइगेमिको तो ही दिया है कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज वर सिंप्लीफाइड जो भी और रिक्वायरमेंट थी उसको सिंप्लीफाई कास्ट वास्ट और पिंड सब कुछ था उसके अंदर सपिंड थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया सपिंड सिस्टम को हमने रखा लेकिन थोड़ा कम कर दिया ठीक है कितना कम कर दिया फादर की तरफ से पांच फाइव डिग्रीज तक ही रखा और मदर की फैमिली में थ्री डिग्रीज तक ही रखा ठीक है प्रोहिबिशन फिर है सेवरल मेट्रीमोनियल रिलीस वर प्रोवाइडेड जैसे कि रेस्टिट्यूशन मेट्रीमोनियल रिलीफ मैंने पहले ही रेस्टिट्यूशन

उसके बाद में लेजिटिमेसी जो है वो प्रोवाइड कर दी गई उन बच्चों को जो वॉइड या अवॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए हैं ठीक है पे अगर आपकी शादी हुई है अब वो शादी किस नेचर की थी उससे हमें मतलब नहीं लेकिन अगर शादी हुई है और वो शादी

कोर्ट को बहुत सारे वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दे दिए गए जब भी वो मैटर्स को डिसाइड कर रहे हैं ना जस्टिस इक्विटी गुड कंसाइंस यूज करते हुए आप क्या कर कर सकते कर सकते हो हो चीजों चीजों को को इंटरप्रेट मतलब आ, आप लॉ को आगे तक कंक्लूड कर सकते हो ये बात कह दी गई फिर आते हैं अच्छा एप्लीकेशन ऑफ आप हिंदू मैरिज एक्ट किसके ऊपर होगा तो वही जिन लोगों के बारे में अपन ने पढ़ा है उन सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा है ना चाहे लिंगायत फॉर्म में हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर रहे हो वीर शैव में कर रहे हो वैस्टविज्म में कर रहे हो आपका आर्य समाजी हो ब्रह्मो हो ठीक है उन सबको वो सब लोग क्या कर सकते हैं उनके ऊपर सबके पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा अब आते हैं अपन सेक्शन फाइव के ऊपर ठीक है सेक्शन फाइव जो है आपका वो बताता है कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज ठीक है कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज में क्या क्या दिया गया है अगर आप लोग बेरेक लेके बैठे हैं तो एक बार बेरेक खोल लीजिए अपनी ठीक है इट सेज नीदर पार्टी हैज अ सिंगल लिविंग हैज अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज यानी कि मोनोगेमी होनी चाहिए अगर आपका कोई जीवित स्पाउस है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से क्या नहीं कर सकते हैं शादी नहीं कर सकते हैं ये आपका फाइव आई कहता है मोनोगेमी लिख देती हूँ ठीक है सिर्फ मोनोगेमी लिख दे रही हूं फिर आते हैं के के पे, की बात करता है, है है है, ठीक कि क्या व्यक्ति है, consent देने के लिए या नहीं है? तो पहला आपका आ, कहता है नीदर पार्टी एट मैरिज इज कंसेंट ड्यू टू माइंड की, की वजह से कंसेंट देने में क्या नहीं होना चाहिए इनकेपेबल नहीं होना चाहिए बी में देखें तो कहता है आपको इस केपेबल दो इज केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड और टू सच एक्सटेंड एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज और फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन यानी कि कंसेंट देने के लिए तो ठीक है कंसेंट तो दे सकता है लेकिन उसका ऑफ माइंड या उसका मेंटल डिसऑर्डर तरीके का है कि वो जिस जो structure है, जो स्ट्रक्चर है हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसमें रहने के लिए फिट नहीं है या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए क्या नहीं है फिट नहीं है क्योंकि मैरिज का कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि भाई शादी किस लिए कर रहे हो आज भी आर्गूमेंट यही चल रहा है ना जब हम बात करते हैं थ्री गे मैरिजेस की बात कर रहे हैं तो आज भी कॉन्सेप्ट मैरिज का मेजर जो एजेंडा है वो क्या है रिलीजियस राइट्स और साथ में आपका प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन ठीक है रिलीजियस राइट और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन तो अगर आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से बच्चों को प्रोक्रिएट करने के लिए या बच्चों का ध्यान रखने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो आप उससे भी शादी क्या करोगे नहीं करोगे ठीक है या इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर जो है उसको अगर है तो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर लिख दे रही हूँ बात आप लोग बेरिक में से देख लेना पूरी ठीक है फिर आपका उसी का सी क्लस सब क्लॉस सी कहता है हैज बीन सब्जेक्टेड टू रेकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी ठीक है अटैक्स ऑफ इंसैनिटी आते हैं अटैक्स ऑफ इंसैनिटी ठीक है ये तीन चीजें यहां पर डाल दी गई है फिर अपन आते हैं फाइव के ही क्लॉस थ्री पेज से ब्राइड ग्रूम एज बताता है इंपॉर्टेंट है ग्रूम कितना होना चाहिए इक्कीस साल ठीक है इक्कीस से कम नहीं होना चाहिए ब्राइड अठारह से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर इनमें से कुछ भी आप ब्रीच करते हो तो उसका क्या होगा वो भी आगे देखेंगे अपन जब अपन सेक्शन इलेवन और ट्वेल्व पढ़ेंगे फिर देखते हैं अपन द पार्टीज आर नॉट विद इन दी प्रोहिबिटेड डिग्री ठीक है प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होने चाहिए प्रोहिबिटेड डिग्री क्या है एक बार डेफिनेशन क्लॉज खोलो कुछ रिलेशनशिप्स बताए गए हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है जिनसे आप शादी नहीं कर सकते हो मामा भांजी से नहीं कर सकता है बुआ भतीजे से नहीं कर सकती है ठीक है चाचा भतीजी से नहीं कर सकता है आप आपस में मतलब आप अपनी भाभी से नहीं कर सकते ये सब बहुत सारी चीजें बताई हुई है वहां पर ठीक है तो इन सब चीजों को ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बताया गया है आपके सेक्शन थ्री क्लॉज जी के अंदर ठीक है तो ये आ, सारी बातें दादा दादी से नहीं कर सकते मतलब आ, कोई व्यक्ति अपनी दादी से या अपने दादाजी की भाई की वाइफ से नहीं कर सकता है ठीक है मतलब आप चाची से नहीं करोगे ये सब चीजें वहां पर कुछ डिग्रीज बताई गई है रिलेशनशिप की जिनमें शादी करना क्या है बैंड है प्रोहिबिटेड है तो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आना चाहिए फिर आता है आपका सपेंड वाली बात कि आप सपिंड नहीं होने चाहिए फादर के बात करें तो पांच अः जनरेशन की बात देखी जाएगी और मदर की बात करें तो तीन जनरेशन की बात देखी जाएगी ठीक है आप आपका सपिंड का मतलब क्या है एक ही पिंड को बिलोंग करने वाले जब कोई एक व्यक्ति जब मतलब अगर चार लोग किसी एक पिंड को बिलोंग करते हैं ठीक है तब आप उन रिलेशन में शादी नहीं करोगे पिंड का मतलब क्या है जब आप किसी के घर में जैसे मृत्यु होती है हिंदुओं में तो क्या कहता है पिंड दान किया जाता है चावल के लड्डू बनाए जाते हैं उसको पिंड कहा जाता है ठीक है और उसको दान किया जाता है तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए पिंड दान करने के अः मतलब पिंड दान कर सकता है तो फिर वो आपका सपिंड कहलाएगा और उस सपिंड के रिलेशन में आप क्या नहीं करोगे शादी नहीं करोगे जैसे अगर एक फादर के दो सन हैं ठीक है तो आप दोनों जो है एक ही सपिंड हो गए ठीक है अब इनका जो बच्चा है मान लो इनका एक बेटा है इनका भी एक सन है और इनकी एक डॉटर है तो ये आपस में शादी नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? चलो फिर आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर हाँ आंटी नेफ्यू इज प्रोहिबिटेड कंजेंगुनिटी एफिनिटी ये सब इसी में आएंगे ठीक है चलो अब आगे आते जब हैं जब अपन देखेंगे तो एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे आप अगर उसी फैमिली के नेचुरल बॉन्ड होते तब शादी नहीं करते उससे आप अडोप्शन के बाद भी शादी नहीं करोगे मान लो कि मैं अडोप्टेड होती ठीक है अगर मैं अडोप्टेड होती तो भाई मैं अडोप्ट अगर जिन, जिस फैमिली में अडोप्ट होकर गई हूँ उस फैमिली में अगर उनका ऑलरेडी कोई बेटा है तो मैं अगर उस बेटे से शादी अगर मैं नेचुरल बॉर्न होती उनकी फैमिली में तो भी मैं उस लड़के से शादी नहीं कर पाती क्योंकि वो मेरा नेचुरल मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर होता लेकिन क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूं तो ऐसा तो नहीं, कि वो मेरा नहीं है इसीलिए मैं उससे भी शादी नहीं कर सकती हूँ ठीक है ये लिखा हुआ है आपके अडोप्शन वाले एक्ट के अंदर क्लियरली ठीक है चलो अब ये बातों को ध्यान रखो ये सारे ग्राउंड्स को ध्यान रखना ठीक है फाइव के अंदर क्या क्या ग्राउंड्स दिए हुए हैं अब अपन आते हैं सेक्शन सेवन के ऊपर ठीक है सेक्शन सेवन इंपॉर्टेंट है सेक्शन सेवन कहता है सेरेमनी ऑफ मैरिज अब देखो सेरेमनीज सेरेमनी हिंदू मैरिज की अगर हम बात करें तो कोई भी कस्टमरी राइट right दिया नहीं हुआ है कोई भी मैरिज का तरीका बताया नहीं हुआ है हिंदू लॉ के अंदर कि आप कैसे शादी करेंगे बस इतनी सी बात कही गई है कि अगर आप किस आप दो, दो लोग हैं ठीक है थीके? मान लीजिए कि एक बंदा जैन है और एक बंदा नॉर्मल जो जो हिंदू है ठीक है जैन बुद्ध या सिख नहीं है तो अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर हिंदू है और कोई व्यक्ति सिख है तो इन दैट सिचुएशन अगर आप किसी भी एक की रिचुअल के हिसाब से शादी कर लेते हो यानी कि सिखों के हिसाब से आनंद कार्य अगर आप कर लेते हो पूरा ठीक है तो उस सिचुएशन में आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो आप दोनों में से लड़का लड़की में से किसी एक की भी प्रैक्टिस के से आप शादी करते हो और उस प्रैक्टिस में ये बात क्लियरली लिखी हुई थी कि अगर आप मैरिज सेरेमनी को कंक्लूसिव मानना चाहते हो तो जब आप सात फेरे ले लोगे तो सातवें फेरे पर ही आपकी मैरिज क्या होगी कंक्लूड होगी ये बात वहां कही गई कि अगर आपके मैरिज सेरेमनी में सप्तपदी की बात कही है तो आपकी मैरिज तभी कंक्लूड होगी जब आप पूरे सातों फेरे ले चुके ठीक है एट एंड ऑफ योर सेवेंथ फेरा योर मैरिज विल बी कंक्लूडेड फिर आते हैं अपन सेक्शन एट के ऊपर जो कहता है प्रूफ ऑफ मैरिज अच्छा अब ये बहुत ना मिसअंडरस्टूड सा सेक्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है ठीक है अब हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो है वो कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है कोई स्टेट चाहे तो उसको मैंडेटरी कर सकता है स्टेट को क्या करना है एक रजिस्टर प्रिपेयर करना है उस रजिस्टर में लिस्ट बनानी और जो लोग अपनी मैरिज रजिस्टर कराना चाहते हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं मैरिज को लेकिन मैरिज का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ठीक है ना लेकिन मैरिज क्या कर लीजिए रजिस्टर करा ले लीजिए ताकि आपके जो राइट्स हैं वो आपसे कोई ना ले पाए मैरिज के राइट्स कब आपकी कोई ले सकता है भाई आपने भाग के शादी कर ली चार लोग किसने देखा ही नहीं कि आपकी शादी हुई है तो बंदा तो मुकर जाएगा ना अपनी जिम्मेदारी से तो वो ना हो जाए आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरेज आपका बहुत जरूरी है ठीक है प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज ठीक है सिर्फ प्रूफ का काम करता है आपका रजिस्ट्रेशन आपका मैरिज के लिए मैंडेटरी नहीं है ठीक है स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स प्रोवाइडिंग पार्टीज टू एनी सच मैरिज मे हैव द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू देयर मैरिज एंटर्ड इन मैनर एज दे में प्रेस्क्राइब इन इन हिंदू मैरिज रजिस्टर दो वैलिडिटी ऑफ अ मैरिज शैल इन नो वे बी इफेक्टेड बाई देशन टू मेक एन एंट्री इन दी मैरिज ठीक है यानी कि अगर आपने रजिस्टर नहीं कराई अपनी शादी तो आपकी शादी इन वैलिड नहीं हो जाती है लेकिन प्रूफ होना चाहिए आपके पास की आपकी मैरिज क्या थी वैलिड थी उस चीज का प्रूफ बस आपका मैरिज सर्टिफिकेट काम करता है ठीक है उस चीज के प्रूफ के तौर पर आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो काम करता है चलो अब आते हैं नेक्स्ट उसपे नेक्स्ट चीज है इसके अंदर मेट्रीमोनियल रेमिडी मेट्रीमोनियल रेमेडी में तीन चीजें चार बातें लिखी हुई है ठीक है एक है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं जब भी कोई दो लोग शादी करके रहते हैं तो जो उनके एक दूसरे के प्रति अधिकार या ड्यूटीज होते दायित्व होते हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे के लिए उनको हम कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं ठीक है साथ में रहना है एक दूसरे को खर्चा देना है ठीक है सेक्सुअल इंटरकोर्सेज ये सब आपके कॉन्जुगल राइट्स के अंदर आता है जब भी कोई एक व्यक्ति इस चीज में से विद्रॉ कर लेता है ठीक है यानी कि मान लो कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ

आपकी धारा है अगर आप फैमिली कोर्ट्स में जाकर के देखोगे किसी को तलाक चाहिए ना तो भी वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस कर देता ताकि तो अगले का केस कमजोर हो जाए ठीक है वो रहा एक अलग गिमिक है लेकिन सेक्शन याद रखो और कॉन्जुगल राइट क्या है वो याद रखो ठीक है अब basically क्या है मैरिज जो है वो दो लोगों को एंटाइटल करती है एक दूसरे की सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए अब अगर कोई एक व्यक्ति उस जगह से विड्रॉ कर लेता है दूसरे व्यक्ति को सोसाइटी से बाहर निकाल देता है तो आप क्या कर सकते हो आप रेस्टिट्यूट करने की बात कर सकते हो कि नहीं मुझे मेरा अधिकार चाहिए वापस से कोर्ट के पास जाओ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुकल राइट का केस लगाओ आपको वो कोर्ट uh, आपको आपके लिए सारा काम करके देगा ठीक है फिर आता है दूसरा ऑफ मैरिज का ऑफ मैरिज का क्या है देखो भाई शादी वॉइड भी हो सकती है वॉइडेबल भी हो सकती है कब वॉइड होगी आपकी शादी और कब वॉइडेबल होगी अब शादी के वॉइड होने के लिए एक बार अपन चलेंगे सेक्शन फिफ्थ फाइव वाले डायग्राम पे अगर कोई व्यक्ति ठीक है कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी करता है अपनी बीवी के जीवित होते हुए ठीक है यानी कि अगर कोई व्यक्ति बाइगे में प्रैक्टिस करता है तो उसकी शादी क्या हो जाती है वॉइड ठीक है तीसरा ग्राउंड है ये अगर और थ्री के हिसाब से आप शादी करते हैं मतलब इनको कॉन्ट्रव्यून करते हुए आप तो अगर, अगर आपने दूसरी शादी करी है तो वो क्या हो जाएगी वॉइड हो जाएगी इन अदर थ्री केसेज इट विल बी वॉइडेबल ठीक है वॉइड मैरेजेस की बात कौन करता है सेक्शन नाइन आप देख सेक्शन इलेवन अगर आप देखेंगे तो वो वॉइड मैरेजेस की बात करता है इट सेज Any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may on the petition presented by either party thereto against the other party so be declared be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in one, four or five. Sorry. One four or five ticket. ये चीजें यानी कि आपने प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी करी या आपने सपिंड में शादी करी अपने या फिर आपने में करी तो आपकी शादी क्या हो जाएगी वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी ये आपका कौन कहता है सेक्शन इलेवन कहता है ठीक है सेक्शन इलेवन में ये बात लिखी हुई है पर के बारे में बता। फिर आते हैं सेक्शन ट्वेल्व पे जो वॉइडेबल मैरेजेस के बारे में बोलता है वॉइडेबल मैरेजेस का थोड़ा सा एम्बिट ज्यादा है पहले तो जो बची हुई बचे हुए पार्ट है अगर किसी अनसाउंड पर्सन से करिए मेंटल डिसऑर्डर है किसी को अटैक इंसैनिटी आता है या फिर जो बच्चे है वो माइनर है ठीक है

यानी कि कोई व्यक्ति अब किन-किन पे आप अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हो वो अपन एक बार देख लेते हैं ठीक है इंपोर्टेंट कोई महिला कह दे कि मेरा जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट है उसकी वजह से

अब आप आपका दूसरा ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन अब जुडिशियल सेपरेशन जो है ये सेक्शन मैं यहाँ सेक्शन मैंशन कर देती हूँ सेक्शन ट्वेल्व और ये आपका सेक्शन इलेवन ठीक है सेक्शन ट्वेल्व और सेक्शन इलेवन ये है आपका सेक्शन टेन जुडिशियल सेपरेशन जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के बीच में एक, एक, एक

तो ठीक है वापस चले जाओ उस व्यक्ति के पास में और अगर लगता है कि नहीं रह सकते तो फिर डाइवोर्स के लिए आकर के अप्लाई कर दो ठीक है तो जैसे आपके आप अपने आप बेस्ट फ्रेंड से कभी कहते नहीं क्या यार मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत फॉर ग्रांटेड लेता था आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको क्या एडवाइस देती है कि भाई ये काम कर तू तो आज कल आगे से मैसेज करना बंद कर दे तू तो खुद से कॉल करना बंद कर दे तू तो खुद से एफर्ट डालना बंद कर दे सो इन दैट इज बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट उस केस में आपकी बेस्ट फ्रेंड वाला काम करता है कि भाई तुम दोनों अलग अलग रहो तब तुम दोनों को एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज होगी और तब तुम लोगों को लगेगा कि तुम एक दूसरे के बिना रह सकते हो या नहीं रह सकते हो अगर तुम्हें लगता है नहीं रह सकते हो तो वापस आ जाना और लगता है कि रह

आपकी मैरिज ही खत्म हो जाती है ठीक है इट इज कंप्लीटली सस्पेंडेड एक बार जुडिशियल सेपरेशन का अपन जो है आ,

On being satisfied that the the truth of statement ऑन बीग the decree if it considers it just and reasonable to do so yani ki do vyakti कि दो व्यक्ति थे हस्बैंड वाइफ ja वाइफ ने ki कि भाई मैं जुडिशियल सेपरेशन चाहती हूँ मैं अलग रहना चाहती हूँ लेकिन बाद में हस्बैंड ने एक petition lagayi और हस्बैंड ने कहा ki नहीं मैम सर ये बात गलत है और ये है वो है बीवी थोड़ी ना समझ है मेरी बच्ची बच्चा बुद्धि है ये है करके और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो कोर्ट क्या कर सकता है उस डिग्री को रेस्काइन कर सकता है यानी कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री वापस लेगा और फिर आपको क्या करना पड़ेगा वापस साथ में रहना पड़ेगा यार अभी भी स्टक हो रहा है क्या प्रियंका uh, मेरे पास तो बराबर चल रहा है सो आई कॉन्ट से अब सब सब लोगों के साथ अटक रहा है क्या कि सिर्फ प्रियंका के फोन में अटक रहा है वीडियो चलो अब अपन देखते हैं कि सेक्शन थर्टीन में क्या ग्राउंड्स दिए हुए ठीक है सेक्शन थर्टीन में डाइवोर्स की बात कही गई है हाँ बताओ रघुवीर क्या डाउट है सेक्शन थर्टीन आपका डाइवोर्स की बात करता है डायवोर्स का अर्थ क्या है फाइनली शादी खत्म ठीक है इसके बाद आप उस व्यक्ति से रिलेटेड नहीं हो अगर आप मान लो कि जैसे मलाइका अरोड़ा खान थी उनने सरनेम बदला हुआ था मतलब अपना सर नेम अपनी फैमिली का अपने हस्बैंड की फैमिली का लगाया हुआ था सो द डे शी टुक डाइवोर्स फ्रॉम अरबाज खान वो मलाइका अरोड़ा हुई वापस से ठीक है तो आपकी आइडेंटिटी ही एज एन इंडिविजुअल चेंज हो जाती है यू आर नो लॉन्गर दी वाइफ ऑफ दैट पर्सन यू आर नो लॉन्गर बिलोंग टू दैट फैमिली यानी कि आप अपने इन लॉज की फैमिली को बिलोंग नहीं करोगे आपका कोई भी दायित्व नहीं रह जाएगा अपने हस्बैंड या उसकी फैमिली की तरफ ठीक है तो आपका जो डाइवोर्स है वो कंप्लीटली मैरिज के यूनियन को अगर खत्म कर देता है उसके बाद आपका एक दूसरे के प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाता है एस सिविलियन इन सिविल सोसाइटी जिस तरह से तमीज से रहना होता है बस उतना ही आपका दायित्व रहता है और कोई दायित्व आपका एक दूसरे के प्रति नहीं रह जाता है तो सेक्शन थर्टीन जो है वो कंप्लीट खत्म कर देता है आपके मैरिज को ठीक है जुडिशियल सेपरेशन टेम्प्ररी बेसिस पे सस्पेंड करता है ठीक है सिर्फ अलग रहने की परमिशन देता है अब सेक्शन 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड्स दिए हुए हैं क्या ग्राउंड्स दिए हुए हैं क्लॉज वन में ग्राउंड्स दिए हुए हैं लड़कों के लिए और लड़की दोनों के लिए ठीक है और क्लास टू में एडिशनल ग्राउंड दिए हुए सिर्फ महिलाओं के लिए ठीक है अब अपन देखते हैं कि पहला ग्राउंड क्या है डाइवोर्स के ग्राउंड जो है वो अपन एक बार देख लेते हैं कि क्या ग्राउंड है क्योंकि वही ग्राउंड आपके जुडिशियल सेपरेशन में भी क्या है इंपॉर्टेंट है चलो सेक्शन थर्टीन के अपन ग्राउंड देखते हैं कि क्या ग्राउंड है पहला ग्राउंड कहता है Has after the solemnization of marriage had voluntarily

लेकिन आपका अभी भी अडल्ट्री क्या चीज है डायवोर्स का ग्राउंड बना हुआ है और साथ में अडल्ट्री में जो एक बहुत चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब आप एक्सप्लेन करोगे ना डायवोर्स का क्वेश्चन आता है उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपको ग्राउंड को तो अडल्ट्री का जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली अडल्ट्री में रह रहा था अगर एक सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री इज ऑल्सो सिंगल इंटरकोर्स विद समवन एल्स आउट विथ समर वेडलॉक इज एनफ टू मेक अ ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री फॉर डिसॉल्विंग योर मैरिज ठीक है मैरेज को डिजोल्व करने के लिए सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री इज मोर देन एनफ़ अब आते हैं जरूरी नहीं कि बहुत सारे आपको पता चले कि नहीं नहीं एक महीने से अफेयर चल रहा है तब जाकर के आप केस फाइल करो नहीं एक इंस्टेंस पता चला केस फाइल कर सकते हो आप अपने डाइवोर्स के लिए ठीक है फिर है मैरिज ट्रीटेडिटी दूसरा क्या हो गया Crueality. Crueality क्या है सब लोग समझते हैं ठीक है मेंटल फिजिकल इकोनॉमिक किसी भी तरह की क्रुएलिटी जो है आप कर सकते हैं ट करके बताओ क्या पूछना चाह रहे हो ठीक है फिर आता है आपका है पिटिशनर डिजर्टेड का मतलब क्या होता है डेजर्टेड शादी करके लाए और फिर आप खुद चले गए कहीं आप शादी करके ले तो आए हो किसी व्यक्ति को लेकिन साथ रह नहीं रहे हो ठीक है अच्छा आप डिजर्शन का दो मतलब होते हैं ठीक है डिजर्शन जो है वो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दो तरह का डिजर्शन होता है अपन आगे डिस्कस करेंगे एक्चुअल एक्चुअल चलो मैं यही बता तो क्या है आपका एक्चुअल डिजर्शन की अगर हम बात करें तो एक्चुअल डिजर्शन का मतलब है कि जिसके अगेंस्ट मैंने कंप्लेन करी है अगर मान लो कि एक वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन करी है तो एक्चुअल डिजर्शन में जो है हस्बैंड खुद ही छोड़ के चला गया दो साल से फॉर हैज गॉन दो साल से वापस ही नहीं आया है कहाँ चले गया है पता नहीं ठीक है घर को छोड़ के चला गया और वापस आपके साथ रहने को तैयार नहीं है कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन क्या है कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का मतलब है कि आपने सामने वाले व्यक्ति को पेटिशनर को खुद लड़की खुद पेटिशन लगा रही है कि मुझे डिजर्शन के बेसिस पे क्या चाहिए तलाक चाहिए लेकिन लड़की खुद अलग अपने मां बाप के घर में रह रही थी क्यों रह रही थी क्योंकि आपने उसको इस कदर मजबूर कर दिया आपने जान बुझ किया गाली गलौज करते थे आप नॉर्मली जैसे एक कपल रहता है उस तरह से आप हैबिट नहीं कर रहे थे उसके साथ में तो इसीलिए आपने उसको मजबूर कर दिया कि वो घर छोड़ करके चली जाए आपने उसको ह्यूमिलियट किया कि वो घर छोड़ करके चली जाए और वो घर छोड़ के चले गए और आप उसने डिजर्शन के लिए केस लगाया है तो कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते सर इसने मुझे डिजर्ट करके गई है छोड़ के तो ये गई है मुझे नहीं कह सकते आप ऐसा क्यों क्योंकि उसे कंस्ट्रक्टिव डिसरशन माना जाता है ठीक है यानी कि डिसरशन का मतलब डिसरशन के दो अर्थ है या तो खुद छोड़ के चले जाओ या दूसरे को मजबूर कर दो दू। जब दूसरे को मजबूर कर देते हो कि वो आपको छोड़ के चले जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव डिसरशन होता है और जब खुद ही छोड़ के चले जाते हो तो वो एक्चुअल डिसरशन होता है ठीक है चलो यार आपकी बात नहीं समझ पा रही देखो अगर किसी व्यक्ति को डाइवोर्स लेना है तो वो डायवर्स ले सकता है जब कोर्ट कोर्ट के के पास आप जाते हो के लिए तो खुद भी पहले बार में आपको की पेटिशन आपकी नहीं करता डायवोर्स ग्रांट नहीं करता है, है। कोर्ट आपको जुडिशियल सेपरेशन ही देता है क्योंकि कोर्ट भी जाता है कि शादी बच जाए किसी का उद्देश्य शादी तोड़ना नहीं है फैमिली कोर्ट अप्रोच हमेशा होता है कि शादी बच जाए क्योंकि बच्चे बच्चे सब फैमिली इंपैक्ट होती है ठीक है और इंडिविजुअल इंसान भी इंपैक्ट होता है तो इसीलिए आपको जुडिशियल सेपरेशन पहले दिया जाता है लेकिन अगर आप बिल्कुल ही एकदम क्लियर हो क्रिस्टल क्लियर हो कि आपको डाइवोर्स चाहिए म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा आप लगाओ डाइवोर्स और म्यूचुअल कंसेंट क्या है अपन आगे पढ़ेंगे ठीक है उसमें क्या प्रोविजन है और अगर आपको लगता है डाइवोर्स भी आपको रिवोक करना है डाइवोर्स कर लिया फिर उसका लगता है कि नहीं आज वापस शादी करनी है तो कर लो यार वापस कर लो शादी क्या दिक्कत है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें जैसे मुस्लिम लॉ में एक अलग पूरा प्रोसीजर है आपको हलाला प्रोसेज एक पूरा वो करना पड़ता है मुझे नहीं पता कि अब कोडिफाइड लॉ में है कि नहीं है अनकोडिफाइड लॉ में तो था कि अगर आपने शादी करी और डायवोर्स कर लिया किसी व्यक्ति से तो आप तलाक ले लिया है तो अब आपको किसी और व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़ेगी फिर मतलब महिला के लिए था ये कि महिला को किसी और व्यक्ति की शादी करनी पड़ेगी उस व्यक्ति के साथ में आपको एज अ कपल रहना पड़ेगा सब कुछ जो भी शादीशुदा कपल जिस तरह से रहते हैं उस तरह से आपको रहना पड़ेगा और उसके बाद उससे तलाक तलाक लेकर के फिर उससे तलाक से निकलने वाली इद्दत काटने के बाद में आप वापस शादी कर सकते हो ठीक है तो वो एक लंबा प्रोसेस था हिंदू लॉ में ऐसा नहीं है हिंदू फोर्टी फाइव लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है कल तलाक ले लिया चार दिन बाद जाकर के वापस शादी कर लो कोई मसला नहीं है कर सकते हो ठीक है चलो अब आगे आते हैं अपन नेक्स्ट उसके ऊपर नेक्स्ट प्रोविजन है ठीक है डिसर्टेड डिसर्टेड भी बता दिया मैंने कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल डिसरशन भी बता दिया है यहाँ पर डिसरशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है इसे ढंग से पढ़ के जाना डिसरशन क्या होता है फिर आते हैं अपन आ, अगले आ, इसके बेसिस पे कन्वर्जन ठीक है अगला क्या है कन्वर्जन कन्वर्जन का क्या अर्थ है कि मैं हिंदू हूं मेरा हस्बैंड इस्लाम में कन्वर्ट हो गया थीके? मैं नहीं चाहती कि मैं किसी मुस्लिम के साथ में रहूं या मैं नहीं चाहती कि मैं किसी क्रिश्चियन के साथ में रहूं किसी पार्टी के साथ में रहूं तो मैं क्या कर सकती हूँ तलाक मांग सकती हूँ या जुडिशियल सेपरेशन मांग सकती हूं कन्वर्जन के बेसिस पे ठीक है फिर आते हैं हैंबल ऑफ हैज बीन

लेप्रेसी इनक्योरेबल या लेप्रेसी जो वाला जो ग्राउंड था इसको अभी रिपील कर दिया गया पहले ग्राउंड अब लेप्रेसी वाले ग्राउंड को हटा दिया गया लेकिन अगर आप मेन्स में आंसर लिखते हो तो कहना लेप्रेसी और मतलब लिखना लेप्रेसी और बताना भी कि लेप्रेसी पहले एक ग्राउंड था अब नहीं है ठीक है फिर आते हैं अपन हैजिन सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिसीज वेनेरियल डिसीज क्या है कोई भी ऐसी डिसीज जो की कैसी है लेप्रोसी एस टी डी ट्रांसमिटेड डिसीज है या कोई कम्युनिकेबल डिसीज है तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो तलाक मांग सकते हो प्रोवाइडेड ये कम्युनिकेबल नेचर की होनी चाहिए ठीक है कम्युनिकेबल होनी चाहिए यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली होनी चाहिए छुआ छूत से फैलने वाली होनी चाहिए कुल मिलाकर के ठीक है अब किसी व्यक्ति को आप कहो कि इसको यार कैंसर है तो कैंसर के बेसिस पे आप जो है क्या नहीं कर सकते हो आ, तलाक या फिर आप उससे जुडिशियल सेपरेशन नहीं मांग सकते हो क्यों क्योंकि कैंसर जो है कम्युनिकेबल नहीं है ठीक है आगे आ जाओ फिर देखते हैं हैज द वर्ल्ड जो भी पार्टनर है आपका उसने क्या कर दिया दुनिया ही छोड़ दी रिनाउंस कर दुनिया मतलब छोड़ दी मरना नहीं आपने सिविल डेथ इसे कहते हैं रिनाउंस तो, कर देना मतलब आपने मोह माया जो है सारी छोड़ दी दुनिया की आपने नौकरी छोड़ दी आप पहाड़ों पे चले गए रहने के लिए आप साधु बन गए दैट इज रिनाउंसिंग द वर्ल्ड ठीक है फिर आते हैं हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ सेवन इयर्स या मोर सात साल या सात साल से अधिक के लिए उसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं है ठीक है कहाँ चले गया पता नहीं नॉट हर्ड ऑफ मोर उन लोगों द्वारा जो लोग आम दिनों में जिन लोगों के जिन लोगों से आपको उसके बारे में सुनने को मिल जाता है या जो लोग उसे जानते हैं वो लोग उसके बारे में पता होता है माँ बाप हो गए बेस्ट फ्रेंड्स हो गए कॉलेज फ्रेंड्स हो गए जो भी है सात सालों से ज्यादा हो गए किसी ने भी उसके बारे में सुना नहीं किसी को उसकी खोज खबर नहीं है तो आप उसे क्या मानोगे डेड मान लो और उस बेसिस पे आपको तलाक मिल सकता है ठीक है या जुडिशियल मिल सकता है

घर में वापस नहीं रखा तो इन दैट सिचुएशन भी आप क्या करते सकते हो उस ग्राउंड पे तलाक मांग सकते हो ठीक है फिर आते हैं एडिशनल ग्राउंड जो कि सिर्फ महिलाओं के पास में या सिर्फ वाइफ्स के पास में एप्लीकेबल है ठीक है वाइफ्स के पास में अवेलेबल है कौन से हैं वो ग्राउंड्स इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलमनाइज बिफोर द कमेंसमेंट कमेंसमेंट दैट द हस्बैंड

तलाक मांग सकती है फिर आता है दूसरा ग्राउंड मैरिज हैज हैज द द पर्सन हस्बैंड बीन गिल्टी ऑफ रेप सोडोमी या फिर है ठीक है रेप सोडोमी बेस्टैलिटी क्या है वो एक बार आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा ठीक है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सोडोमी या बेस्टलिटी के प्रैक्टिस यानी कि अननेचुरल उसके अननेचुरल सेक्शुअल ओरिएंटेशन है उसका जैसे, अ, जैसे अ, 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 कोई व्यक्ति आपका हस्बैंड जो है वो गे है ठीक है तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो आप उससे तलाक ले सकते हो किसी का हस्बैंड है जो एनिमल्स के साथ में अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो दैट इज ऑल्सो अंडर द ऑफ ग्राउंड फॉर द दर्स ठीक है और ये सिर्फ महिलाओं के पास अवेलेबल है फिर है दैट इन दिस अंडर सेक्शन एटीन ऑफ हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और इन द प्रोसीडिंग अंडर मेंटेनेंस की बात करें अगर कोई व्यक्ति maintenance नहीं देता है decree हो है maintenance की उसके बावजूद भी maintenance नहीं दे रहा है साथ में नहीं रह रहा है कि, कितने दिन समय के लिए एक साल या एक साल से ऊपर के लिए तो उसकी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो तलाक ले सकते हो ठीक मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत अगर आपको क्या मिलता है और कोर्ट uh, uh, ने ऑर्डर कर दिया है

शायद नॉट अटेंड दटेंड द एज ऑफ फिफ्टीन ईयर्स यानी कि पंद्रह साल की ही थी अट्ठारह साल की नहीं हुई थी उसकी शादी आपने करा दी ठीक है लेकिन जिस दिन से वो अठारह साल की हुई उस दिन से उसने अपनी मैरिज रिकोडेट कर लिया यानी कि मैरिज मैरिड लाइफ में जो भी ऑब्लिगेशन होता है वो उसने फुलफिल करना बंद कर दिया ठीक है आ गई वापस हसबैंड के घर से तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो शी कैन अप्लाई फॉर डायवर्स ऑन दैट ग्राउंड ठीक है

वन ईयर और मोर अगर कोई दो लोग हस्बैंड वाइफ साल से अधिक समय के लिए एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? या फिर वो साथ में रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि म्यूचुअली अग्री नहीं करते किसी बात पे ठीक है तो वो उस सिचुएशन में अपनी मैरिज में कर सकते हैं डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से अपना तलाक ले सकते हैं एक साल का पीरियड है याद रखना अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच सेज

to to do uh, having regard the the circumstances of of case part, uh, pass instead of the decree judicial separation ki, agar court टू डू है judicial uh, divorce का केस आया है ठीक है और कुछ grounds हैं जिनके अलावा अगर जिनके ऊपर नहीं जिनके ऊपर अगर केस आता तो फिर कोर्ट ऐसा नहीं करेगा ठीक है क्या क्या grounds है clause टू में दिया हुआ ग्राउंड हिंदू नहीं रहा ठीक है या फिर आपका सिक्स में दिया हुआ ग्राउंड रिलीजियस ऑर्डर पोर्स्यू करने के लिए दुनिया छोड़ दिया मतलब संत साधु बन गया है ठीक है या फिर आपका सात साल से तो उसके बारे में सुना नहीं है तो इन दा इन तीन सिचुएशंस के अलावा अगर आप किसी भी ग्राउंड पे डाइवोर्स की पिटिशन लगाते हो तो कोर्ट क्या कर सकता है और कोर्ट को लगता है कि नहीं यार इस तरह से बच्चे बच्चे के बच्चे छोटे बच्चों के ऊपर खराब असर पड़ेगा या बच्चे इस एज में ना समझने लगे हैं प्रॉब्लम को तो उस सिचुएशन में कोर्ट चाहे तो डाइवोर्स के बदले में जुडिशियल सेपरेशन का ऑल्टरनेट रिलीफ दे सकता है ठीक है यानी कि तलाक नहीं देते हुए जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है ठीक है ये ऑल्टरनेट रिलीफ है थर्टीन ए के अंदर थर्टीन बी म्यूचुअल कंसेंट से तलाक है चौदह बताता है कि कोई भी डायवोर्स की पिटिशन शादी के एक साल के पहले नहीं आएगी यानी कि शादी हुई आपकी 2020 में 2021 से पहले ठीक है 2021 मान लो फोर्टीन अप्रैल 2020 को आपकी शादी हुई फोरटीन अप्रैल 2021 से पहले आप तलाक की पिटिशन नहीं लगा सकते हो एक साल से पहले आप तलाक की पिटिशन नहीं लगा सकते हो ये आपका सेक्शन 14 बोलता है ठीक है सेक्शन 15 कहता है कि एक बार आपका तलाक हो जाए तो आप दोबारा शादी कर सकते हो अब आपका तलाक हो गया है ये कब माना जाएगा ये तब माना जाएगा जब अगर देखो तलाक की डिग्री हुई राइट टू अपील तो हो गई कोई भी डिग्री आई है तो उसका राइट टू अपील हमेशा रहेगा ठीक है तो अगर राइट टू अपील था लेकिन उस व्यक्ति ने अपील करी ही नहीं और पूरा समय निकल गया ठीक है जो लिमिटेशन पीरियड था मान लो कहा था कि एक साल के अंदर अपील करनी है उस व्यक्ति ने एक साल के अंदर अपील नहीं करी तो इन दैट सिचुएशन यू आर फ्री नाउ आपकी मैरिज कंप्लीटली रिजोल्व है अब रिवोक नहीं हो सकता है अब तलाक आपका परमानेंट हो गया है अब आप रीमैरी कर सकते हो ठीक है लेकिन जब तक अपील का टाइम है ना तब तक आप रीमैरी नहीं कर सकते हो ठीक है ये बात याद रखना चलो अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ठीक है डेजर्शन बता दिया मैंने डेजर्शन क्या चीज है अब आएंगे और अगले टॉपिक पे अगला टॉपिक आपको कहता है मेंटेनेंस के बारे में ठीक है अब ये मेंटेनेंस आपकी हिंदू मैरिज एक्ट वाली मेंटेनेंस नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट की मेंटेनेंस बता बताते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 और 25 में मेंटेनेंस दे रखी है ठीक है सेक्शन 24 कहता है मेंटेनेंस पेंडेंटल ऑफ दी प्रोसीडिंग यानी कि कब मेंटेनेंस की मांग करता है जबकि केस पेंडिंग है जब प्रोसीडिंग चल रही है ना कोर्ट में उस समय मांग देने वाली मेंटेनेंस की बात करता है एज आपका अगला है सेक्शन ट्वेंटी कहता है परमानेंट एलिमेनी और मेंटेनेंस जो लमसम अमाउंट दिया जाता है ना जो फाइनल अमाउंट बनता है मेंटेनेंस का उसको आप परमानेंट मेंटेनेंस कहते हो ठीक है आप चाहे तो उसको पीरियोडिकली भी ले सकते हो चाहे आप पूरा का पूरा एक लमसम अमाउंट भी ले सकते हो कई बार कहते हैं ना न्यूज आती है सुजैन खान ने ऋतिक रोशन से इतना हेफ्टी अमाउंट का वो लिया है आ, एलिमनी लिया है तो दैट इज वॉट दैट इज सेक्शन ट्वेंटी फाइव वाला ठीक है अगर उनकी मैरिज जो है अगर हिंदू मैरिज एक्ट में हुई होती तो फिर सेक्शन ट्वेंटी फाइव वाला लेकिन मुझे लगता है उनकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई क्योंकि एक मुस्लिम है और एक हिंदू है ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट आते हैं अच्छा इसमें एक सेक्शन सिक्सटीन और इम्पोर्टेंट सेक्शन सिक्सटी लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है ठीक है लेजिटिमेसी ऑफ कौन से चिल्ड्रन आपकी शादी वॉइड थी या वॉइडेबल थी डजेंट मैटर अगर शादी के बाद बच्चे हुए हैं तो वो बच्चे क्या माने जाएंगे लेजिटिमेट माने जाएंगे ठीक है सेक्शन 12 में आपने वॉइडेबल घोषित करा ली मैरिज तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा इनलेजिटमेट हो गया या सेक्शन 11 में आपकी मैरिज वॉइड थी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा इलेजिटिमेट हो गया मैरिज वॉइड हो चाहे वॉइडेबल हो बच्चा लेजिटिमेट ही होगा उसका रीजन क्या है हम बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे ठीक है चलो आगे आ जाओ अब नेक्स्ट पे नेक्स्ट चीज क्या है आपकी मेंटेनेंस अब मेंटेनेंस से हम क्या समझते हैं मेंटेनेंस बेसिकली क्या है किसी व्यक्ति का अधिकार है किस चीज के प्रति अधिकार है उस व्यक्ति का जीवन यापन के लिए जो खर्चा चाहिए उस चीज का अधिकार है जो भी रिसोर्सेस चाहिए आपको ठीक है खर्चा पानी कपड़े घर खाना ये सब चीजें आपकी क्या है मेंटेनेंस का एक आ, मतलब मेंटेनेंस है एक तरीके से अब आपका अगर वाइफ के मेंटेनेंस की बात करें ठीक है सेक्शन एटीन जो है आपका एक्ट uh, का जो आप, uh, आपका एक्ट दिया हुआ है ठीक है अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 उसका सेक्शन 18 जो है वो वाइफ की मेंटेनेंस के बारे में बात करता है और वाइफ को दो दो तरह से मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की बात करता है एक कहता है मेंटेनेंस मतलब दो तरह के रिलीफ देता है एक देता है मेंटेनेंस दो अधिकार मिले हुए हैं और दूसरा देता है सेपरेट रेजिडेंस कि मेंटेनेंस का तो अधिकार है ही अपने जीवन यापन के लिए खर्चा तो मांग ही सकती है बीवी आपसे अलग से रहने के लिए जगह भी मांग सकती है ठीक है जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आप उसको रख रहे हैं उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आपको उसको एक घर रूम फ्लैट बंगला रेंट पे देना दिलाना पड़ेगा और उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा क्योंकि उसका अधिकार है सेक्शन अट्ठारह में सेपरेट रेसिडेंस का क्यों अधिकार

किसी विडो डॉटर इन लॉ के लिए दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस यानी कि अगर किसी व्यक्ति के की बहू ठीक है विडो हो जाती है यानी कि उस व्यक्ति के आ, सन की डेथ हो जाती है तो इन सिचुएशन जो फादर इन लॉ है जो है, करने के लिए, और की बात करता है एक्ट का, का नाम है हिंदू एंड मेंटेनेंस एक्ट और उसमें अलग अलग लोगों के मेंटेनेंस की बात की हुई है ठीक है पहला तो आपका ये हो गया उसके बाद कहता है आपका सेक्शन ट्वेंटी सेक्शन ट्वेंटी बच्चों और साथ ही में बुजुर्ग मां बाप के मेंटेनेंस की बात करता है बच्चा लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो आपको क्या देना पड़ेगा मेंटेनेंस इनको देना ही पड़ेगा ठीक है बच्चा लेजिटिमेट या इनलेटिमेट कुछ भी हो मेंटेनेंस बच्चे को मिलेगा साथ ही में ओल्ड और एज पेरेंट्स के लिए भी मेंटेनेंस का प्रोविजन आपके सेक्शन ट्वेंटी में ही दिया हुआ है ठीक है फिर आते हैं अगले पे जो कहता है डिपेंडेंट्स के बारे में सेक्शन 22 डिपेंडेंट्स कौन होंगे वो एक बार 21 में हम देख लेते हैं डिपेंडेंट्स की लिस्ट बताता है और उसमें जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको सेक्शन बाईस के अंदर क्या मिलेगा मेंटेनेंस मिलेगा मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो डिसीज है ठीक है कोई व्यक्ति है एक्स व्यक्ति है ठीक है उसकी डेथ हो गई तो उसके डिपेंडेंट कौन हो गए उसके पेरेंट्स उसकी, 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 उसकी हिज और हर सन और दिस सन ऑफ प्री डिसीज सन यानी कि उसका बेटा या उसकी बेटी सॉरी उसका बेटा या फिर उसके बेटे का बेटा उसके कौन से बेटे का बेटा जो उसका बेटा मर गया है ना उस बेटे का बेटा यानी कि उसका पोता ठीक है उसके बाद में उसकी अनमैरिड डॉटर या अनमैरिड डॉटर का कोई प्री, प्री का कोई प्री डॉटर का सन है तो वो एक बार आप सेक्शन में देख लीजिएगा कि डिपेंडेंट्स की लिस्ट बनाई गई है और उन डिपेंडेंट्स की लिस्ट में जो लोग हैं उनको भी क्या मिल सकता है मेंटेनेंस मिल सकता है मान लो कोई व्यक्ति है उसके भाई की डेथ हो गई तो उस सिचुएशन में उसकी वाइफ को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगी ठीक है ये चीजें हैं यहाँ पर मेंटेनेंस में आपके ये सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा फिर अपन देखते हैं अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन 23 कहता है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में और क्या कहता है कि इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कोर्ट जितना चाहे उतना अमाउंट क्या कर सकता है मेंटेनेंस में अवॉर्ड कर सकता है क्या देखना पड़ेगा कुछ चीजें देखनी पड़ेगी किस क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था आप किस स्टैंडर्ड से रख रहे थे क्या उनका रीजनेबल रीजनेबल क्या है क्लेमेंट की ठीक है क्लेमेंट कह रहा है कि भाई छोटा बच्चा है मेरा मुझे उसको पढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ कमाती नहीं हूँ तो मुझे अपना घर का सब ध्यान रखना है मैं जो है आप पहले जिस घर में मैं रह रही थी वहां चार एसी लगे हुए थे तो अब एक एसी तो दिला ही दो तो उस तरह की सारी चीजों को आपको देखते हुए क्या करना पड़ेगा मेंटेनेंस देना पड़ेगा उसके खुद के पास क्या एसेट्स है आपका एस्टेट का वैल्यू क्या है इन सब चीजों को समझते हुए कोर्ट आपके लिए क्या करता है एक अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस नियुक्त करता है सेक्शन ट्वेंटी पे आता है सेक्शन ट्वेंटी कहता है कंडीशन फॉर मेंटेनेंस बता रहा है बेसिकली ठीक है क्या कहता है क्लेमिंग टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड

इसके अलावा और बहुत ज्यादा सेक्शंस कोई जरूरी नहीं है इसमें 18 से ही मेंटेनेंस के प्रोविजन चालू थे 18 के पहले आपके अडॉप्शन के प्रोविजंस हैं ठीक है थीके? तो अपन ने मेंटेनेंस पढ़ लिया के के है अब अपन चलेंगे अडॉप्शन के ऊपर कि अडॉप्शन क्या चीज है सेक्शन 18 एक बार

हिंदू बाई कन्वर्जन या फिर अब हिंदू नहीं रहा है या फिर uh, कोई और रीजन है जस्टिफाइड अलग, तर, अलग रहने के लिए तो इन सब ग्राउंड पे आप क्या कर सकते हो सेपरेट रेजिडेंस डिमांड कर सकते हो अ हिंदू वाइफ शेल नॉट बेसिडेंस एंड मेंस फ्रॉम इफ शी इज अनचेस्ट और सीरियस टू बी हिंदू अनचेस्ट मतलब खुद अडल्ट्री कमिट कर रही है

चलो अब आते हैं अपन अगले क्लॉज के ऊपर विडो का विडो डॉटर इन लॉ है उसका भी राइट तब तक रहेगा जब तक कि वो रीमैरी नहीं करती अगर वो रीमैरी कर लेगी किसी और शादी कर लेती दोबारा से तो फिर उसका राइट जो है वहीं पे खत्म हो जाता है चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन अपना अडोप्शन ठीक है अडोप्शन के ऊपर आ जाओ

पृथ्वी लोग से मोक्ष पाने के लिए क्या करते थे आपका जितने भी रिलीजियस राइट है बेटे से करवाते थे है ना और अगर किसी व्यक्ति का बेटा नहीं है तो ये मान लेते थे कि अब इसको नर्क भोगना पड़ेगा इसको मोक्ष नहीं मिलने वाला इसीलिए जिन लोगों की संतान नहीं होती थी या फिर स्पेसिफिकली जिन लोगों का बेटा नहीं होता था वो क्या करते थे बेटा गोद ले लेते थे इसीलिए हमने हिंदू लॉ में अडोप्शन के कॉन्सेप्ट को क्या किया आइडेंटिफाई किया मुस्लिम लॉ में नहीं है ये कॉन्सेप्ट अडोप्शन का हिंदू लॉ में है क्योंकि हिंदू लॉ जो है इस तरह की बिलीव रखता है इस तरह का फेथ रखता है कि आपको अडोप्शन आपको बेटा जरूरी है मोक्ष पाने के लिए तो अब अगर आप कहते हो कि बेटा जरूरी है मोक्ष पाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर नहीं है खुद का बेटा तो अडॉप्ट करना पड़ेगा इसीलिए हमने अडोप्शन के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया अब अडोप्शन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बिखरा हुआ था इसलिए हमने उसको कोडिफाई भी कर लिया कोई तो बहुत क्लियर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं थी अब अगर आप डिफरेंस देखोगे जो डिफरेंस कोडिफाइड लॉ के बाद आया है पहले जब तक तक अनकोडिफाइड लॉ था तब तक सिर्फ ऑफ सन की बात होती थी ठीक है जब से कोडिफाइड लॉ आया तब से अडोप्शन दोनों का अलाउड है लड़की का भी और लड़के का भी ठीक है तो आ, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अडोप्शन की जरूरत हमने देख ली कि एडोप्शन की जरूरत क्यों थी एडोप्शन की जरूरत थी क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई पहले की तारीख में बता रही हूं कि अनकोडिफाइड हिंदू लॉ में अडप्शन या सनशिप का कॉन्सेप्ट इसने आइडेंटिफाई किया क्योंकि एक बेटे का होना जरूरी था माँ बाप के मोक्ष के लिए ठीक है तो इसलिए हमने या हमनेप्ट को एक्सेप्ट किया फिर हमने उसे कोडिफाई कर लिया कोडिफाई क्यों किया क्योंकि दूसरी जरूरत क्या थी कि भाई इन जनरल भी माँ बाप को कई, कई बार जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते थे उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं लेकिन जो भी अकेलापन है या पेरेंटहुड फील करने के लिए उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए वो औलाद को क्या करना चाहते थे आपकी गोद लेना चाहते थे तो इसलिए हमने अडोप्शन के कॉन्सेप्ट कोडिफाई करते हुए थोड़ा सा क्लियर बना दिया ठीक है अब एडॉप्शन का क्लियर मतलब है ठीक है मनु कहते हैं अ सन इक्वल इन कास्ट एंड अफेक्शनेटली डिस्पोज्ड हुम हिज मदर और फादर और बोथ गिव विद वाटर एट द टाइम ऑफ कैलामिटी इज नोन एज द दत्रीमा या फिर दत्तक दत्तक सन ठीक है क्या बोलते हैं इसको अडॉप्टेड सन को दत्तक सन भी कहा जाता है दत्तक पुत्र कहते हैं दत्तक पुत्र और मनु कहते हैं कि जब माँ बाप पानी के साथ में बच्चे को अपने क्या कर दे किसी और को समर्पित कर दे क्लामिटी के समय पर मतलब क्लैमिटी मतलब दूसरे के लिए जो निसंतान है उसके लिए तो क्लामिटी की अवस्था ही है कि भैया मोक्ष नहीं मिलेगा अगर तो बेटा नहीं है तो अगर कोई व्यक्ति जल के साथ साथ तो अपना बेटा किसी को अर्पित कर देता है दे देता है तो उसे क्या कहा जाएगा उस बच्चे को दत्तक पुत्र कहा जाएगा लेकिन क्या होना चाहिए इक्वल कास्ट में होना चाहिए क्विफाइड लॉ ने क्या हटा दिया कास्ट कोई भी कास्ट से आप अडॉप्ट कर देते कास्ट वाला बैरियर हटा दिया डॉटर फीमेल एंड मेल चाइल्ड दोनों अडॉप्ट कर सकते हो बोथ कैन बी अडॉप्टेड ठीक है उसके बाद में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए कुछ आपको जिस तरह से ये फीमेल और मेल दोनों चाइल्ड को अडॉप्ट करने की आपको एक लेवरेज uh, दे दी वैसे ही साथ में आपको क्या कर दिया आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया वो इक्कीस साल वाला कि अगर आप एक जेंडर uh, के और अपोजिट जेंडर का बच्चा अडॉप्ट करते हो तो आपको इक्कीस साल का एज गैप रखना पड़ेगा ठीक है तो इसमें अपन देखते हैं अडोप्शन के सेक्शन uh, में आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है

of valid adoption ठीक है रिक्वेस्ट ऑफ वैलिड अडोप्शन में पहला जो बात है वो कहता है द पर्सन अडोप्टिंग हैज दसिटी अडॉप्टर कैपेसिटी या अडोप्टर इज केपेबल कर देंगे इसको ठीक है अडोप्टर इज केपेबल एंड राइटफुल अब दोनों बातें अलग अलग है क्या है दोनों का अर्थ वो अपना समझते हैं इन अडोप्शन हैजेबल कैपेसिटी यानी कि जो अडोप्शन में ले रहा है उसकी भी कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज कर रहा है और जो अडॉप्शन में दे रहा है वो भी कैपेबल होना चाहिए तभी वैलिड ऑप्शन होगा और जिसको आप अडॉप्शन में ले रहे हो द पर्सन अडॉप्टेड इज इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन ठीक है यानी कि जो ले रहा है अडॉप्शन में अगर अगर मैं कल एक बच्चा अडॉप्ट करती हूं तो मुझे मेरी कैपेसिटी चेक करी जाएगी जो मुझे अडॉप्शन में दे रहा है बच्चा उसकी कैपेसिटी देखी जाएगी और जो बच्चा है अडोप्ट हो रहा है उसकी भी कैपेसिटी देखी जाएगी क्या वो बच्चा केपेबल ऑफ बीइंग अडॉप्टेड बींगेन इन अडॉप्शन है या नहीं है ठीक है इन तीनों को एलोबरेट भी करेंगे अपना अभी फिर कहता है चौथा द अडोप्शन इज मेड इन कंप्लाइंस विद अदर कंडीशन एंड कंप्लाइज विद अदर कंडीशन है न, उनको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन सेवन और एट में पहले वाले को सेक्शन नाइन में दूसरे वाले को ठीक है सेक्शन टेन में तीसरे वाले को सेक्शन इलेवन में चौथे वाले को ठीक है का डिटेल बताया गया है अब आप सेक्शन अगर टेन सेक्शन सेवन देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, says, अगर कोई भी व्यक्ति किसी को करना है तो पहली चीज क्या होनी चाहिए दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए ठीक है यहां पे क्या लिखा है अगर हम दो लोग है एक है मेल और फीमेल ठीक है दोनों के लिए पूछा गया है। पहला चीज क्या हो साउंड और मेजर ये बातें दोनों के लिए कही गई है ठीक है ये भी साउंड और मेजर होनी चाहिए अगर कोई महिला या कोई पुरुष बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनके लिए रिक्वेस्ट क्या है कि दोनों साउंड होने चाहिए और दोनों मेजर होने चाहिए अगर कोई व्यक्ति कोई मेल पर्सन अगर बच्चा अडॉप्ट कर रहा है और वो मैरिड है तो उसको अपनी बीवी का कंसेंट लेकर के आना पड़ेगा अपनी बीवी के कंसेंट के बिना वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है अगर वो चाहता है कि उसका हो तो। सेम चीज़ फीमेल के लिए अगर फीमेल मैरिड है तो सिर्फ उसका अडल्ट होना या फिर साउंड माइंड होना जरूरी नहीं है उसको अपने हस्बैंड की कंसेंट भी लेकर के आनी पड़ेगी तभी वैलिड अडोप्शन हो सकता है अब दो शब्द है यहाँ पे केपेबल एंड राइटफुल केपेबल का मतलब होता है कि आपके अंदर कैपेसिटी तो है मैं मेजर भी हूँ और मैं मैं मैं, मे, मैं मेजर भी हूँ और साउंड माइंड की भी हूँ पूरी तो क्या मैं बच्चा अडॉप्ट कर सकती हूँ मैं एक मेल चाइल्ड अडॉप्ट अडॉप्ट क्या मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ ठीक है क्यों नहीं कर सकती मेरे पास ऑलरेडी एक मेल चाइल्ड है अगर आपके पास में सेम जेंडर का बच्चा ऑलरेडी है तो आप सेम जेंडर का बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास एक लड़का है तो आप एक और लड़का अडॉप्ट नहीं कर सकते हो ये पहले कानून था ठीक है तो इसीलिए आप केपेबल तो हो लेकिन आप राइटफुल नहीं हो क्यों क्योंकि बत, जो जेंडर आपको चाहिए था जो जेंडर आप लेना चाह रहे हो ठीक है, है फिर आते हैं है, वो कहा डील किया गया है आपका सेक्शन uh, नाइन के अंदर एंड इट सेज नो पर्सन फादर मदर और गार्जियन कौन लोग बताए गए यहाँ पे अलग पेन सेट हो जाए फादर मदर और गार्जियन ठीक है ये तीन लोग जो है क्या कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अडॉप्शन में दे सकते हैं और कोई अडॉप्शन में नहीं दे सकता है ठीक है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो आप कैपैसिटी और कैपेबल होने में या राइटफुल होने में फर्क है राइटफुल होने का देखो कैपेबल होने का मतलब है मैं मे, मेरे मैं गाड़ी चलाना चाहती हूँ ठीक है मैं 18 साल से ऊपर कीपेबल हूँ मेरे पास में आ, लाइसेंस भी मैंने बनवा लिया अपने लिए तो मैं क्या हो गई मैं केपेबल हो गई लेकिन क्या मैं मेरे फादर की गाड़ी चलाने के लिए राइटफुल हूँ क्यों नहीं हूँ गाड़ी नहीं देना चाहते उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है ठीक है उन्होंने कह दिया तुम्हें हमने हम तुम्हें घर से अपनी जायदाद से निकालते हैं बेदखल कर देते हैं तो मैं उनकी गाड़ी चलाने के लिए राइटफुल नहीं हूँ मैं मेरा अधिकार नहीं है अब उस उसपे ठीक है केपेबिलिटी है मेरे पास लेकिन अधिकार नहीं है समझ आ गया सबको फिर आते हैं अपन अगले पे बोलो रघुवीर क्या डाउट है फिर आते हैं सेक्शन सेक्शन के ऊपर जो है फादर मदर और गार्जियन ये तीन ही लोग आपको अडोप्शन में दे सकते हैं अगर फादर दे रहा है तो फादर और मदर का दोनों का इक्वल राइट right है आपको बच्चा जो है अडॉप्शन में देने के लिए प्रोवाइडेड दैट सच राइट शेल नॉट बी एक्सरसाइज बाय ईदर ऑफ देम Without the consent of the adoption में, तो उन्हें वाइफ का कंसेंट लेकर आना पड़ेगा वाइफ देना चाहती है तो उन्हें फादर का अपने ऐसे अक्सर फैमिलीज में सेटलमेंट देखा ना कि बहन के दो बच्चियां दो बेटियां थी तो और दूसरी उसकी बहन थी उसके नहीं थे बच्चे तो उन्होंने अपनी एक बेटी जाकर के अपनी बड़ी बहन को देना चाहे या छोटी बहन को देना चाहे तो इन सिचुएशन अगर आप ऐसा करना तो आपको हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी बिना परमिशन के आप नहीं दे सकते हो बच्चा अडोप्शन में ठीक है वेयर बोथ फादर एंड द मदर आर डेड और चाइल्ड वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट

उस बच्चे की कैपेबिलिटी की बात हो रही है कौन सा बच्चा है, तो क्या कहता है, है, है हिंदू होना चाहिए अगर हिंदू होगा तो ही अडॉप्ट करवाओगे पंद्रह साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए पंद्रह साल से कम का होना चाहिए तो आप उसे अडॉप्ट कर सकते हो ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए नॉट ऑलरेडी ठीक है कोई और के द्वारा ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक बच्चा अडॉप्ट किसी ने किया है आप ही उसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो वो नहीं होना चाहिए फिर है हैज नॉट बीन ही और हैज नॉट बीन मैरिड और मैरिड नहीं होना चाहिए नॉट मैरिड अगर ये चार चीजें हैं किसी में पंद्रह साल से कम का है हिंदू है अनमैरिड है और साथ ही हुआ है तो आप उस बच्चे को क्या कर सकते, कर सकते। अगर ये सारी हो तो अगर है। है? फिर आते हैं अपन आ, अगले सेक्शन के ऊपर जो है सेक्शन 11 सेक्शन 11 कहता है और, के और दूसरे कंडीशंस जो कि इस एक्ट में बताए गए तो दूसरे कंडीशंस क्या है भाई इसमें यहाँ पर छह कंडीशंस दी हुई है पहला कहता है इफ The 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 adoption is of a son. The adoptive father or the mother by whom the adoption is made must not have a son, son, son or sons, sons, son. यानी कि तीन पीढ़ियों में बेटा नहीं होना चाहिए अगर आप एक बेटा अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपकी तीन पीढ़ियों में बेटा नहीं होना चाहिए और अगर आप एक डॉटर अडॉप्ट uh, करना चाहते हो तो आपकी खुद की कोई बेटी नहीं होनी चाहिए या फिर आपके बेटे की बेटी नहीं होना चाहिए दो जनरेशन तक बेटी नहीं होना चाहिए ठीक है तीसरा कहता है कि अगर आप मेल पर्सन हो और आप एक फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपके और उस बच्चे की उम्र में इक्कीस साल का फर्क होना चाहिए चौथी कंडीशन कहती है कि आप एक फीमेल हो सिंगल फीमेल हो ठीक है और आप एक मेल बच्चा करना चाहते हो तो आपकी उम्र में और उस बच्चे की उम्र में 21 साल का फर्क होना चाहिए फिर कहता है पांचवा कंडीशन द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय टू पर्सन मैं और मेरी बहन चाहे तो हम एक ही बच्चे को अडॉप्ट करके नहीं ला सकते ठीक है सेम टाइम फिर कहता है द चाइल्ड टू बी अडोप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन और टेकन इन अडोप्शन बाई द्जियंस यानी कि आपको एक्चुअल ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने अडोप्ट तो कर लिया है ठीक है आपने कर लिया आप कह रहे हो कि मैंने ना, कि मैंने किया था आश्रम गए कहा मैं अडोप्ट कर रहा हूँ बच्चे को कागजों पे तो ये मेरा बच्चा है लेकिन रखो आप अपने पास ही क्योंकि मैं तो क्या है मैं बहुत इधर उधर बाहर जॉब करती हूँ मैं घर में नहीं रहती हूँ वर्किंग हूँ घर में चार घंटे पांच घंटे रहती हूँ मैं बच्चों को कैसे पालूंगी तो आप ध्यान रखो ऑन पेपर ये मेरी औलाद है तो आप वो नहीं कर सकते हो आपको प्रॉपरली लेके आना पड़ेगा अपने घर पे और जो बच्चा दे जो बच्चा अडोप्ट कर दे अडोप्शन में दे रहा है उसको प्रॉपरली देना पड़ेगा ठीक है Provided that the performance of datta homum shall not be an essential valid, valid validity of adoption यानी कि datta homum क्या है अनकोटिफाइड हिंदू लॉ के अंदर जब भी आप अपने बच्चे को अडोप्शन में देते हो तो मैंने बताया मन ने कहा था ना कि पानी के साथ में एक हवन होगा तो उस पानी के साथ में आपको अपने बच्चे को अर्पित करना पड़ेगा जिस भी फैमिली को आप देना चाहते हो क्या करोगे दोनों पार्टीज बैठी होंगी जिसको आप अडोप्शन में दे रहे हो आप अपनी गोद से अपने बच्चे को उठा करके उस बच, उस दूसरे व्यक्ति की गोद में बिठा दोगे ठीक है तो वो चीज दत्ता होमम जो है वो अगर आप नहीं भी करते हो तो उससे अडोप्शन की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ये आपका सेक्शन इलेवन कहता है फिर आते हैं इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन पे अब इफेक्ट ऑफ क्या सेक्शन 12 कहता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अडॉप्ट करते हो जिस बच्चे को आप अडॉप्ट करके लेकर के आए हो तो उसकी जो बायोलॉजिकल फैमिली के साथ में रिलेशन है ना वो पूरे खत्म हो जाएंगे सीवियर हो जाएंगे मतलब खत्म हो जाएंगे एंड हो जाएंगे और उस फैमिली की यानी कि उसकी बायोलॉजिकल फैमिली में उसका जो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा था वो भी वो क्लेम नहीं कर सकता ठीक है वो प्रॉपर्टी का भी राइट right उसको छोड़ना पड़ेगा सिर्फ वो उसी प्रॉपर्टी में हिस्सा रख सकता है जो कि उसको अडॉप्शन से पहले मिल चुकी है ऑलरेडी ठीक है अगर कोई प्रॉपर्टी जो उसको अडॉप्शन से पहले ही मिल चुकी है तो वो प्रॉपर्टी वो ला सकता है उसके अलावा प्रॉपर्टी में वो नहीं मांग सकता अधिकार साथ ही में अब जिस परिवार में अडॉप्ट होकर के आया है उन परिवार वालों के लिए क्या दायित्व रहेंगे तो भाई जो दायित्व एक बायोलॉजिकल uh, बच्चे के होते हैं अपने माँ बाप के प्रति ठीक है वही दायित्व इस अडोप्टेड बच्चे के होंगे अपने अडोप्टेड पेरेंट्स के प्रति भी ठीक है अब इसके साथ में लिखा हुआ है कि भले ही आप अडोप्शन में आ गए ठीक और आपका अपनी नेचुरल फैमिली के साथ में रिश्ता खत्म हो चुका है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से शादी कर ले जिससे आप तब नहीं कर सकते होते जब आप अपनी नेचुरल फैमिली का हिस्सा होते यानी कि अगर मैं तोमर हूँ मैं जिस मैं अगर अडॉप्ट होकर कल किसी और फैमिली में चली जाती हूँ तो उसका अर्थ ये नहीं निकलेगा कि इस तोमर परिवार में मैं जिन लोगों से शादी नहीं कर सकती थी मैं उनसे अब शादी कर लू ठीक है वो नहीं होगा जो रिलेशनशिप्स यहाँ प्रोहिबिटेड थी मेरी नेचुरल फैमिली में वो मेरी अडॉप्टेड फैमिली में जाने के बाद भी प्रोहिबिटेड ही रहेंगे ठीक है चलो फिर आता है आपका सेक्शन थर्टीन सेक्शन थर्टीन भी इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन uh, फिफ्टीन देखो सेक्शन फिफ्टीन इंपॉर्टेंट है सेक्शन वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। नो अडॉप्शन कैन बी कैंसल्ड और रिवोक्ड। बाई दिव फादर और मदर ऑफ और एनी अदर पर्सन नॉर कैन द अडोप्टेड स्टेटस एज सच एंड रिटर्न टू द फैमिली ऑफ हिज बर्थ यानी कि अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट करके लाया है तो आप अपना जो अडोप्शन है उसको विड्रॉ नहीं कर सकते आप एक बार अडॉप्ट करके ले आए तो फिर रखना ही पड़ेगा ठीक है इसलिए सोच समझ के अडॉप्ट करो आप बाद में उस बच्चे को छोड़ नहीं सकते और ना ही वो बच्चा उस स्टेटस से डिराइ कर सकता है वो बच्चा भी विड्रॉ नहीं कर सकता वो बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि मैं अब इनके साथ नहीं मैं अपनी नेचुरल फैमिली में जाना चाहता हूँ ठीक है अगर ये प्रोसेस अडोप्शन का हुआ है तो इट इज अ परमानेंट प्रोसेस ठीक है क्या डाउट है रघुवीर यू कैन अडोप्ट चाइल्ड इफ यू वॉन्ट टू इफ यू हैव द कैपेसिटी बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है आप बेरोजगार हो तो बेरोजगार को नहीं मिलता बच्चा ठीक है रोजगार होना जरूरी है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए आपके पास में आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए बच्चा पाल पाने के लिए अदरवाइज आपको बच्चा नहीं मिलता अडॉप्शन में फिर आते हैं अपन सेक्शन uh, फिफ्टीन देख लिया अपन ने ठीक है यहां तक यही इंपॉर्टेंट है सेक्शन सेवेंटी एक और है जो प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट्स की बात करता है ठीक है और एक सेक्शन थर्टीन इंपॉर्टेंट है जो कहता है राइट ऑफ पेरेंट्स टू डिस्पोज नहीं नहीं ये ओके दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है सेक्शन 13 इज नॉट इंपोर्टेंट सेक्शन सेवेंटीन और देख लो जो तो प्रोहिबिट करता है अडोप्शन के बदले में कोई भी पेमेंट लेने या देने के लिए ठीक है आप कभी बच्चे के बदले में कोई पेमेंट नहीं लोगे ना ही कोई पेमेंट दोगे फिर अपन आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप का ठीक है माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे पहले तो माइनर क्या होता है गार्जियनशिप क्या होती है गार्जियनशिप कितने प्रकार की होती है माइनर कौन है 18 साल की उम्र जिसने नहीं अभी तक आ, जिस जो 18 साल का नहीं हुआ है वो आपका माइनर है ठीक है उसके बाद में दूसरी चीज है गार्जियनशिप क्या होती है तो भाई जब भी हम किसी के सानिध्य में किसी को रखते हैं या किसी के सानिध्य में रहते हैं तो उस व्यक्ति जिसके सानिध्य में हम रह रहे हैं वो हमारा गार्जियन होता है जो हमारा ध्यान रख रहा है हमें पाल रहा है हमारी बेसिक नेसेसिटीज का ख्याल रख रहा है वो हमारा क्या होता है गार्जियन होता है ठीक है गार्जियन कई तरह का होता है गार्जियन के कई सारे टाइप्स बताए गए हैं जिनमें से सेक्शन फोर शायद है इसका खोलोगे आप तो आपको वहां पर गार्जियन के टाइप्स मिल जाएंगे ठीक है उसके अलावा भी इस एक्ट में जो गार्जियन के टाइप्स दिए हुए उनके अलावा और कुछ फॉर्म्स ऑफ गार्जियंस हैं जो हम रिकोगनाइज करते हैं डायरेक्टली नहीं करते हैं इनडायरेक्ट वे में करते हैं ठीक है क्या क्या फॉर्म्स हैं वो गार्जियंस के पहले पहला है हमारा नेचुरल गार्जियन ठीक है जो कि दिया हुआ है जब देखोगे में बी में का दिया हुआ है 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 और कहता है, पहला टाइप है, क्या है? दूसरे तरीका का गार्जियन जो है वो कहता है अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर जब भी माता या पिता बच्चे के विल के द्वारा एक गार्जियन अपॉइंट करते हैं उसे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हैं सेकंड में में टू लेते और उसे टेस्टमेंटरी गार्जियन कहते हैं वर्ड टेस्टमेंटरी गार्जियन यूज नहीं हुआ है लेकिन क्यों हम कह रहे हैं टेस्टमेंटरी गार्जियन क्योंकि हमने कैसे अपॉइंट किया है इसको विल के द्वारा ठीक है बच्चे के पेरेंट्स विल के द्वारा जब बच्चे कोई गार्जियन अपॉइंट करके जाते हैं तो उसको टेस्टमेंट्री गार्जियन कहा जाता है ठीक है फिर तीसरा है गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय दी कोर्ट ठीक है डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट चौथा है आपका एनी पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड एज अ गार्जियन या फिर एम्पावर्ड बाय एन अलाटमेंट एम्पावर्ड है? फिर आपका आता है अगला प्रकार जो है जो कि आपके इसमें, देखा फोर में लिखी हुई हैं लेकिन इसके अलावा भी और तरीके के गार्जियन हैं ठीक है क्या है डिफेक्टो एडहॉक एंड बाय एफेनिटी ठीक है क्या हो गया डिफेक्टो hoc एंड

गार्जियन चाहिए अब माइनर का ध्यान आप दो तरीके से रखोगे एक उसके पर्सन का पर्सन यानी कि उसके शरीर का खुद माइनर का मैं अगर मान लो माइनर हूं तो मेरा ख्याल रखने के लिए एक व्यक्ति चाहिए दूसरा मेरी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है जो मुझे अपने माँ बाप से मिली है या कहीं से भी मिली है किसी भी तरह से नाना नानी दादा दादी से मिली है तो उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के लिए मुझे कौन से गार्जियन चाहिए मैं तो फैसले ले नहीं सकती हूँ मेरे द्वारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता सब कुछ वॉइड हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए मेरे मेरा और मेरी प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के लिए गार्जियन का कॉन्सेप्ट हमने रिकॉग्नाइज किया है तो जब तक आप माइनर रहते हो तब तक अगर हम नेचुरल गार्जियन की बात करें तो अगर एक माइनर के केस में नेचुरल गार्जियन कौन होगा उसके फादर जो है वो हो जाएंगे उसके नेचुरल गार्जियन अगर कोई बच्चा है या कोई लड़का है या कोई अनमेरिड गर्ल है माइनर बॉय या फिर माइनर अनमेरिड गर्ल द फादर विल बी नेचुरल गार्जियन पहला प्रायोरिटी किसको है फादर ठीक है उसके बाद मदर फादर के बाद मदर है अच्छा फादर के बाद का अर्थ ये नहीं है कि उनके मरने के उपरांत फादर के बाद मतलब इन द ऑफ फादर इन ऑफ द फादर मतलब वर्ल्ड रेनाउंस कर दें ध्यान ना रखें बच्चे का ठीक है ये बहुत बीमार है ध्यान रखने के लिए काबिल नहीं है तो इन दैट सिचुएशन इट विल बी मदर ठीक है सो पहले फादर फिर मदर फिर है दूसरा सिचुएशन जहां पर इन केस ऑफ इन बॉय और इन अनमैरिड गर्ल जब भी ये लेजिटिमेट बच्चे हैं ठीक है रुको मैं यहां लिख देती हूं लेजिटिमेट बॉय और अनमैरिड अनमैरिड डॉटर कौन होगा फादर आफ्टर हिम मदर लेकिन अगर ये दोनों पांच साल से कम उम्र के हैं ना पांच साल तक के हैं पांच साल कम के तो फिर मदर के पास कस्टडी रहेगी ठीक है कस्टडी मदर के पास रहेगी गार्जियन नेचुरल गार्जियन तब भी फादर ही रहेंगे लेकिन कस्टडी माँ के पास होगी फिर आते हैं दूसरे पे इन है इनलेजिटीमेट चाइल्ड है ठीक है क्या है इट इज एन इलेजिटिमेट बॉय और इनलेजिटीमेट अनमेरिड डॉटर तो कौन इसका नेचुरल गार्जियन होगा फर्स्ट प्रायोरिटी मदर को दी जाएगी और मदर के बाद फिर फादर होंगे ठीक है और सेम चीज है कि भाई कस्टडी तो मदर के पास ही होनी है पहले वाले में तो फर्स्ट क्योंकि फादर को प्रायोरिटी राइट में दी गई है लेकिन बच्चा पांच साल से कम का इसलिए क्लियरली बताया गया है कि कस्टडी किसके पास होगी माँ के पास होगी हो और में बच्चा तो वैसे ही मां के पास कस्टडी में रह रहा हो इसलिए वहां स्पेसिफिक नहीं बताया है अगर मैरिड गर्ल है मैरिड गर्ल आज ये याद रखना कि की माइनर की बात हो रही है सिर्फ मैरिड माइनर गर्ल तो किसके पास होगी हस्बैंड के पास में होगी गार्जियनशिप हस्बैंड जो है वो नेचुरल गार्जियन माना जाएगा ठीक है प्रोवाइड नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इफ ही हैज सीज टू बी अ हिंदू और ही हैज कंप्लीटली अ फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड बाय बिकमिंग अ हर्मिट और एन एसेटिक सन्यासी वगैरह ठीक है and 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 in this section, uh, and in section, section the expression father father, mother mother, do not include natural natural husband आपने वो दिया है ना status दिया है ये सिर्फ तब तक है जब तक वो हिंदू रहे अगर वो हिंदू नहीं रहते किसी दिन या फिर आपका वर्ल्ड renounce कर देते हैं सोशल ऑर्डर renounce कर देते हैं रिलीजन renounce कर देते हैं तो उस दिन से क्या हो जाएगा वो आपका नेचुरल uh, गार्जियन की पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं बचेंगे साथ ही में ये कहता है कि जब हम यहाँ मदर फादर की बात कर रहे हैं तो स्टेप मदर और स्टेप फादर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे ठीक है दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टेप मदर और स्टेप फादर अब नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अ सन ऑफ अडोप्टेड सन क्या हो जाएगा अगर कोई बच्चा अडोप्टेड है तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन कहलाएगा तो जो अडोप्टिड फादर है

गार्जियन बन जाएंगे उसकी ऑटोमेटिकली ठीक है फादर के खत्म होते ही फादर की डेथ होते ही फादर की विल नहीं मदर ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है गार्जियन बन जाती है लेकिन अगर फादर भी मर चुके हैं और मदर भी मर गई है तो फिर फादर की विल देखी जाएगी ठीक है और अगर फादर कोई विल नहीं लिख करके गए हैं तो मदर की विल देखी जाएगी ठीक है चलो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट है डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट अब कोर्ट कब डिक्लेयर करेगा तो कोर्ट जो है आपका ऑर्डर थर्टी टू ऑर्डर थर्टी टू ऑफ सी पी सी ऑर्डर थर्टी टू ऑफ सीपीसी में अपॉइंट कर सकता है किसी को आ, आपका गार्जियन ठीक है साथ ही में आपका आ, और क्या था आपका गार्जियन एंड वॉज एक्ट

वर्च्यू ऑफ यू बी लिविंग विदिंग केयर ऑफ योर है, जो कुछ ऐसी करता है बिना किसी अथॉरिटी के सिर्फ क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो तो वो डिफेक्टिव गार्जियन हो जाता है फिर आते हैं guardian, जो पर, का मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस तो जब भी किसी एक पर्पस के लिए किसी को अपॉइंट किया जाए या कोई व्यक्ति गार्जियन की तरह एक्ट करे तो वो आपका गार्जन हो जाता है। फिर आते हैं एफिनिटी तो, तो बाय एफिनिटी मतलब जब किसी की शादी होती है तो उसके हस्बैंड के तरफ के जो रिलेटिव होते हैं जो लॉज वगैरह उसके शादी की वजह से जो उसके रिलेशन क्रिएट हुए हैं उन रिलेशन को हम रिलेशन ऑफ एफिनिटी कहते हैं और अगर फादर यहाँ पर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके फादर इन लॉ जो है ना वो उसकी गार्जियन बाय एफिनिटी बन जाएंगी ठीक है, है तो ये सब चीजें हैं लॉ जो है आपका एक्ट वो इन चार को रिकॉग्नाइज करता है इन तीन को रिकॉग्नाइज नहीं करता लेकिन डी फैक्टो गार्जियन के बारे में कुछ तो भी कहता है जिससे पता चलता है कि डी फैक्टो गार्जियनशिप भी रिकोगनाइज है ठीक है क्या कह रहा है अपन वो एक बार देख लेंगे

या फिर उसकी प्रॉपर्टी के उसकी जो भी चीज वो ओन कर रहा है उसके बेटर रियलाइजेशन के लिए है ठीक अगर उनको लगता है कि यार इस इस बच्चे बच्चे का एक इस बच्चे को इसके दादाजी ने एक शॉप इस, इसके नाम कर दी थी तो उस शॉप को अगर हम ऐसे रख देंगे तो वो खंडर हो जाएगी क्यों ना हम इसको लीज पे चढ़ा दे तो वो वो कर सकते हैं ठीक है थीके? थीके? लेकिन साथ में कुछ कंडीशन दी हुई है क्या कहता है द नेचुरल गार्जियन शेल नॉट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट मॉर्गेज चार्ज और ट्रांसफर बाय सेल गिफ्ट और एक्सचेंज अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर यानी कि माइनर की प्रॉपर्टी नेचुरल गार्डियन भी क्या नहीं कर सकता किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता किसी को ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकता है या फिर कोर्ट की परमिशन के बिना कोर्ट की परमिशन नहीं कर सकता है फिर आता है शेल नॉट लीज एनी प्रॉपर्टी एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग फाइव ईयर यानी कि लीज पे तो दे सकते हो लेकिन अगर पांच साल से अधिक समय के लिए लीज पे देना चाहते हो तो फिर कोर्ट की परमिशन लेकर के आना पड़ेगा ठीक है चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन पे नेक्स्ट सेक्शन इसका है सेक्शन इलेवन सेक्शन इलेवन कहता है डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद माइनस प्रॉपर्टी इसका मतलब ये गार्जियनशिप को आप क्या कह रहे हो

आप नेचुरल गार्जियन है फादर है जो वो वो नेचुरल गाइडन। लेकिन फिर भी हम बच्चे की कस्टडी जो है मदर को देंगे या हम कस्टडी मदर को प्रायोरिटी देंगे ऊपर क्यों देंगे क्योंकि बच्चे का भला जो है वो हमें ज्यादा ध्यान देना है एक्ट कहता है सेक्शन थर्टीन में कि बच्चे का वेलफेयर हमारा पैरामाउंट इंटेंशन है तो अगर बच्चे का वेलफेयर आपका पैरामाउंट इंटेंशन है तो आप चाहे तो ये जो बातें लिखी हुई हैं इसके विपरीत भी कुछ कर सकते विपरीत एज एन बच्चा आपका मेजर आप, आपका बच्चा है माइनर है पांच साल से ऊपर का है लेकिन फिर भी उसकी कस्टडी उठा करके आप माँ को दे सकते हैं बच्चे की कस्टडी माँ के पास ही रहने दे सकते हैं या फिर नेचुरल गार्जियनशिप में प्रायोरिटी माँ को दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि इससे बच्चे का बच्चे की बेहतरी होगी तो या फिर आपको लगता है कि बच्चा पांच साल का है जरूर पांच साल से कम का जरूर चार साल का बच्चा है लेकिन बच्चा माँ के साथ रहेगा तो बच्चे के लिए ठीक नहीं है माँ

ठीक है चलो इसी के साथ में हमारा माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट भी क्या होता है खत्म होता है अब हमारे पास आता है एक अगला एक्ट एक्ट जो सक्षेशन का. सक्षेशन का जो कि है है सक्सेशन सक्सेशन का का उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ उसमें देखेंगे क्योंकि बहुत सक्सेशन बहुत बड़ा है आ, हम उसको आ, बहुत कम टाइम में खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसके जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं ठीक है सक्सेशन में आ, आपको बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगे विजय आप जो इनकी बुक्स आती है ना थियोरी की बुक्स जो हम कॉलेज वगैरह में रेफर करते हैं आप उनमें जाकर के देख सकते हो उन बुक्स में आपको मिल जाएगा कंटेंट ठीक है अब जब भी हम सक्सेशन uh, की बात करते हैं तो दो तीन शब्द हैं जो दिमाग में आते हैं एक आता है एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक आता है कोपार्शनरी ठीक है तीसरा आता है हमारे दिमाग में सर्वाइवरशिप और सक्सेशन ठीक है सर्वाइवरशिप क्या है सक्सेशनशिप क्या है इंटरस्टेट सक्सेशन हमारे दिमाग में आता है ठीक है पार्टीशन हमारे दिमाग में आता है अब देखो प्रॉपर्टी दो तरह की है एक है आपकी एंसेस्ट्रल और दूसरी है आपकी सेल्फ अक्वायर्ड सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई और एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या हो गई एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो वो हो गई जो आपको आपके पूर्वजों से मिली है ठीक है आपका कोई पुश्तैनी घर है मूवीज में देखा है आपने पुश्तैनी कंगन है वो हो गया आपका क्या एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है मैं एज अ फैकल्टी यहाँ पढ़ाती हूँ मुझे जो सैलरी मिलती है उसकी वजह से मैंने जो भी अपने लिए एसेट क्रिएट किया है वो मेरी सेल्फ अक्वायड प्रॉपर्टी हो गई तो अब एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो क्या होता है कि अगर एक पिता के चार बच्चे हैं ठीक है थीके? सन है सन है डॉटर है डॉटर है ठीक है तो ये चारों को प्रॉपर्टी इक्वली मिलेगी क्योंकि ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है लेकिन अगर इस बच्चे की ये जो एस वन है इस एस वन की कोई सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो क्या वो इन सबको मिलेगी नहीं मिलेगी ठीक है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं लगेगा सिर्फ और सिर्फ पुश्तैनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लगेगा मान लो आपका एक पुश्तैनी पुश्तैनी घर, घर के साथ में आपने एक जमीन खरीदी प्लॉट खरीद लिया बगल में अब आपके दो भाई थे आपके पापा थे और आपके चाचा थे ठीक है चाचा थे दोनों के पास में एक पूरा इतना बड़ा प्लॉट था पूरा घर था सॉरी ठीक है पूरा का पूरा आपके पास में एक हाउस था इसके अलावा ये बगल में एक प्लॉट था जो आपके पापा ने खुद से कि भी भी गले पे बैठते हैं लेकिन भाई दोनों अपना अलग अलग भी तो, मतलब उसी में से अपना घर चला रहे उसी में से कुछ पैसा उनने अपने पास सेव करके भाई दादाजी थे यहाँ पे दादाजी क्या करते थे उसी जो गले में से पैसा आता तो था मान लो गले में पचास रुपए आया है ठीक है उस पचास में से जो भी और सामान लाने के लिए दुकान में या जो भी बिजनेस है उसमें और इन्वेस्ट करने के अलावा जो अमाउंट बचता है उसको बांट देते हैं अब इस 50 में से चाचा जी ने ने तो उड़ा दिया पैसा पापा ने आपके एक प्लॉट खरीद लिया यहीं पर ठीक है अपने पुश्तैनी घर के बगल में ही एक और प्लॉट खरीद लिया उन्होंने कहा मैं यहाँ पर जो है एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा या एक गार्डन बनाऊंगा या कुछ भी करूंगा ठीक है तो अब कल को जब पार्टीशन होगा ना तो आपके पापा और चाचा इस घर का हिस्सा तो मांगेंगे इस घर के होंगे कितने दो हिस्से एक जाएगा आपके पापा को और एक जाएगा आपके चाचा को लेकिन ये जो आपने सेल्फ अक्वायर किया है ना इसमें से चाचा को कुछ नहीं मिलने वाला ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास में रहेगा ठीक है तो सक्सेशन हमेशा एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है सेल्फ प्रॉपर्टी का सक्सेशन नहीं होता है है ठीक पहली बात ये अब एक कॉन्सेप्ट जो अपना आया एच यू एफ एचयू एफ क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या है इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली अरेंजमेंट वेयर एवरी मेंबर इज अ लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द कॉमन एंसेस्टर लीनियल डिसेंडेंट मतलब एक के बाद एक ऐसे चलने वाला ठीक है लीनियल ठीक है लीनियल इसे कहते हैं कि नीचे ऊपर से नीचे की तरफ को चलने वाला लीनियल डिसेंडेंट है ठीक है लीनियल डिसेंडेंट एज इन दादाजी दादाजी के बच्चे आपके पापा आपके पापा के बच्चे आप आपके बच्चे या आपकी बेटा बेटी जो भी है ठीक है तो ये आपका लीनियल डिसेंडेंट होगा तो जब ये सारे लोग एक साथ को आप कंपाइल करोगे तो ये आपका हिंदू ज्वाइंट फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाता है ठीक है क्या हो गया जैसे मान लो यहाँ पे ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मानो ठीक है यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फिर हो गए आपके ग्रैंड फिर हो गए आपके फादर फिर हो गए आप खुद सन फिर हो गया सन सन ठीक ठीक है है फिर हो गया इस संस, 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 है? तो अब अगर हम बात करें तो ये पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ठीक है ये पूरी की पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है अब कोपार्शनरी की अगर बात करें तो ये जो तीन जनरेशन है ना दीज थ्री जनरेशन विल बी कॉल्ड दी हिंदू Uh, नहीं तो जो आगे की जो जनरेशन प्रॉपर्टी में राइट right क्लेम कर सकती है उन्हें हम कोपार्शनरीज मान रहे हैं पहले 2005 से पहले कोपार्शनरी सिर्फ मेल्स हो सकते थे 2005 के बाद में फीमेल्स को भी क्या मान लिया गया है कोपार्शनरी मान लिया गया है ठीक है अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट जो कहता है आपका

अगर आप किसी मेल से अगर कोई दो लोग या चार लोग किसी एक मेल से कनेक्टेड है ठीक है सिर्फ मेल की वजह से कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से जैसे मेरे पापा की फैमिली से अगर मैं किस तरह से कनेक्टेड हूँ हम एक मेल की वजह से कनेक्टेड है बाकी सारे लोग तो विल बी कि आप पूरे के पूरे होली थ्रू यू आर कनेक्टेड बाय ब्लड और बाय एडोपन ठीक है और कॉग्नेट कब हो जाएगा

और मदर ठीक है मदर वन इसी के दो बच्चे हैं इन्हीं दोनों के मतलब दो बच्चे हैं इन दोनों के सन वन एंड सन टू है तो ये क्या होगा ये फुल ब्लड हो गए, गए. यानी कि अभी ए, एक आ, मैं और मेरा भाई क्योंकि हम एक ही पेरेंट्स की औलादे हैं दोनों हमारे मम्मी और पापा दोनों सेम है तो हम फुल ब्लड हो गए ठीक है हम वे आर रिलेटेड बाय फुल ब्लड हाफ ब्लड कौन हो जाएगा कि फादर तो सेम है फादर तो एफ बन ही है लेकिन एक बच्चे की मम्मी एम वन है एक बच्चे की मम्मी एम टू है ठीक है तो इन दैट सिचुएशन ये वाला बच्चा जो सन वन है और ये वाला बच्चा जो सन टू है ये आपस में एक दूसरे से हाफ ब्लड से कनेक्टेड है यानी कि जब माए अलग अलग होंगी तो हाफ ब्लड होगा जब दोनों सेम होंगे फादर और मदर दोनों सेम होंगे तो फुल ब्लड होगा और यूट्राइन ब्लड क्या होता है कि मदर तो सेम है मदर सेम है लेकिन एक बच्चा फादर वन का है और एक बच्चा फादर टू का है ठीक है अगर आपको इसका समझना है ना एक बार शाहिद कपूर की फैमिली देख लो शाहिद कपूर की फैमिली परफेक्ट एग्जाम्पल है, है शाहिद कपूर की मम्मी ने दो शादियां करी पहली शादी पंकज कपूर से जो ऑफिस ऑफिस में आते थे वो हुए शाहिद कपूर ठीक है दूसरी शादी उन्होंने करी मैं एक्टर का नाम नहीं जानती एक्टर है वो भी उनसे शादी करी उनसे हुए ईशान खट्टर ईशान खट्टर और शाहिद कपूर आपस में क्या है यूट्राइन ब्लड दे आर कनेक्टेड टू इच अदर बाई यूट्राइन ब्लड क्यों क्योंकि मम्मी सेम है पापा अलग अलग है ठीक है अब आते हैं अपन शाहिद कपूर की सिस्टर के ऊपर और शाहिद कपूर के ऊपर शाहिद कपूर की एक बहन है पंकज कपूर की दो बीवियां हैं ठीक है थीके? एक तो थी जो शाहिद कपूर की मम्मी है दूसरी है जो कि हंसा बनती थी एक खिचड़ी सीरियल जाता था उसमें हंसा बनती थी ठीक है तो उनके सम पाठक आई डोंट रिमेम्बर अ नेम ठीक है तो शाहिद कपूर के फादर पंकज कपूर ने दो शादियां करी उस दूसरी शादी में से उनकी एक डॉटर हुई ठीक है उस डॉट वो डॉटर और शाहिद कपूर आपस में क्या हो जाएंगे हाफ ब्लड हो जाएंगे क्योंकि फादर सेम है मदर अलग अलग है और अगर फादर और मदर दोनों ही सेम है तो आप क्या हो जाओगे यू आर देन फुल यू आर कनेक्टेड बाय फुल ब्लड ठीक है ये तीन चीजें हो गई अब ये क्यों समझना जरूरी है क्योंकि जब सक्सेशन की बात होती है तो किसी को प्रायोरिटी किसी को डिसेबिलिटी दी गई है यहाँ पर ठीक है किसी को आपने प्रायोरिटी दिया है सक्सेशन में किसी को आपने बाद में सक्सेशन का राइट दिया हुआ है साथ ही में अब अगर हम सेक्शन सिक्स देखें इसका ठीक है एक बार सेक्शन सिक्स अगर आप लोग खोलोगे तो सेक्शन सिक्स कहता है डेवल्यूशन ऑफ को कोपार्शनरी प्रॉपर्टी एक बार सब लोग सेक्शन जो जिनके पास पास है एक बार सेक्शन सिक्स को रेफर कर लो सेक्शन सिक्स आपका कहता है डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्शनरी प्रॉपर्टी अब इस डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए डेवल्यूशन के लिए दो तरीके बताए हुए हैं ठीक है डेवल्यूशन के दो तरीके क्या दिए गए हैं सेक्शन सिक्स डेवोल्यूशन ऑफ कोपार्शनरी प्रॉपर्टी ठीक है प्रॉपर्टी जो है दो तरीके से डिवोल्यूट हो सकती है डिवोल्यूट होने का मतलब ट्रांसफर होना पहला तरीका क्या है सर्वाइवरशिप सरवाइवर Survivor. शिप और दूसरा तरीका है सक्सेशन सक्सेशन और सर्वाइवरशिप में क्या अंतर है वो अपन एक बार देख लेते हैं एक इलिस्ट्रेशन से अगर मान लो कि ग्रैंडफादर हैं है grandfather के फादर ही हां चलो ग्रैंडफादर मानो ठीक है ग्रैंडफादर हैं है grandfather ने आपके फादर को प्रॉपर्टी दी और अब आप तीन सन हो ठीक है तीन बच्चे हैं तो सर्वाइवरशिप कहता है कि जो जो लोग जिंदा है ना उनका इक्वल वो होगा इक्वल उनका क्या होगा शेयर uh, होगा प्रॉपर्टी में यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी है तो वो जब ग्रैंडफादर ट्रांसफर करेंगे नीचे तो ये प्रॉपर्टी वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर यानी कि उस प्रॉपर्टी के कितने हिस्से लगेंगे ग्रैंडफादर का जो प्लॉट था उसके चार हिस्से लगेंगे एक आपके फादर के हिस्से में आएगा एक फादर के सन वन के आएगा सन टू के आएगा सन थ्री आएगा यानी कि आप तीन भाइयों में इस तरह से बट जाएगा लेकिन आपका सक्सेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर यहां ग्रैंड फादर है और इन्होंने कोई प्रॉपर्टी फादर को ट्रांसफर करी है तो वो प्रॉपर्टी जब फादर की डेथ हो जाएगी तो फिर वो प्रॉपर्टी वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड करके बटेगी यानी कि इनकी डेथ के बाद में वो प्रॉपर्टी का एक तिहाई हिस्सा तीनों को मिलेगा सर्वाइवरशिप आपका सर्वाइवरशिप जो है जो लोग जिंदा है उन सब का हिस्सा लगा देती है वेरेज सक्सेशन जो है वो खत्म होने के बाद में किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद में उसका हिस्सा लगाता है यानी कि इनका हिस्सा नहीं है फादर ने पूरा का पूरा एक प्लॉट आपके फादर को ट्रांसफर कर दिया ग्रैंड फादर ने अब ग्रैंडफादर फादर उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे कि उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा आपको दे दे मान लो ये है प्लॉट ठीक है तो इसका एक हिस्सा आपको दे दिया एक हिस्सा आपके भाई को दे दिया सन वन को दे दिया सन टू को दे दिया सन थ्री को दे दिया यानी कि खुद का हिस्सा नहीं लगेगा वहां पर सिर्फ जो बच्चे हैं तीन तीन जो उनको सक्सेस करने वाले हैं उनका तीन का हिस्सा लगेगा ठीक है तो ये सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है आपका और ये आया टू थाउजेंड फाइव के बाद में यानी कि या फिर इसको आप ऐसे भी एक तरह से देख सकते हो कि मान लो फादर है उनके दो बच्चे हैं सन वन सन टू ठीक है फिर सन वन के तीन बच्चे हैं सन वन सन टू सन थ्री यहां पर वापस सन वन डॉटर वन ठीक है तो अब अगर हम सर्वाइवरशिप फॉलो करते तो क्या होता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ हिस्से लग जाते प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी वन बाई एट वन बाई एट वन बाई एट, बा एट सब में डिवाइड हो जाती लेकिन अगर हम सक्सेशन फॉलो करेंगे तो ये प्रॉपर्टी में फादर ने अपनी प्रॉपर्टी का अपने पूरे प्लॉट का एक एक हिस्सा दे दिया इनको आधा आधा तो इनको मिला आधा इनको मिला आधा ठीक है अब इस आधे में से ये अपने इन बच्चों को देंगे ठीक है समझ में आया ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि जो हिस्सा फादर से इनके पास आएगा ना इनके पास सिर्फ उसी हिस्से में से वो अपना दे सकते हैं उनके पास जो आधा आ गया है अब उनको अपने इस आधे हिस्से में से तीन पार्ट लगाने पड़ेंगे ठीक है यानी कि सन वन के पास ये हिस्सा अगर आया है तो अब सन वन को इसी हिस्से के तीन हिस्से लगाने पड़ेंगे और अपने तीनों बेटों को देना पड़ेगा और यहाँ पर सन टू के पास में अगर एक हिस्सा है और उसके दो बच्चे हैं तो उसको अपना एक हिस्सा सन वन और एक हिस्सा अपनी डॉटर वन को देना पड़ेगा ठीक है ये आपका सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट है 2005 के पहले हम ये फॉलो कर रहे थे टू का अमेंडमेंट आने के बाद में हमने इसको फॉलो किया ठीक है और जो पूरा आपका सक्सेशन एक्ट है वो बेसिकली इंटरस्टेट सक्सेशन की बात करता है इंटरस्टेट सक्सेशन एज इन अगर कोई भी व्यक्ति अपनी विल लिखे, बिना मर जाता है या अपना ये ये बताना आ, ये बताए बिना उसकी डेथ हो जाती है कि वो किसको अपनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी किसके नाम तो उन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके बारे में कहा गया ठीक है तो आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बिना किसी के नाम करे बिना विल में लिखे खत्म हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी अगर उसके दो बच्चे हैं तो दोनों में आधी आधी विभाजित हो जाएगी ठीक है और फिर उनके जितने भी बच्चे होंगे

शेल डेवलप शल डिंग टू दोविजन फर्स्टली अपॉन दी हेलेटिविफाइड इन क्लास वन यानी कि देखो अब इसके लिए ना शेड्यूल बनाए हुए हैं ठीक है और शेड्यूल्स क्या कहते हैं आपके शेड्यूल वन कहता है शेड्यूल के अंदर क्लासेस दी हुई है क्लास वन रिलेटिव क्लास टू रिलेटिव ठीक है तो ये क्या कह रहा है कि जब भी किसी मेल की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी तो एक जनरल रूल लिखा हुआ है सेक्शन आठ में कि से भाई सबसे पहले आप क्लास वन वाले रिलेटिव को प्रॉपर्टी दोगे अगर वो नहीं है तो फिर क्लास टू वाले रिलेटिव को दोगे ठीक है क्लास वन क्लास टू क्या है ये आप लोग एक बार शेड्यूल में जाकर के देख लेना में खोल करके ठीक है अन्य रिलेशन है वो मेरे समझाने समझ आएंगे नहीं खुद पढ़ोगे समझ आ जाएंगे क्लास वन बता देती हूँ क्लास वन में वाइफ आ जाती है डॉटर आती है सन आता है ठीक है और सन सन आता है शायद से है ना एक बार फिर भी चेक कर लेना फिर आते हैं अपन फिर अगर क्लास वन कोई नहीं है कोई भी अगर आपका क्लास वन रिलेटिव नहीं है तो फिर क्लास टू जाएगा और अगर क्लास टू वाला रिलेटिव भी नहीं है नो हेयर इन द द द क्लास देन अपॉन एग्नेट्स दे ऑफ एग्नेट मतलब वो लोग जो एक ही पिता की वजह से या एक ही मेल असेंडेंट की वजह से कनेक्टेड है ठीक है तो आप एग्नेट्स के पास और कोई अगर एग्नेट भी नहीं है तो फिर कॉग्नेट के पास जाएगी ठीक है सबसे पहले क्लास वन फिर क्लास टू

साइमिलेनियस टेक साइमिल एंड टू दूसर सबसे पहला क्या कहता है कि क्लास वन में जो लोग दिए हुए ना आपकी वाइफ बता दी डॉटर बता दी सन बता दिया इनको तो एक बार में प्रॉपर्टी डाइवर्ट हो जाएगी ठीक है यानी कि अगर एक प्लॉट है तो इसके चार हिस्से लगेंगे चारों को हाथों हाथ यहाँ मिल जाएंगे ठीक है क्लास वन के बीच में साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी बढ़ती है क्लास टू के लिए कहता है कि क्लास टू में भी दो तरह की एंट्रीज है एंट्री वन और एंट्री टू शेड्यूल खोल के एक बार देख लीजिएगा ठीक है तो अगर शेड्यूल एंट्री वन की बात शेड्यूल आप क्लास टू में जाओगे तो क्लास टू में जब आपको अगर प्रॉपर्टी देनी है तो पहले एंट्री वन वालों को दोगे फिर एंट्री टू वालों को दोगे ठीक है फिर आते हैं अपन सैलरी प्रेफर्ड एंड दोज इन देंड एंट्री शैल बी प्रीफर्ड ओवर दी थर्ड एंट्री और सेकंड एंट्री वालों को थर्ड एंट्री वालों के ऊपर प्रिफेंस हो अगर सेकंड एंट्री वाले भी नहीं है तो फिर थर्ड एंट्री वालों को दे दो ठीक है ये आपका सेक्शन नाइन कहता है उसके बाद आते हैं अपन सेक्शन uh, टेन के ऊपर ठीक है सेक्शन टेन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग ऑफ क्लास वन और शेड्यूल बताता है कुछ रूल्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको एक बार आप लोग पढ़ लेना मेरे एक्सप्लेन करने ऐसा कुछ भी नहीं है मैं एक सेकंड कमेंट पढ़ लेती हूँ मिनी लर्निंग यू थिंक मिनी जस्ट मिनी लर्निंग जस्ट इग्नोर देर विल बी पीपल ऑलवेज कमिटिंग सम काइंड ऑफ सो आप ध्यान मत दो मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ आप भी ध्यान मत दो ठीक है जब वो डाउट के लिए कहते हैं तो मैं पूछ लेती हूँ कभी मुझे लगता कभी है कभी जेनुअन डाउट ना छूट जाए बच्चे का या एटलीस्ट मैं तो जानती हूँ लेकिन कोई बच्चे ने अगर जस्ट अभी लाइव ज्वाइन किया तो उसको लगेगा यार यार डाउट पूछ रहा है और मैम उस बात को एड्रेस नहीं कर रही सो दैट इज रीजन वाई आई एड्रेस इज डाउट अदरवाइज यू डोंट हैव टू बोर अबाउट है जाने दो सब जगह पे सोशल जो आप कहोगे ना कि आ, सोशल फिल्ट्रेशन की जरूरत है बट है सब जगह पे कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो परेशान करने के लिए पैदा हुए फिर है रिशिता कह रही है एफर्ट्स बाय बाई इन एवरी एग्जाम वेरी कॉम्प्रेहेंसिव थैंक यू मैम आई एम एक्चुअली स्टडिंग समथिंग एल्स सो विल वॉच दिस लेटर बट जस्ट वॉन्टेड टू टेक द मोमेंट टू अप्रिशिएट थैंक्स अ लॉट रिशिता एंड आई फ्रीक्वेंटली सी योर कॉमेंट एंड ऑल सो थैंक यू फॉर टेकिंग द एफर्ट ऑफ अप्रिशिएटिंग अस है ना एंड आज अप्रिशिए ने मुझे लगता है रिकॉर्ड तो बना दिया क्योंकि हम एक बजे से पढ़ा रहे हैं सो so, एक बजे से सात बजने वाले हैं.

हस्बैंड के एयर्स है ठीक है अगर हस्बैंड की कोई और शादी थी या हस्बैंड की कोई पहली वाइफ थी और उनके जो बच्चे थे तो हस्बैंड के एयर्स के पास जाएगी हस्बैंड के और क्लास वन क्लास टू एयर्स के पास में जाएगी अगर वो भी नहीं है तो किसके पास जाएगी मदर और फादर के पास जाएगी यानी कि लड़की के खुद के माँ बाप के पास में जाएगी और अगर मदर फादर भी नहीं है तो किसके पास जाएगी फादर के एयर्स के पास जाएगी और अगर फादर के एयर्स भी नहीं है तो मदर के एयर्स के पास जाएगी फादर के एयर्स कौन चाचा चाची दादा दा, दादी ठीक है और अगर मम्मी वो भी नहीं है तो फिर मदर की फैमिली में मदर की एस के एज के ऊपर जाएगी मदर की एज के जाएंगे उसके पेरेंट्स हो जाएंगे उनके भाई बहन हो जाएंगे ठीक है तो ये सब लोगों के पास जाएगी प्रॉपर्टी लेकिन उसमें भी फिर आगे एक प्रोविजो दिया हुआ है ठीक है इट्स इज नो नॉट प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर फादर और मदर शैल डिवॉल्व इन एबसेंस ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द डिसीज And not upon to the heirs referred to in subsection one in order specified therein, but. अपॉन दी एयर ऑफ अर फादर यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी लड़की को उसके पिता से या माता से मिली हुई है तो इन दैट सिचुएशन वो प्रॉपर्टी अगर उसका कोई बच्चा नहीं उस लड़की की कोई संतान नहीं है तो फिर वो प्रॉपर्टी इस ऑर्डर में नहीं जाएगी जो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है वो क्या करेगी वो फादर की प्रॉपर्टी के पास जाएगी उसके खुद के फादर की प्रॉपर्टी के पास आए उसके खुद के फादर के पास आएगी उसके फादर के एयर्स के पास आएगी ठीक है एंड सिमिलरलीस इफ एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बायमेल हिंदू फ्रॉम हर हसबेंड और फ्रॉम हर फादर इन लॉ शेल्व डिवॉल्व शेल डिवॉल्व इन दी एबसेंस ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द डिस अगर किसी महिला को उसके पति से या उसके फादर इन लॉ से कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो और उसकी कोई औलाद नहीं है उसकी होती कोई संतान नहीं है तो फिर जो ऑर्डर सेक्शन पंद्रह में दिया उस ऑर्डर पर प्रॉपर्टी डिवॉल्व नहीं होगी बल्कि वो प्रॉपर्टी सीधे कहा जाएगी हस्बैंड के उसके पास चली जाएगी ठीक है हस्बैंड के जो वंशज है उनके पास चली जाएगी ये आपका सेक्शन 15 जो है बताता है फिर अपन आते हैं सेक्शन uh, 18 के ऊपर सेक्शन 18 जो है वो एक प्रोविज एक प्रोविजन uh, बता रहा है इट सेज फुल ब्लड शैल बी प्रेफर्ड ओवर हाफ ब्लड एयर्स रिलेटेड टू एन इंटरस्टेट बाय फुल ब्लड शैल बी प्रेफर्ड टू द एज़ रिलेटेड बाय हाफ ब्लड ठीक है इन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इन द सेम इन द सेम इन एवरी अदर रेस्पेक्ट यानी कि अगर जैसे आप मान लो वाइफ की प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व हो रही थी कहाँ जा रही थी उसके बच्चों को जा रही थी उसके हस्बैंड को जा रही थी अब बच्चों उसके हस्बैंड के केस में अगर कोई प्रॉपर्टी वापस डिवॉल्व हो गई कहां चली गई उसके हस्बैंड के, पा, के, के पास हस्बैंड के रिलेटिव के पास गई है तो उसमें भी जो हस्बैंड के फुल ब्लड से रिलेटेड लोग हैं ना तो उनके पास उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी यानी कि मेरी प्रॉपर्टी थी मैं मर गई बिना विल लिखे तो मेरी प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी मेरे हस्बैंड के पास में चली जाएगी या मेरे हस्बैंड के एयर्स के पास चली जाएगी अगर मेरे हस्बैंड भी नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ माय ओन चिल्ड्रन एंड माय हस्बैंड मेरे हस्बैंड के जो एयर्स हैं उनके पास चली जाएगी ठीक है अब मेरे हस्बैंड के एयर्स में से भी उन लोगों के उन लोगों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी जो फुल ब्लड से कनेक्टेड है मेरे हस्बैंड से ठीक है और जो मेरे हस्बैंड से हाफ ब्लड से कनेक्टेड है उनको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी फुल ब्लड वालों को सेकंड प्रायोरिटी हाफ ब्लड वालों को ठीक है बहुत ही बेसिक सा एक डिफरेंशिएशन है आई होप सबको समझ आ गया होगा है ना इसी के साथ में ये वाला एक्ट भी खत्म होता है बस एक चीज और अपन को देखनी बच रही है जो लिखी हुई है डिसक्वालिफिकेशन कब सक्सेशन से आप डिस्कालीफाई हो जाओगे वो लिखा हुआ है आपका इन फॉलोइंग सेक्शन देख लेते हैं एक बार क्या है डिसक्वालिफिकेशन सक्सेशन के राइट से आप कब डिस्कालीफाई हो जाओगे ये आपका बताया हुआ है सेक्शन 25, 26 और 28 में ठीक है सेक्शन 28 बेसिकली डिस्कालीफिकेशन नहीं है एक रिस्ट्रिक्शन है डिस्कालिफी 25 कहता है कि कभी भी अगर आप सेक्शन 25 कहता है डिस्वालीफाइडन मर्डर शैलक्वालीफाइड इन दॉपर्टी ऑफ दी मर्ड अगर मान लो आपको भाई के नाम करने वाले हैं आपको नहीं देने वाले उसमें से हिस्सा क्योंकि आपने हमेशा आप बहुत ही जलील टाइप की औलाद रहे हैं तो आपके फादर चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी आपके बड़े भाई को दे दें दे या आपकी बहन को दे दें अब आपको ये बात पता चल गई है तो उनको आपको उनका इंटेंशन पता चल गया तो आपने क्या किया वो अपनी विल लिख पाए उसके पहले आपने उनका मर्डर कर दिया ठीक है तो अब अगर आपने किसी व्यक्ति का मर्डर किया है तो आप उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते हो यह कहता है आपका सेक्शन सेक्शन ठीक है 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 मर्डरर मर्डरर को को रोकता है, को करता है। फिर आते हैं के हिंदू हैजन टू अनदर रिलीजन चिल्ड्रेन बोर्न टू हिम और आफ्टर नीटिव ऑफ देर एनी हिंदू रिलेटिव सच चिल्ड्रेन आर हिंदूज एट दि सक्सेन वेन दि सक्सेन ओपन यानी कि कोई व्यक्ति था उसने क्या किया हिंदुइज uh, uh, से कन्वर्ट हो गया मैं हूं मैंने मैं जाकर के इस्लाम कबूल कर लिया ठीक है तो जब मैंने अगर इस्लाम कबूल कर लिया है और इस्लाम कबूल करने के बाद में अगर मेरी कोई संतान होती देखो क्लियरली लिखा हुआ है वहां पर चिल्ड्रन बॉर्न टू हिम और हर आफ्टर सच कन्वर्जन यानी कि अगर कन्वर्जन से पहले कोई औलाद थी तो वो उसको तो मिल सकती है प्रॉपर्टी लेकिन अगर कन्वर्जन के बाद कोई औलाद हुई है ठीक है मेरी कोई अगर मेरा कोई बच्चा होता है मेरे कन्वर्ट होने के बाद जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया उसके बाद में तो फिर उसको मेरे प्रॉपर्टी में से मेरे फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा मेरी नहीं मेरे फादर की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा यानी कि वो भी क्या हो जाएगा डिस्कालीफाई हो जाएगा

एज प्रोवाइडेड इन दिस की क्या बता रहा है? कि कोई भी व्यक्ति को, अगर कोई है या कोई डिफॉर्मिटी है मान लो कि किसी का बच्चा जो है किन्नर पैदा हो जाता है ठीक है ट्रांसजेंडर किन्नर पैदा हो जाता है या फिर उस बच्चे को अम्म पोलियो ग्रस्त है वो बच्चा या आप मान लो कि उसके चार हाथ uh, प, चार हाथ uh, मतलब uh, दो uh, चार हाथ है चार पैर है या फिर उसके दो सर है तो ये कोई डिफॉर्मिटी है या उसको कोई डिसीज है बाय बर्थ उसको कोई है, कोई है है मेंटल डिसऑर्डर तो आप उसको उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते हो ठीक है ये ये आपका सेक्शन सेक्शन 28 28 कहता है, 28 साथ में ये भी कहता है है और साथ में भी कि इन दो ग्राउंड्स के अलावा आप किसी भी और ग्राउंड यानी कि इस एक्ट इस के अंदर अगर कोई भी ग्राउंड डिस्कालीफाई करने के लिए बताया गया है तो उस ग्राउंड के अलावा किसी भी और ग्राउंड पे आप क्या नहीं करोगे किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से सक्सीड करने से रोक नहीं सकते हो

फादर का मर्डर कर दिया तो क्या मान लिया जाएगा जब ये प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी ना मान लो इनके तीन सन थे सन 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 था ये ये है 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 और एक से ठीक तो तो अगर इस व्यक्ति ने ने अपने अपने फादर की हत्या कर सन वन ने हत्या कर अपने फादर की की हत्या हत्या कर कर दिया मान लिया जाएगा कि जब प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी ना तो उसका हिस्सा हिस्सा ऐसा लगेगा जैसे ये खुद ही पहले से मर चुका हो ठीक है क्या मान लेंगे कि फादर को मरने से पहले यही मर चुका था तो अब सिर्फ दो हिस्से लगेंगे प्रॉपर्टी के सन टू और सन थ्री के पास में ठीक है ये आपका सेक्शन ट्वेंटी सेवन कहता है और इसी के साथ में हमारा जो एक्ट है वो पूरा पूरा खत्म होता है और ट्वेंटी नाइन वगैरह दिया हुआ है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे वो मैंने आपको यहाँ पर डील कर लिए है ठीक है चलिए गाइस इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं सेशन खत्म करते हैं आई होप सबको सेशन समझ आया होगा अच्छा लगा होगा हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में कोई भी आप लोगों का टॉपिक जो है वो बचे नहीं हम सब कुछ कवर कर ले और बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से कवर करें ताकि आप लोग जो है एग्जाम आंसर लिखने के लिए क्या हो निपुण रहे या फिर आपको पूरे सब्जेक्ट की क्लैरिटी एक तरीके से मिल जाए ठीक so, well है जो भी थियोर पार्ट है सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करके पढ़ाने की कोशिश करी है आई होप आप सबको समझ में आया होगा बाई गाइज वील एंड द सेशन है